जो है वो दोस्तों खेलेंगे। इसके साथ साथ रिगिस खाबा जो है वो दोस्त चाकाबवा जो है वो आज का ये वाला मुकाबला खेलेंगे। लुक जोंगवी जो है वो दोस्तों ये वाला मैच खेलेंगे। वेलिंगटन मसाकाजा खेलेंगे ये वाला मुकाबला। इसके साथ साथ ब्लेसिंग मुजरबानी खेलेंगे। रिचर्ड नागारावा जो है वो दोस्तों आज का ये वाला मुकाबला खेलेंगे। तो ये तमाम की तमाम प्लेइंग 11 जो है वो टीम जिम्बाब्वे की हमें खेलते हुए दिखाई देगी, जहाँ पर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को भी जो है वो दोस्तों आप देख सकते हैं। मोहम्मद रिजवान एज ए सलामी बल्लेबाज पाकिस्तान की टीम के अंदर जो है वो दोस्तों खेलते हुए हमें दिखाई देंगे। डॉक्टर हबीब खान ने हमें ज्वाइन कर रखा है। जिम्बाब्वे का बेस्ट बॉलर कौन सा है, तो जिम्बाब्वे के बेस्ट बॉलर्स के बारे में भी हम अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जिम्बाब्वे के अंदर रिचर्ड नागारावा खेलेंगे। ब्लेसिंग मुजरबानी जो है वो दोस्तों इनके सबसे बेहतरीन बॉलर हैं। पिछली जो सीरीज हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो वहाँ पर ब्लेसिंग मुजरबानी ने एक ही मैच के अंदर 6 विकेट को अपने नाम किया था। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी थी। और पाकिस्तान का टूर जब टीम जिम्बाब्वे करने के लिए आई थी, तो वहाँ पर भी ब्लेसिंग मुजरबानी ने एक मैच के अंदर 5 विकेट को जो है वो अपने नाम किया था। सो लेट्स सी कि आज का ये वाला मुकाबला कैसे वाला है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जो है वो दोस्तों पहला T20 मुकाबला, जिसकी शुरुआत जो है वो अब से कुछ ही देर के बाद होने जा रही है। और अब देखते हैं कौन सी टीम इस मैच को जीती है। टॉस के बारे में आपको अपडेट्स प्रोवाइड करता चलूं, तो टॉस को विन कर लिया है टीम जिम्बाब्वे ने, और जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस को जीते हुए गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया है दोस्तों आज के इस मुकाबले के अंदर, जहाँ पर अब पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स और जिम्बाब्वे की टीम के प्लेयर्स भी जो है वो दोस्तों हमें ग्राउंड का रुख जो है वो करते हुए दिखाई देंगे आपसे कुछ ही लम्हात के बाद, जहाँ पर हरारे के स्टेडियम से होगा ये वाला मुकाबला। जो दोस्त अभी हमारे साथ जुड़े हैं, अभी के अभी जो दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाइस, आपको दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 के बारे में बताता चलूं, तो मोहम्मद रिजवान खेलेंगे एज ए ओपनर। पिछली सीरीज के अंदर 70 रन की 2 बेहतरीन पारियां खेली थी मोहम्मद रिजवान ने। एंड बाबर आजम जो है वो दोस्तों खेलेंगे टीम पाकिस्तान के अंदर, जो कि नंबर 2 की पोजीशन पर हमें खेलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों आज का ये वाला मुकाबला। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का, रोजे की हालत में आप तमाम दोस्त जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम के तमाम पाकिस्तान के फैंस, तमाम के तमाम जिम्बाब्वे के फैंस, थैंक यू सो मच फॉर स्ट्रिंग विद अस। यहाँ पर अब इस मुकाबले की शुरुआत जो है वो होने में कुछ ही टाइम मजीद बाकी है। बाबर आजम खेलेंगे दोस्तों नंबर 2 की पोजीशन पर, फखर जमान जो है वो नंबर 3 की पोजीशन पर हमें ये वाला मुकाबला खेलते हुए दिखाई देंगे। फखर जमान को जो है वो शर्जील खान के बारे में ये कहा जा रहा था कि शर्जील खान जो है वो आज का ये वाला मुकाबला खेल सकते हैं, लेकिन शर्जील खान नहीं खेलेंगे दोस्तों, और फखर जमान जो है वो उनकी जगह पर आज का ये वाला मुकाबला हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। जुनेद भाई बोलते हुए कि भाई मैच स्टार्ट कर, अरे भाई मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है कि मैं मैच को जो है वो स्टार्ट करूँ, मैच की शुरुआत जो है वो अब नहीं होगी, अब से कुछ ही लम्हात के बाद जो है वो मैच की शुरुआत हमें होते हुए दिखाई देगी, तो वेट करें आप तमाम दोस्त जैसे हम वेट कर रहे हैं, और जैसे ही मैच की शुरुआत होगी तो हम आपके साथ मौजूद रहेंगे, कोई किसी किस्म की चिंता जो है वो करने की ज़रूरत नहीं। हैदर अली को काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिल रहे हैं, और मेरे हिसाब से यंग प्लेयर हैं तो उनको चांसेस मिलने चाहिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं हैदर अली के साथ कि उनको टीम से ड्रॉप करें आप, और ड्रॉप करने के बाद जो है वो उनको टीम के अंदर दोबारा से मौका दें, कोई 1.5 साल का जो है वो अर्सा गुजारने के बाद जब आप उनको दोबारा से टीम के अंदर मौका देंगे तो वो मैच्योर हो चुके होंगे, वो हमें अच्छी क्रिकेट जो है वो दोस्तों आज का ये वाला मुकाबला खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। शर्जील खान को जो है वो दोस्तों एक दफ़ा फिर से नज़रअंदाज किया गया है, और उनकी जगह पर फखर जमान को जो है वो टीम के अंदर मौका दिया गया है, जहाँ पर अब देखने वाली बात यह होगी कि फखर जमान की ओर से किस किस्म की क्रिकेट जो है वो आज के इस मुकाबले के अंदर खेली जाती है। याद रहे दोस्तों कि पाकिस्तान की टीम जो है वो हमें एज ए सलामी ओपनिंग के तौर पर खेलते हुए, यानी कि पहले बल्लेबाजी करते हुए जो है वो टीम पाकिस्तान हमें आज के इस मुकाबले के अंदर दिखाई देगी। और इसी के साथ 10:30 तो दोस्त जो है वीडियो को लाइक करते हुए दिल से शुक्रिया भाई लोग आपका, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। जहाँ पर ब्लेसिंग मुजरबानी जो है वो टीम साउथ अफ्रीका के सबसे मेन बॉलर होंगे, तो पाकिस्तान के मेन बॉलर होंगे उस्मान कादिर, जो कि आज का ये वाला मुकाबला हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा रखो वीर जी जी। तो गाइज मैच की शुरुआत जो है वो अब से कुछ लम्हात के बाद होते हुए हमें दिखाई देगी। इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच बिटवीन दिस टू टीम्स, तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड। जहां पर पिच रिपोर्ट जो है वो अब पेश की जा रही है। ब्रो आज बी स्पोर्ट्स भी लाइव करेगा, इस वजह से आप क्लिक्स वाले भी आ सकते हैं। बी स्पोर्ट्स भाई मेरे यूट्यूब के ऊपर लाइव करेगा क्या? रियल
जी तो दोस्तों एक बढ़िया मुकाबला जो है वो होते हुए हमें दिखाई देगा इन दोनों टीम्स के दरमियान। bsports.pk, अरे भैया वैसे यार ये राइट्स तो जिम्बाब्वे के अंदर आने चाहिए, चलिए देखते हैं क्या बनता है, खुदा ही बेहतर करेगा, क्योंकि अगर तुम कुछ खराब लिखा हुआ तो हो जाएगा भाई। बी स्पोर्ट्स यूट्यूब के ऊपर नहीं, आई थिंक अपनी वेबसाइट्स के ऊपर लाइव करेगा। सारा खान आर यू देयर, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो थोड़ा चेकआउट करिएगा कि क्या सीन्स हैं। इस चैनल के ऊपर इंडिया में लाइव आएगा तो इंडिया के ऊपर जो है वो किसी भी चैनल के ऊपर लाइव नहीं आएगा ये वाला मुकाबला। फैन कोड के ऊपर जो है वो ये वाला मुकाबला आप लाइव देख सकते हैं शायद इंडिया के अंदर, जहाँ पर अब मैच की शुरुआत जो है वो दोस्तों होने में कुछ ही टाइम मजीद बाकी है। तो लेट्स सी मैच की शुरुआत होते हुए कौन सी टीम जो है वो आज के इस मुकाबले को विन करती है, जहां पर अब 10 मिनट से भी कम का वक्त जो है वो दोस्तों मजीद बचा हुआ मैच की शुरुआत होने में। 10 मिनट से भी कम का वक्त जो है वो मैच की शुरुआत होने में बचा हुआ है। तो दोस्तों पाकिस्तान की प्लेइंग 11 आपके बिल्कुल सामने है, जहां पर टीम पाकिस्तान के अंदर जो प्लेयर खेलेंगे वो होंगे कुछ यूं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो दोस्तों पाकिस्तान की टीम के अंदर मोहम्मद रिजवान खेलेंगे, एज इस्लामी बल्लेबाज बाबर आजम खेलेंगे, लेजेंड रियान ने हमें ज्वाइन कर रखा है, हेलो एंड वेलकम टू दिस लाइव स्ट्रीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारा साथ देने के लिए। एंड जो भी दोस्त जहाँ कहीं से मौजूद हैं वेलकम टू दिस लाइव स्ट्रीम एज वेल। भाई आपके लिए आइडिया है IPL में जो रैंक कर रहा है चैनल उस पर मत करो, कोई भी नहीं रैंक कर रहा भाई मेरे, कोई भी नहीं रैंक कर रहा IPL के अंदर, कौन सा चैनल रैंक कर रहा है, दोनों ही डाउन हैं। सो दो डिसलाइक दी कमेंट्री ई स्पोर्ट्स सेंट्रल जो है बोलते हुए कि पता नहीं क्यों दोस्त जो है वो ऐसा करते हैं, अरे भाई क्या कर सकते हैं हम, लोगों की मर्जी है, लोगों का काम है लाइक डिसलाइक करना, सो डोंट वरी। 1100 दोस्त जो है वीडियो को लाइक कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जहां पर रब बढ़िया मुकाबला इन दोनों टीम्स के दरमियान होते हुए हमें दिखाई देगा। और अब से कुछ ही देर के बाद मैच की शुरुआत जो है वो दोस्तों होते हुए हमें दिखाई देगी, जहां पर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को जो है वो आप देख रहे हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, बेस्ट ऑफ लक जी, थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट विशेज, और बस दुआ करें कि सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि बंदे ने अपनी मेहनत करनी है, सो दैट्स वाई कोई गलत काम तो होना नहीं चाहिए, देखते हैं क्या बनता है, बाकी खुदा को जो मंजूर हुआ। तो दोस्तों मैच की शुरुआत होने में अब 6 से 7 मिनट का वक्त बचा हुआ है मैक्सिमम, जहां पर मोहम्मद हफीज खेलेंगे दोस्तों, मोहम्मद हफीज के बाद हैदर अली खेलेंगे टीम के अंदर, इसके बाद जो है दोस्तों दानिश अजीज हमें खेलते हुए दिखाई देंगे आज का ये वाला मुकाबला। दानिश अजीज के बाद जो है वो दोस्तों फहीम अशरफ आज का ये वाला मुकाबला खेलने वाले हैं, फहीम अशरफ के बाद जो है वो दोस्तों अगला प्लेयर जो होगा वो होगा मोहम्मद नवाज, जो कि आज का ये वाला मुकाबला खेलेंगे दोस्तों। मोहम्मद नवाज जो है मिडल ऑर्डर के अंदर हमें बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। और इसी तरह दोस्तों अगर हम देख लेते हैं मोहम्मद नवाज के बाद उस्मान कादरी को, तो वो भी आज के इस मुकाबले का हिस्सा रहने वाले हैं, विद पार्ट ऑफ दिस टीम। एंड इसी तरह दोस्तों अगर हम देख लेते हैं उस्मान कादर के बाद आने वाले प्लेयर को, अरे भैया क्या हो गया, उस्मान कादिर को जो है वो दोस्तों टीम के अंदर मौका दिया गया है, आपके ख्याल से एक ऐसी चीज है या ये एक अच्छी चीज है, आपने हमें बता देना है कि उस्मान कादिर जिनको टीम के अंदर मौका दिया गया है वो आज के इस मुकाबले के अंदर जब खेलेंगे तो कैसे क्रिकेट खेलेंगे। जी तो दोस्तों टाइम कितना बचा हुआ है, 5 मिनट से भी कम का वक्त जो है वो दोस्तों मजीद बचा हुआ है। जस्ट बट गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगा भाई मेरे, आप किसी कंट्री के खिलाफ जो है वो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, जहां पर अब 5 मिनट का वक्त जो है वो दोस्तों मजीद बाकी है मैच की शुरुआत होने में। एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट मैच बिटवीन दिस टू टीम्स, एक बढ़िया मैच होते हुए हमें दिखाई दे सकता है, जहां पर पाकिस्तान की टीम जो है वो दोस्तों पहले बल्लेबाजी करेगी। तो लेट्स सी के पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस आज के इस मुकाबले के अंदर कैसी रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने कि पाकिस्तान की टीम जो है वो आज के इस मुकाबले के अंदर हमें पहले बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देगी। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच बिटवीन दिस टू टीम्स, जहां पर जिम्बाब्वे के बॉलर जो हैं वो दोस्तों आएंगे अब से कुछ ही देर के बाद। दोनों टीम्स के नेशनल एंथम्स जो हैं वो दोस्तों, दोनों टीम्स के जो है वो आपको बताता चलूं कि नेशनल एंथम्स अब गुनगुनाए जा रहे हैं, जहां पर अब पाकिस्तान का नेशनल एंथम चलते हुए टीम जिम्बाब्वे का जो है वो दोस्तों नेशनल एंथम चलते हुए, जिसके बाद मैच की बाकायदा तौर पे शुरुआत जो है वो हमें होते हुए दिखाई देगी। पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे बाबर आजम, तो टीम साउथ अफ्रीका की कप्तानी करेंगे दोस्तों, भला टीम जिम्बाब्वे की कप्तानी करेंगे
यहाँ पर विलियमसन और विलियम्स सीन विलियम्स जो है वो दोस्तों इस टीम की कप्तानी करेंगे, जहाँ पर एक बढ़िया मुकाबला होते हुए अब हमें इन दोनों टीम्स के दरमियान दिखाई देगा। आईपीएल की तबसरा करना सुनना चाहते हैं जी, शाम को हम अयूब इंसारी भाई आईपीएल के मैच का तबसरा भी जो है वो लेकर आपके साथ हाजिर हो जाएंगे। शाम के वक्त आईपीएल का मैच होगा तो उस मैच को भी जो है वो हम आपके साथ लेकर हाजिर हो जाएंगे। टॉस जो है वो दोस्तों इस मुकाबले का हो चुका है और टॉस को जीता है टीम जिम्बाब्वे ने। पिच की बात कर लेते तो पिच जो है वो दोस्तों आपको बताता चलूं कि बॉलर्स के लिए साजगार रहेगी। पिच के ऊपर जो है वो दोस्तों बॉलर्स को थोड़ी सी मदद इसलिए मिलेगी क्योंकि ये विकेट जो है वो दोस्तों थोड़ा सा स्लो बिहेव करेगी आज के इस मुकाबले के अंदर, और स्पिन बॉलर जो है वो इस विकेट के ऊपर हमें बढ़िया बॉलिंग करवाते हुए दिखाई दे सकते हैं। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बिल्कुल गाइस, जहां पर अब नेशनल एंथम्स जो है वो दोनों टीम्स के चलते हुए नेशनल एंथम्स ऑफ बोथ टीम्स जो है वो दोस्तों अब चलते हुए जिम्बाब्वे का नेशनल एंथम जो है वो दोस्तों अब गुनगुनाया जा रहा है, जिसके बाद दोनों टीम्स ग्राउंड के अंदर आएंगी एंड ग्राउंड के अंदर आकर जो है वो खेल का आगाज हो जाएगा। एक दफ़ा और लास्ट दफ़ा जो है वो आपको दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के बारे में हम बता देते हैं गाइस, जहां पर पाकिस्तान की टीम के अंदर जो है वो मोहम्मद रिजवान खेलेंगे, बाबर आजम खेलेंगे, फखर जमान खेलेंगे एंड इसी तरह दोस्तों मोहम्मद नवाज़ खेलेंगे एंड मोहम्मद हफीज़ खेलेंगे, हैदर अली दानियल अजीज़ को टीम के अंदर शामिल किया गया है, फहीम अशरफ खेलेंगे टीम पाकिस्तान के अंदर एंड इसी तरह मोहम्मद नवाज़ खेलेंगे एंड उस्मान कादिर जो है वो दोस्तों हमें खेलते हुए दिखाई देंगे, मोहम्मद हसनैन टीम का हिस्सा रहने वाले हैं एंड हारिस रऊफ जो है वो दोस्तों आज के इस मुकाबले का हिस्सा रहने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग बिटवीन दिस टू टीम्स, और एक बढ़िया मुकाबला जो है वो होते हुए हमें इन दोनों टीम्स के दरमियान दिखाई देगा। दोस्तों दोनों टीम के एंथम जो है वो अब कंप्लीट हो चुके हैं, जहां पर अब मैच की शुरुआत जो है वो अब से कुछ ही देर के बाद होते हुए हमें दिखाई दे रही है। नेशनल एंथम जो है वो दोस्तों अब दोनों टीम के पूरे हो चुके हैं, जहां पर अब मैच की शुरुआत जो है वो होते हुए हमें दिखाई देंगे। शाबाश की पीट आप जी, बिल्कुल अब जो है वो दोस्तों दोनों टीम्स के प्लेयर आएंगे ग्राउंड के अंदर। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच बिटवीन दिस टू टीम्स, एक बढ़िया मुकाबला जो है वो दोस्तों इन दोनों टीम्स के दरमियान होते हुए हमें दिखाई देगा। बॉल को हैंड ओवर कर दिया गया है टीम जिम्बाब्वे के प्लेयर्स के हाथों जो है वो दोस्तों अब गेंद को थमा दिया गया है, जहां पर अब पाकिस्तान के दोनों सलामी बल्लेबाज जो है वो हमें आते हुए दिखाई देंगे। बाबर आजम जो है वो दोस्तों आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए एंड बाबर आजम के साथ दूसरे प्लेयर को अगर हम देख लेते हैं तो वो भी आ जाएंगे अब बैटिंग करने के लिए, जहां पर मोहम्मद रिजवान होंगे। पाकिस्तान की टीम की तरफ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम अज कम 170 से लेकर 200 का टोटल जो है वो टीम पाकिस्तान की तरफ से बनाया जाएगा आज के इस मुकाबले के अंदर, जहां पर रब जो है वो दोस्तों हर्डल में मौजूद है टीम जिम्बाब्वे के तमाम प्लेयर्स। 1-2 मिनट का वक्त जो है वो दोस्तों मजबूत बचा हुआ मैच की शुरुआत होने में, जहां पर रब दोनों अंपायर जो है वो ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं। दोस्तों बाबर आजम आते हुए ग्राउंड के अंदर, मोहम्मद रिजवान आते हुए ग्राउंड के अंदर, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड दुआ करिएगा कि आज दोस्तों अब बाबर आजम आते हुए स्ट्राइक के ऊपर 1900 के आसपास दोस्त जो हमारे साथ आ चुके हैं। वेलकम एवरीवन टू दिस लाइव स्ट्रीम। ना जी ना, गलत लैंग्वेज यहाँ पर नहीं चलती भाई मेरे, डोंट यूज बैड लैंग्वेज हियर। डोंट यूज बैड लैंग्वेज जहाँ पर अब
जस्ट लाइक हॉकी कमेंट्री जी, बिल्कुल आपको हॉकी के अंदाज से जो है वो कमेंट्री होते हुए आज दिखाई देगी, जहां पर अब मैच की शुरुआत जो है वो दोस्तों होने जा रही है। मोहम्मद रिजवान जो है वो आ चुके हैं स्ट्राइक पर, देखना होगा कि रिजवान की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है दोस्तों, जहां पर अब 33 मैचेस के अंदर 6,557 रन बना रखे, 125 का उनका स्ट्राइक रेट है, 4 50 और 1 सेंचुरी जो है वो उन्होंने लगा रखी है, 104 का इनका बेस्ट स्कोर है जो कि हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। जबकि दूसरी तरफ होंगे बाबर आजम, बाबर आजम देखना होगा कि किस किस्म की बल्लेबाजी जो है वो दोस्तों आज के इस मुकाबले के अंदर करते हैं। 51 मैचेस के अंदर 1,940 रन बना रखे, 131 का इनका स्ट्राइक रेट है, 17 50 और 1 सेंचुरी जो है वो इन्होंने अपने क्रिकेट के अंदर जो है वो दोस्तों लगा चुके हैं, जहां पर 1200 दोस्त वीडियो को लाइक करते हुए जल्दी से मैच की पहली गेंद होने से पहले पहले तमाम दोस्त जो है वो 1500 लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमारा साथ देने के लिए। जहां पर अब वेलिंगटन मसाकज़ा जो है वो दोस्तों बॉलिंग लेकर आएंगे, पहली गेंद लेकर वेलिंगटन मसाकज़ा जो है वो दोस्तों बिल्कुल हैं तैयार, अपने बॉलिंग एंड पर हैं मौजूद दोस्तों वेलिंगटन मसाकज़ा। देखना होगा कि कैसी बॉलिंग करवाई जाती है, स्पिनर्स के साथ बॉलिंग की शुरुआत की गई है दोस्तों टीम जिम्बाब्वे की ओर से, और अब देखना होगा कि किस किस्म की जो है वो स्पिन बॉलिंग करवाई जाती है इनकी तरफ से। तारा खान आई थिंक हमें जो है वो एक लाइव स्ट्रीम को बंद कर देना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? टाइटल चेंज करना चाहिए क्योंकि किसी को स्ट्राइक आए। दोस्तों जहां पर पहली गेंद लेकर बॉलर आएंगे, विकेट में आती हुई गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, खेल दिया इस गेंद को वापस बॉलर के पास, स्क्वाड के साथ हम स्कोर रहते हुए 0 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। यार ये टाइटल पे स्ट्राइक देते हैं, ये टाइटल को। थैंक यू सो मच गाइज फॉर स्ट्रिंग विद अस। गेंद पैड्स पर आएगी, फ्लिक कर दिया स्क्रीन को लेग साइड की तरफ, कैप में है गेंद, सिंगल का हो जाएगा इजाफा। एक है स्कोर टीम पाकिस्तान का बिना किसी विकेट के नुकसान पे 3 दिनों के बाद। जी तो दोस्तों एक बढ़िया मुकाबला जो है वो होते हुए हमें दिखाई देगा इन दोनों टीम्स के दरमियान। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड दोस्तों, जहां पर अब स्कोर कार्ड जो है वो हमारे सामने आ चुका है, तो स्कोर कार्ड को जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। लाइव वीडियो दिखा रहा होगा लेकिन इस चीज का क्लियर थोड़ा नोट करिए। अगली गेंद को स्मैश कर दिया है और भेज दिया है इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। बहुत ही खूबसूरत हिटिंग करते हुए मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने चौका लगाया है दोस्तों और कमाल का चौका लगाते हुए मोहम्मद रिजवान। बस मुझे स्कोर कार्ड को जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेने दें आप। बिल्कुल गाइस, स्कोर कार्ड को जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा हमें, जहां पर अब एक बढ़िया शॉट खेला गया है और गेंद बढ़ते हुए जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। पहले ही ओवर के अंदर एक चौका जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा, बेहतरीन चौका जो है वो दोस्तों देखने को मिल जाएगा हमें मोहम्मद रिजवान के बल्ले से, जहां पर अब चौके के साथ ये प्लेयर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे। होना तो नहीं यार कुछ, ब्यूटीफुली प्लेड बाय मोहम्मद रिजवान, और रिजवान की ये खूबसूरती है दोस्तों के अच्छी शॉट्स लगाते हैं, बढ़िया शॉट्स लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं मोहम्मद रिजवान। जहां पर अब बॉलिंग के सिलसिले को जारी रखे हुए ये प्लेयर, और अगले ओवर के अंदर देखना होगा कि किस प्लेयर को जो है वो गेंदबाजी करने के लिए लाया जाता है। वी हैव टू वेट एंड सी कि अगले ओवर के अंदर जो है वो किस प्लेयर को बॉलिंग करवाने के लिए लाया जाएगा। गेम लेग साइड की तरफ खेलते हुए सिंगल को अपने नाम किया है, हमारा मलिक ने हमें ज्वाइन कर रखा है, वेलकम टू दिस लाइव स्ट्रीम एज वेल। शुक्रिया आपका भी हमारा साथ देने के लिए एंड शुक्रिया एवरीवन फॉर स्टेइंग विद अस।
बस थोड़ा सा फोकस आउट है और उम्मीद करेंगे कि कोई मसला नहीं बनेगा। आप भी नज़र रखिएगा और बताइएगा ज़रा मुझे कि क्या सीन्स बन रहे हैं। जी तो दोस्तों पहले ओवर के अंदर जो है वो थोड़ा सा अच्छी क्रिकेट खेलेगी, बढ़िया क्रिकेट खेलेगी, अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए प्लेयर हमें दिखाई देंगे, जहां पर रब स्कोर हो जाएगा मुकाबले के अंदर 60 टीम पाकिस्तान का बिना किसी विकेट के नुकसान पे। एक ओवर और एक गेंद का खेल जो है वो मुकाबले के अंदर हो चुका है पूरा, जहाँ बॉलर है तैयार अपने ओवर के लिए। गेंद लेकर आएंगे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, हिट कर दिया इस गेंद को वापस बॉलर के पास, एक और डॉट डिलीवरी, बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ खेला गया शॉट, जाएगी ये गेंद लॉन्ग ऑन के रीजन में, जहां पर फील्डर रहेंगे मौजूद करेंगे इस गेंद को फील्ड, एंड अब 8 रहते हुए स्कोर टीम पाकिस्तान का बिना किसी विकेट के नुकसान पे। मैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है जी, बिल्कुल मैच की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, जहां पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीम जो है वो हमें आपस में खेलते हुए दिखाई देंगी। 8 है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद बैकफुट पर रहते हुए कट किया है और बाबर आजम आउट होते हुए, जी हाँ दोस्तों कट करने की कोशिश में आउट हो चुके हैं बाबर आजम, जहां पर यह गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेने के बाद गई पॉइंट के फील्डर के हाथों में, और पॉइंट के फील्डर करेंगे इस गेंद को कैच, जहां पर पाकिस्तान की टीम जो है वो दोस्तों विकेट को लूज करते हुए, बिग विकेट गोज डाउन फॉर टीम पाकिस्तान, जहां पर यह गेंद गई सीधा पॉइंट के फील्डर के हाथों में, और पॉइंट की पोजीशन पर क्रेग अरवान जो है वो मौजूद थे जिन्होंने किया इस गेंद को कैच, और इस तरह टीम पाकिस्तान जो है वो दोस्तों अपनी पहली विकेट को लूज करते हुए, वाह वाह वाह, पहली विकेट को जो है वो टीम पाकिस्तान लूज करते हुए दोस्तों, जहां पर बाबर आजम ने 2 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया, गेंद को कट करने की कोशिश में आउट होकर गए हैं बाबर आजम, अब गेंद की तरफ वापस, जहां पर रब स्कोर हो जाएगा मैच के अंदर 8 टीम पाकिस्तान का 1 विकेट के नुकसान पे। एक ओवर और 3 गेंदों का खेल जो है वो मुकाबले के अंदर हो चुका है पूरा, बैकफुट पर रहते हुए पंच करना चाहते थे बल्लेबाज इस गेंद को, लेकिन नाकाम रहे वो, इस गेंद को जो है वो डाउन यानी कि ग्राउंड के नीचे ग्राउंड के पास जो है वो रखकर खेलने में, पर पहला दशक लगते हुए टीम पाकिस्तान को, एंड पहले दशक की सूरत में अब 8 रहेगा स्कोर टीम पाकिस्तान का 1 विकेट के नुकसान पे। एक ओवर और 3 गेंदों का खेल मैच के अंदर हो चुका है पूरा। आपकी फेवरेट टीम इन दोनों टीम्स में से कौन सी जल्दी से बता दीजिएगा आप तमाम दोस्त, जहां पर अब हरारे के मुकाम से जो है वो ये मुकाबला इन दोनों टीम्स के दरमियान खेला जा रहा है दोस्तों, और एक लाजवाब मुकाबला चलते हुए इन दोनों टीम्स के दरमियान, जहां पर 8 है स्कोर बिन 1 विकेट के नुकसान पे। जो भी बंदा गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है उसको टाइम आउट कर दें जरा प्लीज लाइव चैट के अंदर रहकर। फखर जमान जो है वो दोस्तों आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए, एंड फखर जमान की ओर से देखना होगा कि किस किस्म की जो है वो बल्लेबाजी की जाती है। फखर जमान मेन प्लेयर हैं अपनी टीम के, एंड लेट्स सी कि कैसी बल्लेबाजी करते हैं दोस्तों फखर जमान, जहां पर 43 मैचेस के अंदर 933 रन बना रखे हैं फखर जमान ने, और 137 के स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो दोस्तों फखर जमान हमें बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे आज के इस मुकाबले के अंदर, जहां पर 8 है स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। बॉलर है तैयार, गेंद लेकर आएंगे, बढ़िया गेंद मुजरबानी की, टप्पा लेने के बाद बाहर की तरफ निकली ये गेंद और बल्ले के आउटसाइड एज को मिस करते हुए गई है ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। That was a lovely delivery, बहुत ही कमाल ये गेंद, और ये गेंद जो है वो दोस्तों बल्ले का आउटसाइड एज मिस करते हुए गई है विकेट कीपर के दस्तानों में, जहां पर रब स्कोर रहते हुए मैच के अंदर 8 टीम पाकिस्तान का 1 विकेट के नुकसान पे। एक ओवर और 4 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर हो चुका है पूरा। आपके ख्याल से कौन सी टीम जीतेगी दोस्तों आज के इस मुकाबले को, ये आपने बता देना है हमें, जहां पर रब 8 है स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। बॉलर है तैयार, दी गेंद फखर जमान को आएगी, पैड्स पर आती हुई गेंद को फ्लिक कर दिया लेग साइड की तरफ, गैप में है गेंद, सिंगल का हो जाएगा इजाफा, एंड सिंगल के साथ ये प्लेयर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे, यहां पर रब स्कोर होते हुए 8 ही विकेट के नुकसान पे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस लाइव स्ट्रीम, राहुल दास भाई ने हमें ज्वाइन कर रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल दास भाई हमारा साथ देने के लिए, एंड जो भी दोस्त यहाँ कहीं से मौजूद हैं वेलकम एवरीवन टू दिस लाइव स्ट्रीम। मुजरबानी बाबर आजम की विकेट को जो है वो दोस्तों अपने नाम कर चुके हैं, जहां पर रब बॉलर हैं तैयार अपने ओवर के लिए, गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, हिट कर दिया इस गेंद को फखर जमान ने, मिड ऑन की पोजिशन पर मौजूद फील्डर के पास जाएगी ये गेंद, एक और डॉट डिलीवरी, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड हिट कर दिया था इस गेंद को, गैप में निकालना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन असफल रहे इस गेंद को गैप में खेलने में, और गेंद जाएगी सीधा फील्डर के पास, जहां पर रब स्कोर रहते हुए 8 टीम पाकिस्तान का 1 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर्स का खेल मैच के अंदर हो चुका है पूरा। पाकिस्तान की टीम ने जो है वो दोस्तों टॉस को विन किया आज के इस मुकाबले के, और टॉस को जीतने के बाद जो है वो टीम पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे की टीम ने जो है वो बॉलिंग करने का फैसला किया, और अब देखना होगा कि उनकी ये टीम जो है वो किस किस्म की बॉलिंग करवा पाएगी, जहां पर रब स्कोर हो जाएगा 8 1 विकेट के नुकसान पे।
जिम्बाब्वे की टीम बॉलिंग करते हुए दोस्तों, जहां पर उनका ये फैसला जो है वो बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। बाबर आजम आउट होकर गए हैं पवेलियन की तरफ वापस, जहां पर अब बाबर आजम की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो एक मेन प्लेयर है टीम पाकिस्तान की, लेकिन फिलहाल वो आउट हो चुके हैं दोस्तों। और आउट होने की वजह से वो कह लीजिएगा पाकिस्तान की टीम को लगते हुए बड़ा दचका शुरुआती ओवर के अंदर, जहाँ अगले ओवर की पहली गेंद लेकर बॉलर रहेंगे तैयार। अगले ओवर की पहली गेंद लेकर बॉलर आएंगे, अच्छी गेंद बैकफुट पर रहते हुए कट करने की कोशिश, लेकिन ये गेंद उनके बल्ले के आउटसाइड एज को मिस करते हुए जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में। लवली डिलीवरी, बहुत ही उम्दा ये गेंद, टप्पा लेने के बाद जो है वो दोस्तों ये गेंद मूव हुई और बल्ले को मिस करते हुए गई है विकेट कीपर के दस्तानों में, जहां पर रब स्कोर रहते हुए 8-1 विकेट के नुकसान पे पाकिस्तान की टीम को इस शुरुआती दचके की वजह से कह लीजिए कि थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बॉलर है तैयार, अभी गेंद को ड्राइव कर दिया है एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, बढ़िया शॉट लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग। एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर फील्डर रहेंगे मौजूद जो करेंगे इस गेंद को फील्डर। अब स्कोर रहते हुए मुकाबले के अंदर 8-1 विकेट के नुकसान पे, 2.2 ओवर्स का खेल मैच के अंदर हो चुका है पूरा। गुड कमेंट्री बाय यू, थैंक यू सो मच गाइस। 1500 लाइक्स जो है वीडियो के ऊपर होने वाले हैं, अगर आपने नहीं कर रखा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने के लिए। जहां पर अब 8 है स्कोर टीम पाकिस्तान का, 1 विकेट के नुकसान पे, 2 ओवर्स और 2 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर हो चुका है पूरा। बॉलर है तैयार, गेंद लेकर आएंगे मोहम्मद रिजवान को, आएगी ये गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया है एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर फील्डर रहेंगे मौजूद जो करेंगे इस गेंद को फील्ड। एंड इसी के साथ जो है वो दोस्तों अब स्कोर रहते हुए 8-1 विकेट के नुकसान पे, 2 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल मैच के अंदर हो चुका है पूरा। बढ़िया मुकाबला चलते हुए इन दोनों टीम के दरमियान, जहां पर अब टीम जिम्बाब्वे का जो है वो दोस्तों एक अच्छा स्टार्ट रहेगा, और जिम्बाब्वे की टीम जो है वो हमें अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आज के इस मुकाबले के अंदर दिखाई दे सकती है। 8 है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे, जहां बॉलर है तैयार, अगली गेंद लेकर आएंगे फ्रंट फुट पर आकर इस गेंद को खेल दिया थर्ड मैन के रीजन में, बल्ले का बारी के नारा लेते हुए जाएगी ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए, मच नीडेड बाउंड्री फॉर टीम पाकिस्तान, जहां पर काफी देर से बाउंड्री जो है वो दोस्तों नहीं आ पाई थी, लेकिन अब चौका लगाते हुए प्लेयर मोहम्मद रिजवान ड्राइव करना चाहते थे, इस गेंद को ड्राइव किया और गेंद बढ़ते हुए जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। With that 4, the score moves on to 12 on the loss of one wicket, जहां पर अब बॉलर है तैयार अपने ओवर के लिए गेंद लेकर। जो भी दोस्त हमारे साथ आ चुके हैं, आपका नाम लेना जो है वो इतना कह लीजिएगा आसान, शुक्रिया आपका हमारा साथ देने के लिए। जहां अगली गेंद फ्रंट फुट पर आकर खेल दिया इस गेंद को कवर्स के रीजन में, एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर फील्ड रहेंगे मौजूद जो करेंगे इस गेंद को फील्ड। एंड 12 रहते हुए स्कोर टीम पाकिस्तान का, 1 विकेट के नुकसान पे, जहां 2 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर हो चुका है पूरा। रिजवान ने जो है वो दोस्तों 10 रन बना रखे हैं, एंड रिजवान के साथ साथ पकड़ जमान ने जो है वो अब तक कोई रन नहीं बनाया 3 गेंदों का सामना करते हुए। बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए ये दोनों प्लेयर्स, बढ़िया क्रिकेट जो है वो दोस्तों खेलते हुए टीम जिम्बाब्वे, जो कि अब 12 के स्कोर पर पाकिस्तान की टीम की जो है वो 1 विकेट को गिरा चुकी है। जहां पर अब बॉलर हैं तैयार अपने ओवर के लिए गेंद लेकर, 12 ऑन द लॉस ऑफ 1 विकेट, जहां पर अब 2 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल मैच के अंदर हो चुका है पूरा। अगली गेंद बैकफुट पर रहते हुए गाइड कर दिया इस गेंद को थर्ड मैन के रीजन में, गैप में है गेंद और सिंगल को पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज, सिंगल के साथ जो है वो दोस्तों स्कोर होते हुए 13-1 विकेट के नुकसान पे। बैकफुट पर रहते हुए हल्के हाथों के साथ कट कर दिया था इस गेंद को थर्ड मैन के रीजन में, 13 होते हुए स्कोर टीम पाकिस्तान का, 1 विकेट के नुकसान पे, 3 ओवर्स और 1 गेंद, 3 ओवर्स का खेल जो है वो दोस्तों मैच के अंदर हो चुका है पूरा। वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर करिएगा, 1500 लाइक्स जो है वीडियो के ऊपर होने वाले हैं, अगर आपने नहीं कर रखा, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी तौर पर करिएगा। जहां पर अब जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस को जीतते हुए बॉलिंग करने का फैसला लिया है, और इनका ये फैसला देखना होगा कि कैसा साबित होता है। पाकिस्तान की टीम शुरुआती ओवर्स के अंदर जो है वो दोस्तों थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए, थोड़ा डाउन चलते हुए टीम पाकिस्तान, लेकिन अब देखना होगा कि मजीद जो है वो इनकी तरफ से किस किस्म की बल्लेबाजी की जाती है। जहां पर अब 13 है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे, 3 ओवर्स का खेल अब मैच के अंदर हो चुका है पूरा। जहां बॉलर है तैयार, विकेटों में आएगी ये गेंद, हल्का सा फ्लिक किया है इस गेंद को लेग साइड की तरफ, मिड विकेट के रीजन में फील्डर रहेंगे मौजूद जो करेंगे इस गेंद को फील्डर। अब स्कोर रहते हुए 14, 1 विकेट के नुकसान पे, 3 ओवर्स और 1 गेंद का खेल अब मैच के अंदर हो चुका है पूरा। अम्माज खान ने हमें ज्वाइन कर रखा है, एचडी क्रिकेट स्पोर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स क्रिकेट वेलकम टू दिस लाइव स्ट्रीम एज वेल। रिजवान ने 12 रन बना रखे। जो चीज दोस्तों मैं नोट कर रहा हूं वो ये है कि गेंद जो है वो बल्ले के ऊपर इतनी ज्यादा नहीं सही से आई, बिल्कुल दोस्तों गेंद जो है वो बल्ले के ऊपर इतनी अच्छे से नहीं आ पा रही। जहां पर अब बॉलर है तैयार, चार पिच गेंद और फखर जमान कैच आउट होते होते बाल बाल बचेंगे।
व्हाइट बॉल का सिग्नल जो है वो दिया गया है अंपायर की तरफ से। और अब व्हाइट बॉल के चलते हुए एक और सिंगल का हो जाएगा इजाफा, 14 होते हुए स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर और 2 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर हो चुका है पूरा। शॉर्ट पिच गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, इस गेंद को लीव करते हुए भेजा है विकेट कीपर के दस्तानों में, जहां पर अब 15 रहते हुए स्कोर टीम पाकिस्तान का बिना किसी विकेट के 1 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर और 1 गेंद का खेल हो चुका है मैच के अंदर पूरा। शॉर्ट पिच गेंद को पुल कर दिया है फखर जमान ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में, और गेंद बढ़ते हुए जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर एक और चौके के लिए। Beautifully played, nicely timed, and the ball races away towards backward square leg boundary. मिलेगा चौक एंड चौके के साथ ये प्लेयर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बढ़िया पुल शॉट। गेंद बड़ा शॉट खेलने की कोशिश फखर जमान की तरफ से नाकाम रहेंगे इस गेंद को कनेक्ट करने में, जहां पर अब 19 रहते हुए स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर और 2 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर हो चुका है पूरा। 19 ऑन द लॉस ऑफ 1 विकेट, जहां पर 3 ओवर और 3 गेंदों का खेल हो चुका है मैच के अंदर पूरा। मुजराबानी जो है वो दोस्तों अच्छी गेंदबाजी करवाते हुए रीच से जो है वो थोड़ा सा बाहर रखा था इस गेंद को, और गेंद को जो है वो भेज दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। बाबर आजम जो है वो दोस्तों आज थोड़ा सा फेल रहे, जहां पर अब देखना होगा कि अगले मैच के अंदर जो है वो उन्होंने कह लीजिए कि किस देखना होगा किस किस्म की बल्लेबाजी जो है वो इनकी तरफ से की जाएगी। जहां अगली गेंद, इस गेंद को फ्रंट फुट पर आकर खेल दिया है कवर की दिशा में, शॉर्ट कवर की पोजीशन पर फील्डर रहेंगे मौजूद, जहां पर अब 20 रहते हुए स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। गेंद फ्रंट फुट पर आकर खेल दिया है कवर्स की दिशा में, एक और सिंगल का जो है वो इजाफा, सिंगल के साथ होते हुए 20 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर और 5 गेंदों का खेल मैच के अंदर होते हुए पूरा। स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर और 5 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर होते हुए पूरा, जहां अगली गेंद फ्रंट फुट पर आकर इस गेंद को गाइड कर दिया थर्ड मैन के रीजन में, गैप में है गेंद, सिंगल का होते हुए इजाफा, एंड सिंगल के साथ ये प्लेयर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे। जहां पर अब स्कोर रहते हुए 21-1 विकेट के नुकसान पे जिम्बाब्वे है। जी बिल्कुल, जिम्बाब्वे की टीम जो है वो यहां पर अच्छी क्रिकेट खेलते हुए तो द स्कोर इज 21 ऑन द लॉस ऑफ 1 विकेट। शुक्रिया भाई लोग आपका साथ रहने के लिए। दोस्तों ये ओवर जो है वो अब पूरा हो चुका है। वीडियो का लाइक लाजमी तौर पे करिएगा, सही ढंग से कमेंट्री करो। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया भाई। अगली गेंद शॉट पिच गेंद और कैच को ड्रॉप करते हुए मोहम्मद रिजवान के कैच को जो है वो ये प्लेयर ड्रॉप करते हुए, जहां पर अब स्कोर रहते हुए 21-1 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर्स का खेल जो है वो अब चलते हुए मैच के अंदर। पुल करना चाहते थे, ये चीज जो है वो दोस्तों मैं पहले ही बोल रहा था कि जो शॉट्स हैं वो इतने बढ़िया से नहीं लग पा रही। जहां अगली गेंद को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड हिट कर दिया है लॉन्ग ऑन के रीजन में, गैप में है गेंद और बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद चौके के लिए। अब जो है वो मैं कह लीजिए कि अच्छे से कमेंट्री करने की कोशिश करूंगा। अरे भाई थोड़ा सा मसला आ रहा था, हमें कॉपीराइट स्ट्राइक का जो है वो इश्यू देखने को मिल रहा था, तो मैं इसकी रिसर्च कर रहा था कि कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक का इश्यू तो नहीं हमें आ रहा, तो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टच और थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस जो है वो
आपके साथ होकर लगा हुआ था, लेकिन अब जो है वो मैं अच्छे से बातचीत आपके साथ जारी रखने की कोशिश करूंगा, जहां पर इस गेंद को गैप में निकाला और भेज दिया इस गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, एंड चौके के साथ ये टीम जो है वो अपने स्कोर को आगे बढ़ाएगी, जहां पर अगली गेंद बढ़िया गेंद रिजवान के बल्ले को मिस करेगी और जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में। रुको अभी सबर करो, जी जी बिल्कुल, वाइड बॉल का सिग्नल दिया जाएगा अंपायर की तरफ से, वाइड बॉल के चलते हुए अब स्कोर हो जाएगा मुकाबले के अंदर 36 टीम पाकिस्तान का एक विकेट के नुकसान पे। जी हाँ गाइस, 26 होते हुए स्कोर, जहां पर बॉलर हैं तैयार अपने बची अगली गेंद लेकर, रिजवान ने 17 रन बना रखे, 16 गेंदों का किया है सामना, गेंद जो है वो बल्ले के ऊपर इतनी अच्छे से नहीं आ रही, जिसकी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स को थोड़ी दिक्कत का सामना है। अगली गेंद दौसम के काफी ज्यादा बाहर जाएगी, इस गेंद को जो है वो अपनी रीच से बाहर जाकर खेल दिया है कवर्स के रीजन में, जहां पर रब 26 रहते हुए स्कोर एक विकेट के नुकसान पे, 4 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर हो चुका है पूरा। दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के बारे में जो है वो आपको बताऊंगा मैं, दोनों टीम्स के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं, जहां पर रब रिजवान ने 17 रन बना रखे हैं, 17 गेंदों का किया है सामना, फखर जमान ने जो है वो दोस्तों 5 रन बना रखे, 6 गेंदों का सामना करते हुए, जहां एक दफा फिर बॉलर हैं तैयार जिन्होंने दौड़ना शुरू किया, तेज हुए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद कैच, गेंद को लैप करना चाहते थे मोहम्मद रिजवान, लेकिन ये गेंद उनके बल्ले को मिस करते हुए जाएगी विकेट कीपर के पास, और विकेट कीपर भी जो है वो दोस्तों इस गेंद को मिस करते हुए जहां पर सिंगल मिलेगी गेंद के ऊपर, एंड सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ेगा, 26 हो जाएगा स्कोर टीम पाकिस्तान का एक विकेट के नुकसान पे, बल्कि 27 होते हुए स्कोर एक विकेट के नुकसान पे, 4 ओवर और 4 गेंदों का खेल मैच के अंदर हो चुका है पूरा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में बताओ दोस्त का ये कहना है, तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में भी आपको मैं बता देता हूं अब से कुछ ही लम्हात के बाद, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड गाइस, जहां पर अब कह लीजिए कि कुछ ही देर के बाद मैं आपको बता दूंगा पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में, जहां पर रब स्कोर रहते हुए 27 एक विकेट के नुकसान पे, इस ओवर की जब इख्तितामी होगी तो मैं आपको बता दूंगा कि यहां पर पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं, जहां बॉलर हैं तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर आएंगे, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद स्लो रन, इस गेंद को बैकफुट पर रहते हुए खेल दिया है कवर्स की दिशा में, शॉर्ट कवर की पोजिशन पर फील्डर रहेंगे मौजूद जो करेंगे इस गेंद को फील्ड, एक और सिंगल का हो जाएगा इजाफा, एंड सिंगल के साथ अब स्कोर रहते हुए 28 टीम पाकिस्तान का एक विकेट के नुकसान पे, 4 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर होते हुए पूरा, जहां रिजवान ने 17 रन बना रखे, 18 गेंदों का सामना किया, फखर जमान ने 6 रन बना रखे हैं, 7 गेंदों का सामना करते हुए, जहां पर रब इनिंग्स जो है वो 3 रन एक्स्ट्रा इनिंग्स की सूरत में अब तक यानी कि 3 रन मिल चुके हैं टीम पाकिस्तान को, जहां बॉलर है तैयार एक दफा फिर अपने ओवर की गेंद लेकर दौड़ना शुरू किया, तेज हुए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद क्या शॉट पिच गेंद हैमर कर दिया है इस गेंद को लेग साइड की तरफ और गेंद बढ़ते हुए जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौका, ब्यूटीफुली प्लेड, नाइसली टाइम्ड एंड द बॉल रेसेस अवे टुवर्ड्स मिड विकेट रीजन, मिलेगा एक और खूबसूरत चौका, एंड चौके के साथ ये प्लेयर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे, जहां पर अब स्कोर हो जाएगा मुकाबले के अंदर 32 टीम पाकिस्तान का एक विकेट के नुकसान पे। नाइसली ड्रिवन टुवर्ड्स लेग साइड एंड जिम्बाब्वे की टीम जो है वो दोस्तों थोड़ी सी कह लीजिए कि अच्छी बॉलिंग करवाते हुए, लेकिन इस गेंद के ऊपर भरपूर अंदाज से फायदा उठाते हुए लगाया है चौका, चौके के साथ अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए प्लेयर, जहां पर रब 32 हो जाएगा स्कोर एक विकेट के नुकसान पे 5 के बाद। नाइस कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका हमारा साथ देने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस, थोड़ी फनी भी कमेंट्री करो, जी ठीक हो गया, लेकिन मैं आपको उससे पहले प्लेइंग 11 बता दूं दोनों टीम्स की, ये दोनों टीम्स के अंदर जो है वो कौन कौन से प्लेयर्स मौजूद हैं, ये देख सकते हैं आप पाकिस्तान की प्लेइंग 11, फखर जमान हैं दोस्तों, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज, हैदर अली, इसके साथ साथ जो है वो दोस्तों दानिश अजीज, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, एंड मोहम्मद नवाज के बाद उस्मान कादिर, मोहम्मद हसनैन एंड हारिस रऊफ जो है वो इस टीम का हिस्सा है, जहां पर अपने ओवर के लिए गेंद लेकर बॉलर आएंगे ऑस्ट्रम के, काफी ज्यादा बाहर जाती हुई ये गेंद और वाइड बॉल का सिग्नल दिया जाएगा अंपायर की तरफ से, बिल्कुल दोस्तों वाइड बॉल के चलते हुए अब स्कोर हो जाएगा मुकाबले के अंदर 37 टीम पाकिस्तान का एक विकेट के नुकसान पे। याद रहे दोस्तों टीम जिम्बाब्वे ने टॉस को विन किया और बॉलिंग करने का उन्होंने फैसला किया आज के इस मुकाबले के अंदर। 1650 दोस्त हमारे वीडियो को लाइक करते हुए दिल से शुक्रिया भाई लोग आपका, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। यहां पर एक दफा फिर फखर जमान को आएगी गेंद और फखर जमान अपनी क्रीज से बाहर निकल कर इस गेंद को खेल देंगे लॉन्ग ऑन के रीजन में, फील्डर गेंद के नीचे सीन विलियम्स और कैच को जो है वो दोस्तों ड्रॉप करते हुए जहां पर रब कैच आउट होते होते बाल बाल बचेंगे फखर जमान, एक रन का हो जाएगा इजाफा। फखर जमान को तो यूं ही लग रहा था कि वो कैच आउट हो जाएंगे, लेकिन कैच आउट होते होते बाल बाल बचेंगे ये प्लेयर जो, जी हां दोस्तों, जहां पर रब 34 रहते हुए स्कोर एक विकेट के नुकसान पे,
पांच ओवर और एक गेंद का खेल जो है वो अब मैच के अंदर हो चुका है पूरा। कैच को ड्रॉप किया गया। बिस्म भी इज विद अस, वेलकम टू दिस लाइव स्ट्रीम एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारा साथ देने के लिए। जहां पर अब रिजवान 21 के स्कोर पर मौजूद है, 19 गेंदों का उन्होंने कर रखा है सामना। गांगली गेंद पैड पर आएगी, फ्लिक कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के रीजन में, गैप में है गेंद, एक और सिंगल का होते हुए इजाफा दूसरे के लिए। वापस आना चाहते थे ये दोनों बल्लेबाज, लेकिन बनेगी सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही, एंड सिंगल के साथ अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे। जहां पर अब 35 हो जाएगा स्कोर एक विकेट के नुकसान पे। पांच ओवर जोर दो गेंदों का खेल मैच के अंदर हो चुका है गाइस। अब पूरा बढ़िया मुकाबला चलते हुए इन दोनों टीम्स के दरमियान। रिजवान जो है वो दूसरे रन के लिए वापस आना चाहते थे। व्हाट वुड बी एन इन उर्दू प्लीज, एन का नाम एन ही होता है। जहां पर अगली गेंद, इस गेंद को फ्रंट फुट पर आकर खेल दिया है कवर्स की दिशा में, एक और डॉट डिलीवरी एंड डॉट के साथ अब स्कोर हो जाएगा 35 एक विकेट के नुकसान पे। थोड़ी सी स्लो बल्लेबाजी इसलिए हो रही है, रीजन इसकी ये है दोस्तों कि यहाँ पर गेंद बल्ले के ऊपर इतनी अच्छे से नहीं आ पा रही। बाबर आजम आउट हुआ है जी, बिल्कुल बाबर आजम जो है वो जल्दी ही आउट हो गए थे। 5000 के ऊपर दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने के लिए। दूसरी और जहां पर अब 35 स्कोर एक विकेट के नुकसान पे। बॉलर है तैयार, अगली गेंद लेकर आ जाएंगे, बैकफुट पर आते हुए पंच कर दिया इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। फाकर जमान के बल्ले से निकला हुआ ये बेहतरीन चौका, और गेंद जो है वो दोस्तों ट्रैवल करते हुए जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या ही खूबसूरत शॉट लगाया गया है फाकर जमान की तरफ से। दोस्तों हम मैच लाइव नहीं दिखा सकते क्योंकि ये यूट्यूब है और यूट्यूब के ऊपर लाइव दिखाना जो है वो अलाउड नहीं है। बिल्कुल दोस्तों 39 रहते हुए स्कोर अब मैच के अंदर, जहां पर एक विकेट गिर चुकी है और अब कह लीजिएगा छठे ओवर का खेल मैच के अंदर चलते हुए। रिजवान ने 22 रन बना रखे, फखर जमान ने 11 रन बना रखे। जहां पर बॉलर है तैयार अपने ओवर के लिए, गेंद लेकर आएंगे पैड्स पर आती हुई, गेंद फ्लिक कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के रीजन में, गैप में है गेंद, सिंगल का इजाफा और दूसरे के लिए भी वापिस आते हुए ये दोनों बल्लेबाज। कमाल रनिंग बिटवीन द विकेट्स, लिख दीजिए आई 180। मैं आपको ना फ्री वक्त के अंदर यानी कि इनिंग्स ब्रेक के अंदर जो है वो लिख के आपको दूंगा कि एन जो है वो उर्दू में कैसा लिखा जाता है। जहां पर अब 41 स्कोर एक विकेट के नुकसान पे, छठे ओवर का खेल जो है वो मैच के अंदर भी चलते हुए। हमारी भी मजबूरी है कि हम यूट्यूब के ऊपर लाइव मैच नहीं दिखा सकते, अगर अलाउ होता तो लाजमी तौर पर जो है वो दोस्तों हम आपको लाइव दिखाते। जहां पर अब 41 स्कोर टीम पाकिस्तान का एक विकेट के नुकसान पे। जहां बॉलर हैं तैयार अपने ओवर के लिए, गेंद लेकर एक दफा फिर दौड़ना शुरू किया तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद क्या स्लो और वन दिया, गेंद बल्ले को मिस करते हुए जाएगी विकेट कीपर के पास और विकेट कीपर मिस फील्डिंग करते हुए दोस्तों एक रन का हो जाएगा इजाफा। सिंगल के साथ 41 होते हुए स्कोर एक विकेट के नुकसान पे। छठे ओवर का खेल जो है वो दोस्तों मैच के अंदर भी चलते हुए। पुल करना चाहते थे बल्लेबाज इस गेंद को लेग साइड की तरफ, लेकिन नाकाम रहे इस गेंद को खेलने में अच्छे से और गेंद जाएगी विकेट कीपर के पास। यहां पर अब 42 होते हुए स्कोर एक विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर्स का खेल मैच के अंदर हो चुका है पूरा। विच इज योर फेवरेट टीम जी, बिल्कुल दोस्तों आपने अपनी जो है वो फेवरेट टीम के बारे में बताना है हमें। जहां पर अब बॉलर अच्छी गेंदबाजी करवाते हुए, विकेट टू विकेट बॉलिंग करवाते हुए, पाकिस्तान का रन रेट इतना अच्छा नहीं है। पाकिस्तान की टीम को कम से कम 160-170 का टोटल जो है वो लाजमी तौर पे बनाना होगा अगर वो आज के इस मुकाबले को जो है वो दोस्तों जीतना चाहते हैं। तो लेट्स सी के वो आज के इस मुकाबले को जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। जहां पर अब स्कोर रहते हुए 42 एक विकेट के नुकसान पे 6 के बाद। नॉट अ गुड परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान, ऐसा कहना है दोस्त का, लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छी परफॉर्मेंस है क्योंकि पिच को अगर हम देख लेते हैं दोस्तों तो पिच जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए एक अच्छी विकेट कह लीजिए कि यहाँ पर समझी जा सकती है। बॉलिंग के लिए जो है वो दोस्तों ये एक अच्छी विकेट है। यहाँ पर अब बॉलिंग में तब्दीली की गई है दोस्तों, नए बॉलर को जो है बॉलिंग के लिए लाया गया है। विक्टो में आती हुई गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड हिट कर दिया इस गेंद को फील्डर के पास जो मौजूद है लॉन्ग वन की पोजीशन पर, करेंगे इस गेंद को फील्ड एंड इसी के साथ अब स्कोर रहते हुए 42 एक विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर और एक गेंद का खेल मैच के अंदर हो चुका है पूरा। ये तो दोस्तों अच्छी गेंदबाजी होते हुए, जहां पर अगली गेंद विक्टो में आती हुई गेंद और फखर जमान भी आउट हो जाएंगे जी, बिल्कुल दोस्तों फखर जमान आउट होकर जाएंगे पवेलियन की तरफ वापस, एक बड़ा धक्का लगते हुए। टीम पाकिस्तान को कट करना चाहते थे बल्लेबाज इस गेंद को, लेकिन नाकाम रहेंगे और गेंद आई थिंक जाकर विक्टो में टकराएगी। जहां पर अब फखर जमान बोल्ड होते हुए दोस्तों, और हो सकता है कि थर्ड अंपायर के पास भी जाया जाए।
कट करना चाहते थे फखर जमान, लेकिन नाकाम रहे इस गेंद को कट करने में और गेंद जाकर विक्टो में टकराई। अब देखना होगा कि थर्ड अंपायर के पास जाया जाता है या नहीं जाया जाता, क्योंकि ये गेंद जो है वो दोस्तों ऑफ स्टंप के बिल्कुल थोड़े से जो है वो किनारे से टकराई थी। सो दैट्स व्हाई एक और विकेट को जो है वो दोस्तों लूज करते हुए टीम फखर जमान अभी भी रुके हुए हैं दोस्तों अपनी बैटिंग क्रीज के अंदर। फखर जमान जो है वो अभी भी बैटिंग क्रीज के अंदर जो है वो दोस्तों रुके हुए हैं। देखना होगा कि अब क्या फैसला लिया जाता है अंपायर की ओर से, जहां पर अब 42 का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर्स और 2 गेंदों का खेल मैच के अंदर हो चुका है पूरा, जहां पर 92 के स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो बल्लेबाजी की फखर जमान ने अब तक जो है वो दोस्तों, और वो आउट हुए हैं या नहीं इस चीज़ को अभी चेक किया जाएगा। जी बिल्कुल गाइस, इस चीज़ को जो है वो अभी चेक किया जाएगा कि फखर जमान आउट हुए हैं या नहीं हुए, जहां पर अब थर्ड अंपायर के पास जाया गया है दोस्तों और फखर जमान अभी भी ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। चेक किया जाएगा इस चीज़ को कि ये गेंद डायरेक्ट जाकर टॉप ऑफ स्टंप से टकराई है या फिर ये गेंद विकेट कीपर के हाथ में गई। जी बिल्कुल दोस्तों, आउट का सिग्नल दिया जाएगा अंपायर की तरफ से, आउट का ही जो है वो सिग्नल दिया जाएगा अंपायर की तरफ से, थिंक सो। लेकिन फखर जमान अभी भी ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, वो ग्राउंड को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा रहे, क्योंकि वो इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं कि वो आउट हैं या नहीं हैं। और अब इस चीज़ को चेक किया जा रहा है दोस्तों रिप्ले की मदद से, तो फखर जमान के विक्टों में जाकर टकराएगी ये गेंद, जिसकी वजह से वो आउट होकर जाएंगे पवेलियन की तरफ वापस। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आउट होकर जाते हुए प्लेयर पवेलियन की तरफ वापस, जहाँ पर एक बढ़िया गेंद थी ये, कट करते हुए नाकाम रहे बल्लेबाज। 42 रहेगा स्कोर टीम पाकिस्तान का 2 विकेट के नुकसान पे, जहां मोहम्मद हफीज जो है वो दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। देखना होगा कि किस किस्म की बल्लेबाजी जो है वो मोहम्मद हफीज की तरफ से की जाती है। ही इज अ मेन प्लेयर फ्रॉम हिज टीम, सो लेट्स सी के मोहम्मद हफीज जो है वो दोस्तों कैसे चलते हैं, कैसी बल्लेबाजी जो है वो इनकी तरफ से की जाती है। जहां पर अब 42 रहते हुए स्कोर टीम पाकिस्तान का 2 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर्स और 2 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर हो चुका है लीजिए के पूरा। विकेट जो है दोस्तों गिरते हुए आज के इस मुकाबले के अंदर, जहां पर रब बल्कि दूसरे विकेट भी गिरते हुए 42 का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे, जहां अब स्ट्राइक पर मौजूद हैं दोस्तों मोहम्मद हफीज, प्रोफेसर मोहम्मद हफीज। देखना होगा कि आज इनका बल्ला चलता है या नहीं चलता, और चलता है तो किस किस्म का इनका बल्ला चलता है। जहां पर अब 1777 दोस्तों हैं वीडियो को लाइक करते हुए, दिल से शुक्रिया भाई लोग आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करने के लिए। जहां पर अब रिजवान ने 22 रन बना रखे 20 गेंदों का सामना करते हुए, हफीज ने कोई रन नहीं बनाया और किसी भी गेंद का जो है वो दोस्तों उनकी ओर से सामना नहीं किया गया। जहां पर अब बॉलर हैं तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, विक्टो में आती हुई गेंद पैड्स पर आएगी, ये गेंद फ्लिक कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के रीजन में, गैप में है गेंद, सिंगल का होते हुए इजाफा मोहम्मद हफीज के बल्ले से, सिंगल के साथ अब 42 रहेगा स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। हल्का सा फ्लिक किया था इस गेंद को लेग साइड की तरफ एंड अपनी टीम के स्कोर को जो है वो दोस्तों ये प्लेयर आगे बढ़ाएंगे। जहां पर अगली गेंद पैड्स पर आएगी, फाइन लेग की और खेलने की कोशिश, रन आउट होने का खतरा नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ, लेकिन मोहम्मद रिजवान ड्राइव करते हुए अपने आप को सेव करवाएंगे एंड इसी के साथ अब स्कोर हो जाएगा मैच के अंदर 43 टीम पाकिस्तान का 2 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर हो चुका है पूरा। हफीज आज कितने रन करेगा, हफीज के बारे में आपको बताता चलूं दोस्तों कि थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म और आउट ऑफ टच दिखाई दे रहे हैं मोहम्मद हफीज, जहां पर अब देखना होगा कि उनकी तरफ से कमबैक किया जाता है आज के इस मुकाबले के अंदर या नहीं। जहां अगली गेंद विकेटों में आएगी, इस गेंद को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेल दिया है वापस बॉलर के पास, एक और डॉट डिलीवरी, 44 रहते हुए स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर हो चुका है पूरा। यू कैन टेल मी अबाउट योर फेवरेट टीम, की आपकी फेवरेट टीम जो है वो इन दोनों टीम्स में से कौन सी है, जल्दी से बताइएगा आप तमाम दोस्त हमें। जहां पर अब रिजवान ने 23 रन बना, नहीं वो नहीं आते इस चैनल पर, ठीक हो गया, कौन नहीं आते, शाकिब खान भाई गलत लैंग्वेज यहां पर नहीं चलती, पता है आपको, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल आप ना करिए। लाइव दिखाने के बारे में आप बोल रहे हैं, तो लाइव ये यूट्यूब है मेरे दोस्त, यूट्यूब के ऊपर कोई भी बंदा लाइव नहीं दिखा सकता, जो लाइव दिखाएगा उसका चैनल 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाएगा। सो दैट्स वाई हम यहां पर लाइव नहीं दिखा रहे मेरे दोस्त, यही एक रीज़न है, वरना हम लाइव जो है वो लाजमी तौर पे दिखाते। 42 का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे 7 का खेल जो है वो अब मैच के अंदर जो है वो दोस्तों होते हुए पूरा, जहां पर विकेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, स्लो एंड लो विकेट है दोस्तों, इसी वजह से पाकिस्तान के रन जो है वो इतने बढ़िया नहीं बन पा रहे इस विकेट के ऊपर। तो लेट्स सी के पाकिस्तान की टीम जो है वो आज के इस मुकाबले के अंदर कितने रन को बना पाएगी। जहाँ पर अब
पाकिस्तान की टीम शुरुआती ओवर्स के अंदर जो है वो दोस्तों थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए आज के इस मुकाबले के अंदर 45 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे 7 के बाद 6 रन रेट चल रहा है टीम पाकिस्तान का, जो कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। इनको एक अच्छा रन रेट अपनाना होगा और एक बढ़िया स्कोर जो है वो बनाना होगा, जहां पर अब मोहम्मद हफीज स्ट्राइक पर मौजूद हैं, 3 गेंदों के ऊपर बना रखे इन्होंने 2 रन, जहां अपने ओवर के लिए गेंद लेकर बॉलर आएंगे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, हिट कर दिया है इस गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ते हुए, अगेन बॉलर के बिल्कुल हाथों से निकलकर 1 रन का हो जाएगा इजाफा एंड सिंगल के साथ हो जाएगा स्कोर अब मैच के अंदर 46 टीम पाकिस्तान का 2 विकेट के नुकसान पे। बढ़िया ये गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड हिट किया इस गेंद को, लॉन्ग ऑन के रीजन में गैप में थी ये गेंद, मिलेगी सिंगल एंड सिंगल के साथ हो जाएगा स्कोर अब मुकाबले के अंदर 46 2 विकेट के नुकसान पे, जहां बॉलर है तैयार रोशन के बाहर जाएगी ये गेंद और वाइट बॉल का सिग्नल दिया जाएगा अंपायर की तरफ से, काफी ज्यादा बाहर जा रही थी ये गेंद, बिना किसी छेड़छाड़ के भेज दिया इस गेंद को वापस बॉलर के पास, जहां पर अब 47 होते हुए स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे, बॉलर है तैयार गेंद लेकर आएंगे विकेटों में आती हुई गेंद, इस गेंद को फ्रंट फुट पर आकर खेल दिया है कवर्स की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर फील्डर रहेंगे मौजूद जो करेंगे इस गेंद को फील्ड, 48 रहते हुए स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे, 7 ओवर्स और 2 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर हो चुका है पूरा। नंबर 5 पर हैदर अली बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे और अब देखना होगा कि हैदर अली की तरफ से किस किस्म की बल्लेबाजी की जाती है, जहां पर अगली गेंद पैड पर आएगी, फ्लिक कर दिया है लेग साइड की तरफ इस गेंद को, एक और जो है वो सिंगल का हो जाएगा इजाफा एंड सिंगल के साथ अब स्कोर होते हुए 49 2 विकेट के नुकसान पे। चैनल को सब्सक्राइब बहुत ही कम दोस्त कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है, आप तमाम दोस्तों को सब्सक्राइब तो ना होने के बराबर आप तमाम दोस्त कर रहे हैं इस चैनल को, जहां पर अब 49 है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद विकेटों में आएगी, इस गेंद को हल्का सा फ्लिक करते हुए लेग साइड की तरफ सिंगल को पूरा करेंगे ये दोनों बल्लेबाज, 49 रहते हुए स्कोर 2 विकेट, बल्कि 50 रन को क्रॉस करेगी ये टीम, तालियां होनी चाहिए टीम पाकिस्तान के लिए, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 50 को क्रॉस कर दिया है टीम पाकिस्तान ने, जहां पर अब करंट रन रेट 5.5-6 का चलते हुए, जहां बॉलर है तैयार दी गेंद लेकर आएंगे इस गेंद को फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव कर दिया है एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, अनदर ब्यूटीफुली प्लेड शॉट और इसी शॉट के साथ मिलेगी सिंगल एंड सिंगल के साथ अब 51 हो जाएगा स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे, 8वें ओवर का खेल मैच के अंदर भी जारी है। रिजवान को जो है वो आज अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी, बिल्कुल आपने सही बोला, जहां अगली गेंद को गाइड कर दिया है मोहम्मद रिजवान ने थर्ड मैन के रीजन में, गैप में है गेंद और चौकी के लिए जाएगी ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, बहुत ही डेलिकेट अंदाज से इस गेंद को गाइड किया थर्ड मैन की तरफ, कोई मौका नहीं रहेगा किसी प्लेयर के पास के वो इस गेंद को रोके, हालांकि फील्डर इस गेंद को जो है वो दोस्तों कह लीजिए कि यहां पर डाइव करते हुए रोकने की कोशिश में थे, लेकिन वो इस गेंद को रोकने में रहेंगे नाकाम, चौके के साथ होते हुए स्कोर 51 2 विकेट के नुकसान पे, 7 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर हो चुका है पूरा। अच्छी डाइविंग फील्डिंग एफर्ट थी फील्डर की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली के इस गेंद को रोकने में रहेंगे नाकाम, जहां पर अब चौके के साथ हो जाएगा स्कोर 55 टीम पाकिस्तान का 2 विकेट के नुकसान पे, 8 ओवर्स का खेल अब मैच के अंदर चलते हुए, एक अच्छा ओवर रहेगा ये टीम पाकिस्तान के लिए, जहां पर इस ओवर के अंदर 10 रन बने टीम पाकिस्तान के लिए, एक अच्छी क्रिकेट खेली गई, जहां पर रब रिजवान जो है वो 25 के स्कोर पर मौजूद हैं, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद रिजवान अपनी टीम की ओर से, जहां पर रब 55 है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे, 12 ओवर्स का खेल जो है वो दोस्तों होना मजीद बाकी है। 1900 दोस्त जो है वीडियो को लाइक करते हुए दिल से शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जहां पर रब 55 है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे, नाइस कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग आपका कमेंट्री की तारीफ एंड हौसला अफजाई करने के लिए, थैंक यू सो मच। जहां पर अब गेंदबाज थे तैयार अपने ओवर के लिए, गेंद लेकर आएंगे बैकफुट पर रहते हुए, कट कर दिया इस गेंद को और एक लाजवाब कैच, वाह वाह वाह, व्हाट अ कैच बाय पॉइंट फील्डर जी, बिल्कुल दोस्तों एक लाजवाब कैच लिया गया है पॉइंट के फील्डर के द्वारा, जिन्होंने डाइव करते हुए इस गेंद को कैच किया और इस तरह पाकिस्तान की टीम जो है वो दोस्तों विकेट को लूज करते हुए कमाल का कैच लिया गया मुजरा बानी की तरफ से, जो मौजूद थे पॉइंट की पोजीशन पर, डाइव करते हुए स्किन को करेंगे कैच एंड इसी तरह जो है वो दोस्तों ये टीम अपनी विकेट को लूज करते हुए, विकेट को जो है वो दोस्तों ये टीम लूज करते हुए, जहां पर बहुत ही कमाल कैच डाइव किया और डाइव करते हुए इस अनबिलीवेबल कैच को जो है वो दोस्तों इस प्लेयर ने थामा है और इसी के साथ अब 55 रहते हुए स्कोर टीम पाकिस्तान का 3 विकेट के नुकसान पे। आप तमाम दोस्त जो है वो हमें सुपर चैट भी कर सकते हैं, आप तमाम दोस्त जो है वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वेलकम आप तमाम दोस्तों का हमारा साथ देने के लिए। जहां पर रब मैच जो है वो दोस्तों आगे बढ़ते हुए और एक अच्छा मुकाबला चलते हुए पाकिस्तान की टीम जो है वो दोस्तों लगातार अपनी विकेट को लूज करते हुए एक और विकेट को जो है वो दोस्तों लूज कर दिया, मिडल ऑर्डर जो है वो आज एक्सपोज हो जाएगा।
दानिश जो है वो दोस्तों आएंगे खेलने के लिए, इसके बाद हैदर अली आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। देखना होगा कि इन दोनों प्लेयर्स की तरफ से जो है वो किस किस्म की बल्लेबाजी की जाती है आज के इस मुकाबले के अंदर। जी बिल्कुल गाइस, दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 में के बारे में दोस्त पूछते हुए, तो दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 को भी आप देख सकते हैं। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद हफीज एंड इसी तरह दोस्तों हैदर अली, दानिश अजीज, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, उस्मान कादिर रैंडम, मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ, ये तमाम के तमाम प्लेयर जो है वो इस टीम का हिस्सा हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये तमाम के तमाम प्लेयर जो है वो पाकिस्तानी टीम के अंदर जो है वो हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि किस किस्म की बल्लेबाजी रहती है टीम पाकिस्तान की ओर से, जहां पर अब स्कोर हो जाएगा 55 तीन विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद पैड्स पर आएगी, इस गेंद को फ्लिक कर दिया है मिड विकेट के रीजन में, गैप में है गेंद, एक और सिंगल का होते हुए इजाफा। 1950 लाइक्स होने वाले हैं वीडियो के ऊपर, 4 लाइक्स की मजीद जरूरत है। अगर आपने नहीं कर रखा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जहां पर अब फखर जमान जो है वो दोस्तों आपको बताता चलो कि आउट होने वाले प्लेयर थे, और अब दानिश अजीज को बल्लेबाजी करने के लिए लाया गया है। 24 मैचेस के अंदर 419 रन बना रखे हैं, 130 का इनका स्ट्राइक रेट है दोस्तों, 359 होने लगा रखे हैं, 72 इनका बेस्ट स्कोर है जो कि ये बना चुके हैं अब तक T20 मैचेस के अंदर। देखना होगा कि आज के इस मुकाबले के अंदर इनकी बल्लेबाजी कैसी रहती है। जहां पर अब बॉलर है तैयार अपने वक्त की गेंद लेकर आएंगे, बैकफुट पर है, इस गेंद को स्मैश कर दिया मिड विकेट के रीजन में, गैप में है गेंद और बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद चौके के लिए। रिजवान यू ब्यूटी, कमाल चौका लगाते हुए दोस्तों मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने इस गेंद को बैकफुट पर रहते हुए पंच किया और भेज दिया इस गेंद को मिड विकेट के रीजन में, बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। दो फील्डर्स मौजूद थे लेकिन यह गेंद दो फील्डर्स को चीरते हुए जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। Nicely timed, beautifully played, and it's a 4 and चौके के साथ अब स्कोर हो जाएगा मुकाबले के अंदर। 60 टीम पाकिस्तान का 3 विकेट के नुकसान पे, 8 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर होते हुए पूरा। जहां अगली गेंद के ऊपर शफल करते हुए खेल दिया इस गेंद को वापस बॉलर के पास, एक और डॉट डिलीवरी डॉट के साथ स्टार्ट रहते हुए स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे, 8 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर हो चुका है पूरा। 2000 लाइक्स जो है वो दोस्तों वीडियो के ऊपर होने वाले हैं। यहां पर अगली गेंद लेकर बॉलर एक दफा फिर से आए, गेंद की अच्छा गेंद, पैड्स पर आएगी ये गेंद, इस गेंद को खेल दिया है लेग साइड की तरफ। Another beautifully played shot by Mohammad Rizwan, एक रन के साथ दूसरे के लिए भी वापिस आएंगे एंड 2 रन के साथ अपनी टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाएंगे ये प्लेयर। जहां पर 62 हो चुका है स्कोर टीम पाकिस्तान का 3 विकेट के नुकसान पे। रिजवान ने 35 रन बना रखे, 37 गेंदों का सामना किया, अजीज ने 1 रन बना रखा है गेंद का सामना करते हुए। जहां पर बॉलर एक दफा फिर से आएंगे, गेंद क्या विकेटों में आती हुई गेंद को फ्लिक कर दिया है मिड विकेट के रीजन में, गैप में है गेंद, beautifully played, nicely timed, और रिजवान जो है वो दोस्तों एक और अच्छी पारी खेलते हुए 36 के स्कोर पर चले गए हैं। 28 गेंदों का इन्होंने सामना कर रखा है। जहां पर अब आपको बताता चलूं कि सिर्फ और सिर्फ 13 ओवर्स का खेल बल्कि 11 ओवर्स का खेल जो है वो दोस्तों आज के इस मुकाबले के अंदर होना मजीद बाकी है। 11 ओवर्स का खेल जो है वो होना मजीद बाकी, सो लेट्स सी ये टीम जो है वो दोस्तों कितने रन बना पाएगी 11 ओवर्स के अंदर। कम से कम 160-170 का टोटल जो है वो टीम पाकिस्तान को लाजमी तौर पे बनाना होगा। 1,40,000 सब्सक्राइबर्स होने में, 15 सब्सक्राइबर्स की हमें मजीद जरूरत है। इस वीडियो के नीचे आपको थम्स अप का बटन मिलेगा, इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन मिलेगा और साथ साथ आपको जो है वो बेल का निशान भी मिल जाएगा, उसको आप जाकर अगर दबाएंगे तो आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। IPL के मैचेस को भी हम कवर किया करेंगे दोस्तों अगले आने वाले वक्त के अंदर। जहां पर अब 63 है स्कोर टीम पाकिस्तान का 3 विकेट के नुकसान पे 9 के बाद, जहां अब 11 ओवर्स का खेल जो है वो होना मजीद बाकी। जिम्बाब्वे की टीम की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस को जीते हुए बॉलिंग करने का फैसला किया आज के इस मुकाबले के अंदर। सुपर चैट नहीं हो रही जुबैर आलम भाई बोलते हुए, सुपर चैट नहीं हो रही तो आप हमें जो है वो इजी पैसा वगैरह कर सकते हैं। सुपर चैट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान से सुपर चैट नहीं होती, इंडिया से हैं अगर बाहर से हैं तो आप सुपर चैट कर सकते हैं। जहां पर अब बॉलर हैं तैयार अपने ओवर के लिए, गेंद लेकर आएंगे, पैड्स पर आती हुई गेंद को पुल करना चाहते थे मोहम्मद रिजवान लेकिन रहेंगे नाकाम और ये गेंद जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में। छोटी गेंद थी बटकी हुई गेंद, ब्रुल जो है वो दोस्तों ब्रुल जो है वो बॉलिंग करवाने के लिए आएंगे। जहां पर उन्होंने एक ओवर के अंदर बल्कि पहली ही गेंद के ऊपर एक रन दे रखा है। जहां अगली गेंद रिजवान को आएगी कट करने की कोशिश इस गेंद को, लेकिन नाकाम रहेंगे मोहम्मद रिजवान और ये गेंद उनके बल्ले को मिस करते हुए जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में। जहां पर अब 63 बल्कि 64 होते हुए स्कोर टीम पाकिस्तान का 3 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर्स का खेल मैच के अंदर हो चुका है पूरा। इजी पैसा नंबर बता दो जी आप बता सकते हैं, नहीं भाई आप अपना जो है वो जैज कैश नंबर या इजी पैसा नंबर दे दीजिए। 64 है स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे, 9 ओवर्स और 2 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर हो चुका है पूरा। मोहम्मद रिजवान जो है वो अच्छी बल्लेबाजी करेंगे,
आप अगर अगर अपने ब्रांड की प्रमोशन करवाना चाहते हैं, आप अगर किसी चीज़ की प्रमोशन करवाना चाहते हैं, तो फिर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वॉचिंग आपके सामने है, जहां पर अगली गेंद शॉर्ट पिच, अगेन पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के रीजन में, गैप में है गेंद, एक और सिंगल का हो जाएगा इजाफा एंड सिंगल के साथ हो जाएगा स्कोर 65 तीन विकेट के नुकसान पे। हमारा मलिक आप क्रिकटेल्स बाय वासिफ के ऊपर अकेले ही मोड हैं, तो आप चैनल का थोड़ा ध्यान रखें, जो गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है उसको रोकें थोड़ा सा। 65 है स्कोर तीन विकेट के नुकसान पे, 9 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर होते हुए पूरा, जहां पर बाबर आजम आज जल्दी आउट हुए, फखर जमान जल्दी आउट हुए, मोहम्मद हफीज जल्दी आउट हो चुके हैं, जबकि रिजवान 37 के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए दानिश अजीज ने एक रन बना रखा है। एक गेंद का क्या है अब तक सामना, जहां अब बॉलर हैं तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, जहां अगली गेंद तो में आएगी, अगेन बैक परते हुए निकाल दिया इस गेंद को लेग साइड की तरफ, गैप में अगेन और सिंगल मिलते हुए गेंद के ऊपर, एंड सिंगल के साथ हो जाएगा स्कोर अब मैच के अंदर 65 तीन विकेट के नुकसान पे। सुपर चैट अवेलेबल दिखाएगा बिकॉज आप पाकिस्तान से हैं, अगर आप VPN लगा कर करने की कोशिश करेंगे फिर भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पेमेंट मेथड जो है वो कोई अच्छा देना होगा। रिजवान 37 पर चले गए, 31 गेंदों का कर रखा है उन्होंने सामना, अजीज 2 के स्कोर पर मौजूद है, 2 गेंदों का उन्होंने भी सामना कर रखा है, जहां पर अब मलाइशिया से लोग बहादुर ने हमें ज्वाइन कर रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां अगली गेंद ड्राइव कर दिया इस गेंद को कवर्स के रीजन में, सिंगल मिलेगी गेंद के ऊपर एंड सिंगल के साथ हो जाएगा स्कोर अब 66 तीन विकेट के नुकसान पे, 9 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल मैच के अंदर होते हुए पूरा। अजीज को जो है वो दोस्तों अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी आज, उनका आई थिंक ये मैच है और डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ही जो है वो इससे पहले वो खेल चुके हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ये कि अभी तक नहीं खेले हुए इतने अच्छे अंदाज से वो। दीपक रमोला भाई ने भी हमें ज्वाइन कर रखा है, वेलकम टू दिस लाइव स्ट्रीम, जहां पर अगली गेंद बैकफुट पर आते हुए खेल दिया इस गेंद को पॉइंट की दिशा में, पॉइंट की पोजीशन पर फील्डर रहेंगे मौजूद, एक और डॉट डिलीवरी। हरारे स्पोर्ट्स क्लब से जो है वो दोस्तों ये वाला मुकाबला इन दोनों टीम्स के दरमियान लाइव चल रहा है, जहां पर पाकिस्तान की टीम जो है वो स्ट्रगल कर रही है। रीजन क्या है पाकिस्तान की टीम की स्ट्रगल करने की, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है वो दोस्तों यहां पर आपको बताता चलूं कि इस पिच के ऊपर इतनी अच्छी क्रिकेट इसलिए नहीं खेल पा रही, पिच जो है वो दोस्तों थोड़ी स्लो है, स्पिन बॉलर्स के लिए साजगार ये विकेट है, इसलिए पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं रह पा रही। प्लेइंग 11 क्या खेल रही है पाकिस्तान की टीम की, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस, जहां पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के हवाले से, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद हफीज, हैदर अली, इसके साथ साथ जो है वो दोस्तों दानिश अजीज, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, उस्मान कादिर, मोहम्मद हसनैन एंड जो है वो दोस्तों हारिस रऊफ जो है वो टीम पाकिस्तान का हिस्सा है। तो दोस्तों ये प्लेइंग 11 जो है वो हमें टीम पाकिस्तान के आज के इस मुकाबले के अंदर खेलते हुए दिखाई देगी, जहां पर एक बढ़िया मुकाबला चलते हुए इन दोनों टीम्स के दरमियान। ओनली रिजवान स्टे एट द विकेट, जी बिल्कुल दोस्तों, इसके बाद हैदर अली आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। स्कोर कार्ड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि स्कोर कार्ड के ऊपर जो है वो किस प्लेयर ने कितने रन बनाए। जहां पर अगली गेंद शॉट पिच, गेंद पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के रीजन में, गैप में है गेंद, अनदर सिंगल टेकन एंड सिंगल के साथ अब स्कोर होते हुए 68 टीम पाकिस्तान का तीन विकेट के नुकसान पे। छोटी गेंद थी पटकी हुई गेंद, और इस छोटी गेंद का भरपूर अंदाज से फायदा उठाते हुए पुल कर दिया इस गेंद को लेग साइड की तरफ मोहम्मद रिजवान ने, जो कि अब अच्छी पारी खेलते हुए लास्ट तक बल्लेबाजी करनी होगी मोहम्मद रिजवान को, अगर वो अपना स्कोर जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। जहां अगली गेंद पैड्स पर आएगी, फ्लिक कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के रीजन में, जाएगी ये गेंद फील्डर के हाथों में, जो करेंगे इस गेंद को फील्ड, एक और सिंगल का होते हुए इजाफा, सिंगल के साथ अब 68 हो जाएगा स्कोर तीन विकेट के नुकसान पे। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पे करिएगा, जहां पर इस वीडियो के नीचे आपको लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर स्टेइंग विद अस। यहां पर अब बॉलर है तैयार, अगली गेंद लेकर आएंगे विक्टो में आती हुई गेंद, फुलर लाइन गेंद को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बैटन पैड को साथ मिलाकर खेल दिया है कवर्स की दिशा में, एक और जो है वो सिंगल का होते हुए इजाफा एंड सिंगल के साथ अब स्कोर हो जाएगा 70 तीन विकेट के नुकसान पे। बढ़िया मुकाबला चलते हुए दोस्तों इन दोनों टीम्स के दरमियान। पाकिस्तान की टीम जो है वो आपको बताता चलूं कि इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाई है, लेकिन आज एक बड़ा मौका है टीम पाकिस्तान के पास कि वो उनका मिडल ऑर्डर जो है वो दोस्तों एक्सपोज हो, और मिडल ऑर्डर जो है वो अच्छी क्रिकेट खेलते हुए हमें दिखाई दे। इसी बीच इस गेंद को पुल कर दिया है लेग साइड की तरफ, गैप में है गेंद, सिंगल का होते हुए इजाफा, दूसरे के लिए वापिस आना चाहते थे ये दोनों बल्लेबाज, लेकिन सिंगल ही बनेगी गेंद के ऊपर, एंड विद दैट सिंगल द स्कोर मूव्स ऑन टू 72 इन द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। यहां पर अब एक अच्छा मुकाबला चलते हुए मिडल ऑर्डर का जो है वो दोस्तों आज इम्तिहान होगा टीम पाकिस्तान की तरफ से, और देखना होगा कि मिडल ऑर्डर जो है वो दोस्तों आज कैसी बल्लेबाजी करता है। जहां पर अब स्ट्राइक पर मौजूद है दानिश अजीज, दानिश अजीज को आएगी अगेन स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बैटन पैड को साथ मिलाकर खेल दिया इस गेंद को वापस बॉलर के पास, एक और डॉट डिलीवरी। ICC T20 रैंकिंग के अंदर पाकिस्तान की टीम जो है वो दोस्तों आपको बताता चलूं कि
नंबर चार पर मौजूद है, जहां अगली गेंद पैट पर आएगी, हल्का सा फ्लिक लेग साइड की और गैप में है गेंद, एक और सिंगल का हो जाएगा इजाफा। कितना स्कोर बनाएगी ये टीम, ये आपने बता देना है। चौथे नंबर पर मौजूद है टीम पाकिस्तान, और पाकिस्तान की टीम के दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो उन्होंने उनके पॉइंट्स की तादाद 262 है, ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स की तादाद 267 है, इंडिया के पॉइंट्स की तादाद जो है वो 270 है, और इंग्लैंड के पॉइंट्स 272 हैं, वो नंबर वन की पोजीशन पर मौजूद हैं दोस्तों। और हमें इस ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट जो है वो खेलते हुए दिखाई दे रही है तमाम के तमाम प्लेयर्स, जहां पर अब आखिरी 9 ओवर्स का खेल जो है वो आज के इस मुकाबले के अंदर होना मजीद बाकी है। देखना होगा कि 9 ओवर्स के अंदर ये टीम कितने रन बनाएगी। एक ही दरख्वास्त है आप तमाम दोस्तों से कि वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर करिएगा, एंड जो है वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी लाजमी तौर पर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर स्टेइंग विद अस। 74 on the last of 3 wickets, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ये भी आपने हमें बता देना है दोस्तों। जहां पर पाकिस्तान की टीम जो है वो बल्लेबाजी करते हुए रिजवान ने 40 रन बना रखे, 14 गेंदों का कर रखा है सामना, और एक अच्छे बल्लेबाज के रूप से जो है वो दोस्तों आगे बढ़ते हुए मोहम्मद रिजवान उम्मीद करेंगे कि एक बड़ी इनिंग्स जो है वो हमें खेलते हुए दिखाई देंगे आज के इस मुकाबले के अंदर, जहां पर अब कह लीजिए कि अजीज ने 7 रन बना रखे 7 गेंदों का सामना करते हुए। स्पिन बॉलर जो है वो दोस्तों रियान बुरल अपनी बॉलिंग करवाएंगे, जहां पर अपने ओवर के लिए गेंद लेकर बॉलर हैं तैयार। पहले ओवर के अंदर 4 रन दिए थे इन्होंने, और अब मेरे हिसाब से दूसरे छोर पर जो बैट्समैन मौजूद है दानिश अजीज, उनको थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, जहां पर अभी गेंद को कट करने की कोशिश में नाकाम रहेंगे मोहम्मद रिजवान, और यह गेंद उनके बल्ले का आउटसाइड एज मिस करते हुए जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में। जी हाँ गाइस, अच्छी गेंद थी, टप्पा लेने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली है गेंद, कट करना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन नाकाम रहेंगे इस गेंद को कट करने में, जहां पर अब बॉलर है तैयार। एक दफा फिर अपने ओवर के लिए गेंद लेकर आएंगे, कट कर दिया इस गेंद को, एक दफा फिर गेंद जाएगी पॉइंट के फील्डर के पास, पॉइंट की पोजिशन पर फील्डर रहेंगे मौजूद जो करेंगे इस गेंद को फील्ड। 74 रहते हुए स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे 2250 दोस्तों, हम वीडियो को लाइक करते हुए दिल से शुक्रिया भाई लोग आपका, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जहां अगली गेंद, एक और बढ़िया गेंद, विकेट टू विकेट बॉलिंग करवाई जा रही है, अच्छी बॉलिंग करवाते हुए दोस्तों ये प्लेयर रियान बुर, जहां पर उन्होंने 1.3 ओवर के अंदर 1.3 ओवर के अंदर 4 रन देकर कोई भी विकेट को अपने नाम नहीं किया हुआ, और अब गेंदबाज हैं तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। कोई भी फील्डर को स्लिप की पोजीशन पर नहीं रखा गया, रिजवान को फोर्स किया जा रहा है कि वो रिस्क लें, जहां पर छोटी गेंद, पटकी हुई गेंद, पुल कर दिया इस गेंद को लेग साइड की तरफ, एक और सिंगल का जो है वो हो जाएगा इजाफा। सिंगल के साथ 74 हो जाएगा स्कोर, बल्कि 75 हो जाएगा स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे। आशा सलीम, मोनू शर्मा ने हमें ज्वाइन कर रखा है, वेलकम टू दिस लाइव स्ट्रीम, आप तमाम भाइयों का हमारा साथ देने के लिए। जहां पर अब 75 है स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे, रिजवान ने बना रखे हैं दोस्तों 41 रन, और रन उन्होंने कर रखा है 38 गेंदों का सामना। दानिश अजीज लगाएंगे बड़ा शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, हवा में है गेंद और बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद 6 रन के लिए। हालांकि मौजूद थे मिड ऑफ की पोजीशन पर, लेकिन वो इस गेंद को रोकने में रहेंगे नाकाम, और गेंद जाएगी सीधा फील्डर के सर के ऊपर से होते हुए, फील्डर के हाथों से टकराते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बिग हिट बाय दानिश अजीज, और दानिश अजीज को जो है वो इसी किस्म की हिट्स लगाने की जरूरत है दोस्तों। जहां पर एक बड़ा शॉट लगाया गया दानिश अजीज की तरफ से, मिलेगा छक्का, और छक्के के साथ अभी 81 हो जाएगा स्कोर टीम पाकिस्तान का 3 विकेट के नुकसान पे। 11 ओवर और 5 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर हो चुका है पूरा। इसी किस्म की जो है वो दोस्तों क्रिकेट खेलनी होगी दानिश अजीज को। 81 है स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे, एंड अब रिजवान 41 के स्कोर पर मौजूद, दानिश अजीज 13 के स्कोर पर मौजूद, जिनको तेज क्रिकेट खेलनी चाहिए। डोमेस्टिक के अंदर इनका स्ट्राइक रेट 140 का है, जहां बैकफुट पर रहते हुए पंच कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के रीजन में, गैप में है गेंद, सिंगल का होते हुए इजाफा, एंड सिंगल के साथ अब स्कोर हो जाएगा 81 टीम पाकिस्तान का 3 विकेट के नुकसान पे। अच्छी क्रिकेट खेलते हुए टीम पाकिस्तान, क्योंकि ये विकेट ही ऐसी है दोस्तों, विकेट के ऊपर आपको बताता चलूं कि इतने ज़्यादा रन्स को वो जो है वो बनाना इतना आसान नहीं रहेगा। विकेट जो है वो स्पिन बॉलर्स के लिए साजगार है दोस्तों, और गेंद टर्न एंड बाउंस हो रही है, जिसकी वजह से बल्लेबाजी करना जो है वो इतना आसान नहीं है। जहां पर अब 82 रहते हुए स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे, 12 ओवर्स का खेल मैच के अंदर हो चुका है पूरा, बचा हुआ है कुछ ही ओवर्स का खेल होना दोस्तों, जहां पर अब 8 ओवर्स 48 गेंदें बची हुई, 48 गेंदों के ऊपर अब देखना होगा कि ये टीम कितने रन को बना पाएगी। जहां पर अब 12 के बाद 82 है स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही कम दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, पता नहीं क्यों लगता है कि आपको हमारी कमेंट्री और आपको हमारा ये चैनल अच्छा नहीं लगता। अगर अच्छा लगता होता तो आप दोस्त जो है वो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देते अब तक,
ऐसा नहीं किया गया। पाकिस्तान की टीम एवरेज जो है वो 6-7 रन पर ओवर लेने की कोशिश में है दोस्तों आज के इस मुकाबले के अंदर, जहां पर अब बॉलिंग में तब्दीली की गई है। जोंग वी को जो है वो दोस्तों बॉलिंग के लिए लाया गया है। देखना होगा कि किस किस्म की बॉलिंग जो है वो दोस्तों जोंग वी की तरफ से की जाएगी। इंडिया विल होस्ट T20 वर्ल्ड कप जी बिल्कुल, और इंडिया की टीम ने जो है वो पाकिस्तान की टीम को भी जारी करने की मंजूरी दे दी है, जहां पर बढ़िया गेंद और आई थिंक कैच को ड्रॉप करते हुए विकेट कीपर दानिश अज़ीज़ इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, लेकिन नाकाम रहेंगे और ये गेंद उनके बल्ले के आउटसाइड एज लेने के बाद विकेट कीपर के हाथों में जाएगी शायद, और विकेट कीपर जो है वो इस गेंद को पकड़ने में रहेंगे नाकाम। 83 रहते हुए स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे। काशिफ अली हमारे साथ आ चुके हैं, आखिर इंडियन इज विद अस, जो भी दोस्त चांग इससे मौजूद हैं वेलकम एवरीवन टू दिस लाइव स्ट्रीम, जहां पर विकेट कीपर जो है वो दोस्तों एक आसान सा कैच ड्रॉप करते हुए मिजबान ने बना रखे 41 रन, एंड अब दानिश अजीज जो है वो दोस्तों दूसरे छोर पर मौजूद है, 15 रन बना चुके हैं, 10 गेंदों का कर रखा है उन्होंने सामना। ज़ैप्रो गेमिंग ने जो है वो हमें ज्वाइन कर रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने के लिए, मुश्किल हालात में आपको लाइव कमेंट्री सुना रहे हैं इसलिए शुक्रिया अदा करते हुए, थैंक यू सो मच ब्रो, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जहां बॉलर हैं तैयार, दी गेंद लेकर आएंगे, पैड्स पर आएगी ये गेंद, हल्का सा फ्लिक लेग साइड की और गैप में है गेंद, एक रन को पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज और दूसरे के लिए भी वापिस आ जाएंगे। जबरदस्त रनिंग बिरथा विकेट इन दोनों प्लेयर्स की तरफ से, सिंगल को 2 रन में कन्वर्ट किया और अब 85 रहते हुए स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे। 12 ओवर और 2 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर हो चुका है पूरा। You can also super chat us. जी बिल्कुल दोस्तों, आप सुपर चैट भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एम तनवीर सर ने हमें ज्वाइन कर रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारा साथ देने के लिए। जहां पर ट्रॉफी की रोनमाई जो है वो दोस्तों कल हुई है और एक बढ़िया ट्रॉफी जो है वो दोस्तों देखने को मिली हमें इस सीरीज के लिए, जहां पर अब पाकिस्तान की टीम देखना होगा कि किस किस्म की क्रिकेट खेल पाएगी। एक बार फिर यह गेंद पैट्स पर आएगी, फ्लिक कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के रीजन में, एक दफा फिर जबरदस्त रनिंग बिरथा विकेट से, एक रन को करेंगे ये दोनों प्लेयर पूरा और दूसरे के लिए भी वापस आएंगे, एंड 2 रन के साथ हो जाएगा स्कोर अब 87 टीम पाकिस्तान का 3 विकेट के नुकसान पे। उम्दा रनिंग बिरथा विकेट, बड़ी शॉट्स लगाना इतना आसान नहीं है, सो दैट्स व्हाई यहां पर अच्छी रनिंग बिरथा विकेट करते हुए दोनों प्लेयर्स अपनी टीम के लिए, जहां पर अब 12 ओवर और 3 गेंदों का खेल हो चुका है मैच के अंदर पूरा, 87 है स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे। जहां पर जोंग वी को बॉलिंग के लिए लाया गया है, जिन्होंने 1.3 ओवर्स के अंदर 14 रन देकर अब तक कोई भी विकेट को अपने नाम नहीं किया। वीर स्लो कमेंट्री करो भाई, क्या करूं, जब स्लो कमेंट्री करता हूं तब भी आपको पसंद नहीं आती, जब तेज कमेंट्री करता हूं तब भी पसंद नहीं आती। जहां अगली गेंद लेग स्टंप को मिस करते हुए जाएगी ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, जहां पर अब स्कोर रहते हुए 88 टीम पाकिस्तान का 3 विकेट के नुकसान पे। व्हाइट बॉल का सिग्नल दिया जाएगा अंपायर की तरफ से, फॉल रिजवान ने 45 रन बना रखे हैं। अरे यार ये स्पैमर्स को टाइम आउट क्यों नहीं कर रहे आप, क्रिकटेल्स भाई वासिफ वाले मॉड, इतना काम तो कर ही देना आप। गेंद पैट्स पर आएगी, एक दफा फिर फ्लिक कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के रीजन में, गैप में है गेंद, अनदर सिंगल टेकन ऑन दिस डिलीवरी एंड सिंगल के साथ हो जाएगा स्कोर अब मुकाबले के अंदर बढ़ते हुए 89 टीम पाकिस्तान का 3 विकेट के नुकसान पे। वासिफ अली क्रिकटेल्स यूट्यूब चैनल, जी बिल्कुल दोस्तों नाम है मेरा वासिफ अली और मैं आपके साथ क्रिकटेल्स यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ हूं, जहां पर अब स्कोर रहते हुए 89 3 विकेट के नुकसान पे। अगले आने वाले मैचेस की कवरेज जो है वो देने की जो है वो आपको हम भरपूर अंदाज से कोशिश करेंगे। 2 से 3 कैचेस को जो है वो अब तक टीम जिम्बाब्वे ड्रॉप कर चुकी है और इसी वजह से पाकिस्तान की टीम जो है वो हमें एक अच्छा स्कोर बनाते हुए दिखाई दे सकती है आज के इस मुकाबले के अंदर। जहां पर अब बॉलर हैं तैयार अपने ओवर के लिए, गेंद लेकर जोंग वी जिन्होंने दौड़ना शुरू किया, तेज हुआ एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद किया स्लो रन, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेगी और फाइनली दानिश अजीज जो है वो दोस्तों आउट होते हुए गेंद को पुल करना चाहते थे दानिश अजीज लेग साइड की तरफ, लेकिन नाकाम रहेंगे और ये गेंद उनके बल्ले का एज लेने के बाद जाएगी फील्डर के हाथ में और इस तरह ये प्लेयर जो है वो विकेट को लूज करते हुए पाकिस्तान की टीम जो है वो दोस्तों विकेट को लूज करते हुए दानिश अजीज गेंद को पुल करने की कोशिश में आउट हो चुके हैं दोस्तों और आउट होकर गए हैं पवेलियन की तरफ वापस। यहां पर एक बड़ा धक्का लगते हुए टीम पाकिस्तान को, रब फहीम अशरफ हैदर अली ये तमाम के तमाम प्लेयर्स जो है वो बचे हुए हैं। एंड्रॉइड बिंड हमारे साथ मौजूद है जो पूछते हुए कि रोजा नहीं रखा हुआ है, रखा हुआ है भाई, रोजा भी रखा हुआ है हमने और आज लगता है कि रोजा खूब लगने वाला है। महबूब मालू भाई ने हमें ज्वाइन कर रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने के लिए। जहां पर अब स्कोर रहते हुए 89 4 विकेट के नुकसान पे, 12 ओवर और 5 गेंदों का खेल इस मुकाबले के अंदर हो चुका है पूरा।
डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिन दोस्तों को कमेंट्री का मजा आ रहा है वो हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको थम्स अप का बटन मिलेगा, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन भी मिलेगा, जहां पर अब 89 है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे। 12 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर होते हुए पूरा 2600 लाइक्स जो है वीडियो के ऊपर होने वाले हैं, 4 लाइक्स की मजीद जरूरत। तो दोस्तों मैच की बात कर लेते तो हैदर अली अब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। हैदर अली को जो है वो विस्फोटिक पारी खेलनी होगी आज के इस मुकाबले को जो है वो अपनी टीम के लिए अच्छा बनाने के लिए। सो लेट्स सी के हैदर अली की तरफ से जो है वो किस किस्म की बल्लेबाजी जो है वो दोस्तों आज के इस मुकाबले के अंदर खेली की जाती है, जहां पर अब 89 है स्कोर। मोहम्मद रिजवान की जहां तक बात कर लेते हैं दोस्तों, तो मोहम्मद रिजवान जो है वो अभी भी नॉट आउट है। हैदर अली ने 15 मैचेस के अंदर 251 रन बना रखे हैं, 135 का इनका स्ट्राइक रेट है, बढ़िया स्ट्राइक रेट है दोस्तों इनका, जहां पर अब बॉलर है तैयार अपने ओवर के लिए। गेंद लेकर हरारे स्पोर्ट्स क्लब से जो है वो ये वाला मुकाबला इन दोनों टीम्स के दरमियान चलते हुए, जहां पर अब हैदर अली को लास्ट तक बल्लेबाजी करनी होगी, तेज बल्लेबाजी करनी होगी अगर वो अपनी टीम को ये वाला मैच जितवाना चाहते हैं। दानिश अजीज आउट होकर गए हैं पवेलियन की तरफ वापस, बॉलर है तैयार अपने ओवर के लिए। गेंद लेकर आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, जहां अगली गेंद विकेटों में आएगी। इस गेंद को फ्रंट फुट पर आकर खेल दिया है, कवर्स की दिशा में सिंगल लेना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन सिंगल लेने में रहेंगे नाकाम, जिसके बाद अब स्कोर रहेगा मैच के अंदर 89 टीम पाकिस्तान का 4 विकेट के नुकसान पे। रिजवान का भी रोजा है जी, बिल्कुल रिजवान भी रोजा रखकर खेल रहे हैं दोस्तों। और आपको बताता चलूं कि दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड है जहां पर यह मैच इन दोनों टीम्स के दरमियान जारी है। और रिजवान जो है वो दोस्तों आपको बताता चलूं कि पिछली सीरीज सारी की सारी सीरीज के अंदर जो है वो रोजा रखकर खेलते हुए हमें दिखाई दिए थे। बहुत ही जबरदस्त किस्म के प्लेयर हैं मोहम्मद रिजवान, जो कि अपनी टीम को लीड करते हुए दोस्तों और आगे बढ़ाते हुए, जहां पर अब गेंदबाज हैं तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। 13 ओवर्स का खेल जो है वो दोस्तों अब हो चुका है मैच के अंदर पूरा, 13 ओवर्स का खेल हो चुका है मैच के अंदर पूरा, और 7 ओवर्स का खेल जो है वो मुकाबले के अंदर होना मजीद बाकी है। देखना होगा कि 7 ओवर्स के अंदर ये टीम कितने रन को जो है वो दोस्तों बना पाएगी। जहां बैकफुट पर आते हुए कट कर दिया इस गेंद को पॉइंट के रीजन में, पॉइंट के फील्डर ने डाइव करते हुए इस गेंद को रोका है और यकीनी चौका अपनी टीम के लिए बचाया। इनॉनमस डोंट यूज बैड लैंग्वेज हियर, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कते ही अलाउ नहीं है यहाँ पर भाई। बॉलर है तैयार, पैट्स पर आई ये गेंद, मोहम्मद रिजवान खेलना चाहते थे इस गेंद को लेग साइड की तरफ, लेकिन रहेंगे नाकाम। और अब 89 रहते हुए स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे। गेम में हार जीत होती रहती है और कोई बात नहीं, ये क्रिकेट है और एक अच्छा मैच चल रहा है इन दोनों टीम्स के दरमियान, तो मजा आएगा इस मैच को देखकर। जहां अगली गेंद को ड्राइव कर दिया है एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, रन आउट हो देगा खतरा, लेकिन मोहम्मद रिजवान सर्वाइव करेंगे क्योंकि फील्डर जो एक्स्ट्रा कवर पर थे दोस्तों वो इस गेंद को सही से पकड़ नहीं सके, अदरवाइज बैट्समैन मोहम्मद रिजवान रन आउट हो जाएंगे, हो सकते थे। जहां पर अब 47 के स्कोर पर चले गए हैं मोहम्मद रिजवान, 3 रन की उनको मजीद जरूरत है अपना अर्ध शतक पूरा करने के लिए। देखना होगा कि वो अपना अर्ध शतक पूरा कर पाएंगे नहीं। जहां पर अब रिजवान 47 के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, हैदर अली ने कोई रन बनाया गेंद का सामना कर रखा है, और अब हैदर है स्ट्राइक पर मौजूद जो करेंगे इस ओवर के लिए गेंद का सामना, बैकफुट पर आते हुए पंच कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के रीजन में, गैप में है गेंद, एक और सिंगल का हो जाएगा इजाफा। भाई वासे भाई पथक को कोई टाइम आउट दे रहा है क्योंकि वो गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए जो भी बंदा गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है उसको टाइम आउट दिया जाएगा। जहां अगली गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड हिट कर दिया इस गेंद को लॉन्ग रन के रीजन में, गैप में है गेंद, अनदर सिंगल टेकन ऑन दिस डिलीवरी, जहां पर अब स्कोर रहते हुए 91 टीम पाकिस्तान का 4 विकेट के नुकसान पे। मोनू शर्मा बोलते हुए जिम्बाब्वे से मत, अरे भाई और किससे हार रही है टीम पाकिस्तान ये भी मुझे बताइए। साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाकर हराया टीम पाकिस्तान ने, तो दैट्स व्हाई वो दिन जो है वो पुराने हो गए। जहां पर अगली गेंद पैट्स पर आएगी, इस गेंद को बैकफुट पर आते हुए खेल दिया है लॉन्ग वन के रीजन में, गैप में है गेंद, एक और सिंगल का हो जाएगा इजाफा, एंड सिंगल के साथ हो जाएगा स्कोर मैच के अंदर अब 94 में 3 विकेट के नुकसान पे। 14 ओवर्स और एक गेंद का खेल, बल्कि 14 ओवर्स का खेल जो है वो दोस्तों मुकाबले के अंदर हो चुका है पूरा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर स्टेइंग विद अस, दिल से शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमारा साथ देने के लिए आज के इस महारोमांचक मुकाबले के अंदर, जहां पर बाबर आजम जो है वो दोस्तों आज जल्दी आउट हो गए। बाबर आजम के जल्दी आउट होने की वजह से पाकिस्तान की टीम जो है वो हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है इस मुकाबले के अंदर, ना ही मोहम्मद हफीज चल पा रहे हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान की टीम जो है वो दोस्तों हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है आज के इस मुकाबले के अंदर। बहरहाल अब देखना होगा कि किस किस्म की बल्लेबाजी जो है वो टीम पाकिस्तान की तरफ से की जाएगी दोस्तों। डिटेल्स जी जी बिल्कुल, क्या हुआ मोहम्मद नईम भाई बताइएगा जरा मुझे। 2700 दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए
बॉलर है तैयार, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश हैदर अली के बल्ले से, लेकिन ये गेंद उनके बल्ले के आउटसाइड एज को मिस करते हुए जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में, जहां पर अब रहते हुए 93/4 विकेट के नुकसान पे। That was a lovely delivery, googly गेंद थी। और एक दफा फिर बॉलर है तैयार, ऑफ्सन के बाहर पिच होगी, अगेन फिर से ये गेंद बल्ले को मिस करते हुए जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में। जी तो दोस्तों, दो दफा जो है वो ये प्लेयर आउट होते होते बाल बाल बचेंगे, जहां पर रब 93 रहते हुए स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे। बॉलर है तैयार, पैट्स पर आएगी अगेन गुगली गेंद, रियान बुर्न की गेंद, इस गेंद को बैकफुट पर रहते हुए फ्लिक कर दिया लेग साइड की तरफ, गैप गैप में है गेंद, एक और सिंगल का हो जाएगा इजाफा। पतक भाई बोलते हुए गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता, अरे भाई ठीक हो गया, अगर आप अब आपको देख लेते अगर आप दोबारा से गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको टाइम आउट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। जहां पर अब 94 है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे, गेंद को गाइड किया है पॉइंट के रीजन में, बढ़िया शॉट, मिलेगी सिंगल, और इसी के साथ रिजवान जाते हुए 49 के स्कोर पर। एक रन की जरूरत है दोस्तों रिजवान को, देखना होगा कि वो अपने अर्धशतक अपनी 50 को पूरा कर पाएंगे या नहीं। 150 का स्कोर जो है वो पाकिस्तान की टीम को लाजमी तौर पे करना होगा। जहां पर रब बॉलर है तैयार, अली गेंद लेकर आएंगे बैकफुट पर, अदवे पंच कर दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ के रीजन में, गैप में अगेन एक और सिंगल का होते हुए इजाफा, हैदर अली चले जाएंगे 4 के स्कोर पर। और अब रिजवान जो है वो दोस्तों आपको बताता चलूं कि स्ट्राइक पर मौजूद होंगे, 49 के स्कोर पर मौजूद है रिजवान, एक रन की जरूरत है उनको अपनी 50 को पूरा करने के लिए। जहां पर अगली गेंद लेकर बॉलर आएंगे, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और बीट होते हुए मोहम्मद रिजवान, जाएगी ये गेंद उनके बल्ले को मिस करते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में, जहां पर एक रन की दूरी पर है मोहम्मद रिजवान अपनी 50 पूरा करने से। ये बिल्कुल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही रन की जो है वो जरूरत है इनको अपनी 50 को पूरा करने के लिए, देखना होगा कि वो अपनी 50 को पूरा कर पाएंगे या नहीं। जहां पर रब 40 है जी तो दोस्तों, स्कोर रहते हुए 96/4 विकेट के नुकसान पे, अभी भी एक रन की जरूरत है मोहम्मद रिजवान को अपनी 50 को पूरा करने के लिए, देखना होगा कि वो अपनी 50 को पूरा करने कर सकते हैं, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक तरफ 82 दोस्त जो है हमारे साथ मौजूद, ये तो दोस्तों ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इसके बाद जो प्लेयर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे वो भला कौन होंगे, वो होंगे दोस्तों फहीम अशरफ, और देखना होगा कि फहीम की तरफ से जो है वो किस किस्म की बल्लेबाजी की जाती है आज के इस मुकाबले के अंदर। फहीम इज अ गुड बैट्समैन, गुड ऑल अराउंडर प्लेयर, लेकिन हैदर अली को जो है वो दोस्तों अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना होगा। जहां यॉर्कर लेंथ गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, हल्के हाथों के साथ खेल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन के रीजन में हैदर अली ने। हैदर अली का जो है वो दोस्तों दांत टूटा हुआ है, अली का जो है वो एक डांट आई थिंक टूटा हुआ है। पहले ये बहुत ही कह लीजिए कि अच्छे प्लेयर हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो है वो इनकी तरफ से इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की गई है दोस्तों। जहां पर अब 97 है स्कोर टीम पाकिस्तान का 4 विकेट के नुकसान पे, 15 ओवर्स और एक गेंद का खेल मैच के अंदर हो चुका है पूरा। जहां मोहम्मद रिजवान करेंगे इस ओवर के लिए गेंद का सामना, बॉलर आए गेंद क्या स्लोर, इस गेंद को फ्लिक करते हुए तरफ मोहम्मद रिजवान सिंगल को पूरा करेंगे, और सिंगल के साथ अपनी 50 को जो है वो दोस्तों पूरा करते हुए मोहम्मद रिजवान, एक अच्छी इनिंग्स खेली गई है मोहम्मद रिजवान की तरफ से, जहां पर वो अपनी टीम के लिए जो है वो दोस्तों बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए स्लोली स्लोली अपनी टीम के स्कोर को जो है वो दोस्तों आगे बढ़ाते हुए। जहां पर रब 98 है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे, वेल फॉर्ट इनिंग्स, क्योंकि इस विकेट के ऊपर जो है वो दोस्तों बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं। 3000 लाइक्स जल्दी कर दीजिए अगर आपको मोहम्मद रिजवान की बल्लेबाजी अच्छी लगी तो दोस्तों। अब 98 रहते हुए स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे, जहां अगली गेंद विकेटों में आएगी और हैदर अली बोल्ड होकर जाएंगे पवेलियन की तरफ वापस। हैदर अली को जो है वो दोस्तों अगले मैच के अंदर मेरे हिसाब से मौका नहीं दिया जाएगा, स्मैश करना चाहते थे हैदर अली गेंद को, स्लो रन गेंद को मिस कर बैठे और गेंद जो है वो जाकर उनके विकेटों से टकराएगी दोस्तों। जहां पर अब पाकिस्तान की टीम जो है वो एक बड़ी विकेट का लूज करते हुए हैदर अली की सूरत में, दे विल लूज अ बिग विकेट हियर दोस्तों। जहां पर अब स्कोर हो जाएगा 98/5 विकेट के नुकसान पे, 15 ओवर और 3 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर होते हुए पूरा, 9 गेंदों के ऊपर 5 रन बनाए, स्लो रन ये गेंद थी, बल्ले को मिस करके ये गेंद जाकर रियल विक्टो सेट क्राई। हैदर अली से आज उम्मीदें थी कि वो एक बड़ी इनिंग्स खेलेंगी और बड़ी इनिंग्स खेलकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हैदर अली भी जो है वो दोस्तों मायूस करते हुए और आउट होकर चले गए हैं हैदर अली पवेलियन की तरफ वापस। यहां पर स्कोर रहते हुए मैच के अंदर
स्कोर जो है दोस्तों रहते हुए अभी भी 98 विकेट के नुकसान पे, 100 को भी क्रॉस नहीं किया हुआ टीम पाकिस्तान का स्कोर। 50 का टोटल लाजमी तौर पे बनाना होगा टीम पाकिस्तान को, जहां पर एक लो स्कोरिंग मुकाबला जो है वो दोस्तों इन दोनों टीम्स के दरमियान चलते हुए। जी बिल्कुल दोस्तों, एक लो स्कोरिंग मुकाबला जो है वो चलते हुए इन दोनों टीम्स के दरमियान। मोनू शर्मा जो है बोलते हुए कि आज फिर हिस्ट्री बनेगी। चलिए देख लेते हैं जिम्बाब्वे को। वैसे पाकिस्तान की टीम ने होने वाले 14 के 14 मैचेस के अंदर हरा रखा है, तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम ये वाला मैच जीत पाएगी या नहीं। अरे भाई गलती से हो गए आप टाइम आउट, पता क्या लेना है आप बाप ने इस बात से, बार बार एक ही चीज़ की, एक ही चीज़ को जो है वो आप रिपीट कर रहे हैं। वहीम अशरफ आज के 40 मैचेस के अंदर 256 रन बनाए हुए हैं इन्होंने, और पाकिस्तान की टीम को कम से कम 2 20-20 रन वाले ओवर जो है वो दोस्तों चाहिए, और अगर ये ओवर आ जाते हैं दोस्तों तो फिर अच्छी पोजीशन में जाती हुई दिखाई दे सकती है हमें टीम पाकिस्तान, जहां पर अब बॉलर है तैयार बैकफुट पर आते हुए पंच कर दिया इस गेंद को फहीम अशरफ ने। एक्स्ट्रा कवर के रीजन में गैप में है गेंद, सिंगल का होते हुए इजाफा, सिंगल के साथ 98 होते हुए स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे। बढ़िया शॉट लगाया गया बैकफुट पर रहते हुए इस गेंद को पंच करते हुए एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। जिम्बाब्वे को बहुत आसान टीम समझ रही थी टीम पाकिस्तान, जी बिल्कुल जिम्बाब्वे को जो है वो आसान टीम नहीं समझना चाहिए, और बल्कि किसी भी टीम को जो है वो दोस्तों आसान नहीं समझना चाहिए क्रिकेट के अंदर, क्योंकि जो टीम खेलती है वो अपनी फुल एफर्ट जो है वो करने की भरपूर अंदाज से कोशिश करती है। जहां रिजवान को आएगी अगली गेंद, 10 रन की गेंद, इस गेंद को बैकफुट पर आते हुए फ्लिक कर दिया लेगसाइड की तरफ, गैप में अगेन एक रन का इजाफा, दूसरे के लिए वापिस आएंगे और फहीम अशरफ रन आउट हो जाएंगे आई थिंक। जी हाँ दोस्तों, मुझे लग रहा है कि फहीम अशरफ रन आउट होकर जाएंगे पवेलियन की तरफ वापस। ओह माय गॉडनेस, पाकिस्तान स्ट्रगलिंग बिग टाइम इन दिस मैच, जहां पर इस गेंद को लेग साइड की तरफ खेलते हुए सिंगल को पूरा किया, ड्रैग थ्रो हुई, जी नहीं दोस्तों ड्रैग थ्रो तो नहीं हुई, लेकिन फहीम अशरफ रन आउट हो जाएंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, रन आउट होकर जाएंगे पवेलियन की तरफ वापस ये प्लेयर। ओह माय गॉडनेस, पाकिस्तान की टीम के साथ आज हो क्या रहा है जी। तो दोस्तों क्रिकेट जो है वो इसलिए बोलते हैं कि किसी की सखी नहीं होती, क्रिकेट के अंदर कुछ पता नहीं चलता कि कौन सी टीम कब क्या रूप इख्तियार कर ले। सो दैट्स व्हाई कमेंटेटर ब्रो किसी पर बहुत ज्यादा ब्लेम, अरे भाई ब्लेम नहीं लगाया, क्या हो गया आपको, मैंने ये बोला है कि यहाँ पर मॉड्स इसीलिए टाइम आउट करते हैं, जब कोई बंदा गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है आप तो दिल पे ही ले गए भाई, बस कर दें। 100 है स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे। 16वें ओवर का खेल जो है वो दोस्तों अभी मुकाबले के अंदर चलते हुए, जहां फहीम अशरफ रन आउट होकर जाएंगे पवेलियन की तरफ वापस। जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप तमाम दोस्त, जहां पर अब पाकिस्तान की टीम को कम से कम 30 से 40 रन जो है मजीद बनाने होंगे अगर वो एक अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं दोस्तों। और अब आउट हो चुके हैं फहीम अशरफ, रन आउट होकर जाएंगे पवेलियन की ओर वापस फहीम अशरफ, जहां पर एक बड़ा धक्का लगते हुए टीम पाकिस्तान को। 100 हो जाएगा स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे। 15 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर हो चुका है पूरा। तो दोस्तों 4 ओवर्स का खेल जो है वो भी बचा हुआ है, 4 ओवर्स के अंदर देखना होगा कि ये टीम कितने रन को बना पाएगी। ओनली एंड ओनली 4 ओवर्स टू गो इन दिस मैच, जहां पर अब एक बड़ा स्कोर बनाना होगा टीम पाकिस्तान को, कम से कम 140 से 150 का स्कोर जो है बनाना होगा अगर वो आज का ये वाला मैच जीतना चाहते हैं। शर्जील इज बेटर देन हैदर अली, जी बिल्कुल दोस्तों मुझे भी लगता है कि शर्जील को टीम के अंदर मौका देना चाहिए, दानिश अजीज की जगह पर सरफराज को जो है वो टीम के अंदर मौका देना चाहिए, इन दोनों प्लेयर्स को जो है वो अगले आने वाले मैचेस के अंदर जो है वो टीम के अंदर शामिल करना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, जहां अगली गेंद फुल टॉस बनाकर स्मैश कर दिया इस गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में, और मोहम्मद रिजवान लगाते हुए एक बेहतरीन चौका। पर आ रही थी गेंद और इस गेंद का भरपूर अंदाज से फायदा उठाते हुए लैप कर दिया इस गेंद को लेग साइड की तरफ और भेज दिया इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर एक और चौके के लिए। चौके के साथ हो जाएगा स्कोर मैच के अंदर अब बढ़ते हुए 104 टीम पाकिस्तान का 6 विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर्स का खेल जो है वो होना मजीद बाकी है। हसन अली इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, जी बिल्कुल दोस्तों मोहम्मद रिजवान जो है वो मोहम्मद नवाज जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। देखना होगा कि किस किस्म की बल्लेबाजी जो है वो दोस्तों इनकी तरफ से की जाती है, जहां पर अब 104 है स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे। 16 ओवर्स का खेल मैच के अंदर हो चुका है पूरा, और बचा हुआ है आज के इस मुकाबले के अंदर 4 ओवर्स का खेल होना। ओनली एंड ओनली 4 ओवर्स टू गो, 24 गेंदों का खेल जो है वो दोस्तों बचा हुआ है। देखना होगा कि ये टीम 24 ओवर्स के अंदर कितने रन को बनाती है, जहां पर अब स्कोर रहते हुए 104। मोहम्मद रिजवान की रहेंगे दोस्तों, और मोहम्मद रिजवान को लाजमी तौर पर लास्ट तक बल्लेबाजी करनी होगी। और इसी के साथ 2900 दोस्त जो है वीडियो को लाइक करते हुए, बहुत शुक्रिया भाई लोग आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।
हैदर अली नाकाम रहे आज, बाबर आजम नाकाम रहे आज, और पाकिस्तान की बल्लेबाजी ही जो है वो दोस्तों हमें नाकाम रहते हुए दिखाई दी। नवाज को जो है वो आज खेलना होगा, अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी अपनी टीम की ओर से, जहां पर रब 104 है स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे 16 ओवर्स के बाद। मुजारबानी की गेंद, स्लो रन गेंद, इस गेंद को बैकफुट पर रहते हुए फ्लिक कर दिया लेग साइड की ओर, गैप में है गेंद, मिलेगी सिंगल, एंड सिंगल के साथ अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे ये प्लेयर, जहां पर रब 105 है स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे। हल्का सा फ्लिक किया इस गेंद को लेग साइड की तरफ और फ्लिक करते हुए सिंगल को पूरा करेंगे ये प्लेयर। स्लो रन गेंद थी, मोहम्मद रिजवान ने पिछले ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर लगाया चौका और चौके के साथ जो है वो दोस्तों अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया 100 रन को क्रॉस करते हुए टीम पाकिस्तान, जहां पर अब 23 गेंदों का खेल होना मजीद बाकी है। की वो पारी आपको याद होगी जो इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली थी, रिजवान की वो पारी आपको याद होगी जो इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलकर अपनी टीम को वो वाला मैच जितवाया था, जहां पर अब स्कोर रहते हुए मैच के अंदर 105 6 विकेट के नुकसान पे। बॉलर हैं तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, मुजराबानी अपनी बॉलिंग करवाएंगे, एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के जो है वो ये प्लेयर हैं। हसन अली आज का ये वाला मुकाबला आपको बताता चलूंगा, इसके नहीं खेल रहे मोहम्मद, जो दूसरे प्लेयर है उस्मान कादिर उनको टीम के अंदर शामिल किया गया, मोहम्मद अस्तान को और हारिस राउफ को भी जो है वो टीम के अंदर शामिल किया गया है, जहां पर अब बॉलर हैं तैयार अपने ओवर के लिए, गेंद लेकर आएंगे स्लो रन गेंद, इस गेंद को बैक पर रहते हुए गाइड कर दिया थर्ड मैन के रीजन में, शॉर्ट थर्ड मैन की पोजीशन पर फील्डर रहेंगे मौजूद, एक और डॉट डिलीवरी। नवाज मारेगा, नवाज को आज मारना चाहिए और मारना जो है वो दोस्तों बनता है उनको, क्यों बला, रीजन ये है क्योंकि आज पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर टॉप ऑर्डर नाकाम रहा, रन आउट हुए फहीम अशरफ, जिनसे आज बड़ी जो है वो कह लीजिए कि उम्मीदें थी कि वो एक अच्छी इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन वो रन आउट होकर गए हैं दोस्तों। पवेलियन की तरफ वापस, 106 ऑन द लॉस ऑफ 6 विकेट्स आफ्टर 16.2 ओवर्स। मुजारबानी इज बॉलिंग प्रीटी नाइसली इन दिस मैच, जो कि अपने ओवर के लिए गेंद लेकर एक दफा फिर से तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, अपने ओवर के लिए गेंद लेकर बॉलर आएंगे, गेंद की अच्छा गेंद, स्लो रन गेंद, इस गेंद को बैकफुट पर रहते हुए फ्लिक कर दिया मिड विकेट के रीजन में, गैप में है गेंद, एक रन को पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज और दूसरे के लिए भी वापिस आ जाएंगे, कमाल रनिंग विद द विकेट्स इन दोनों प्लेयर्स की तरफ से, जो कि अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले जो है दोस्तों फहीम अशरफ ऐसे ही रन आउट हुए थे, जहां पर अब स्कोर हो जाएगा मुकाबले के अंदर 108 6 विकेट के नुकसान पे, 16 ओवर और 3 गेंदों का खेल मैच के अंदर हो चुका है पूरा। 3000 लाइक्स जो है वो होने वाले हैं वीडियो के ऊपर और 2000 लाइक्स जो है दूसरी तरफ तमाम दोस्त कर चुके हैं, जहां पर अब रिजवान ने बना रखे हैं दोस्तों 56 रन, 51 गेंदों का किया है सामना, नवाज ने बना रखे 3 रन, 2 गेंदों का कर रखा है उन्होंने भी सामना, जहां पर अब हरारे स्पोर्ट क्लब से ये वाला मुकाबला इन दोनों टीम्स के दरमियान चलते हुए। पिच जो है वो दोस्तों बॉलिंग के लिए साजगार और इस मैच के अंदर हमें फुल ऑन पता चल रहा है कि ये पिच जो है वो बॉलिंग के लिए साजगार है, जहां बॉलर हैं तैयार, दी गेंद लेकर आएंगे, ऑस्ट्रम के बाहर जाती हुई गेंद बल्ले के आउटसाइड एज को मिस करेगी और जाएगी अगेन विकेट कीपर के दस्तानों में, स्मैश करना चाहते थे बैट्समैन इस गेंद को लेकिन नाकाम रहे, जहां पर यह गेंद उनके बल्ले का आउटसाइड एज मिस करते हुए गई है विकेट कीपर के दस्तानों में और अब स्कोर हो जाएगा मैच के अंदर 108 6 विकेट के नुकसान पे, 16 ओवर्स और 4 गेंदों का खेल मैच के अंदर हो चुका है अब पूरा। बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए टीम जिम्बाब्वे आज के इस मुकाबले के अंदर, जहां पर अब 7 चौके लगा रखे मोहम्मद रिजवान ने, 51 गेंदों के ऊपर बना रखे 56 रन, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन अब देखना होगा कि वो अपनी टीम को इस स्कोर को जो है वो कितने रन पर फिनिश करवाएंगे। इसी बीच ड्राइव कर दिया है एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, इस गेंद को एक और सिंगल का हो जाएगा इजाफा एंड सिंगल के साथ होते हुए स्कोर 108 टीम पाकिस्तान का 6 विकेट के नुकसान पे। फ्रंट फुट पर आई बल्लेबाज एंड फ्रंट फुट पर आकर इस गेंद को स्मैश किया एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। अगला मुकाबला इन दोनों टीम्स के दरमियान 23 तारीख को होते हुए हमें दिखाई देगा और देखना होगा कि अगले मुकाबले के अंदर किस टीम का पलड़ा भारी रहता है। एक बढ़िया मुकाबला होगा दोस्तों इन दोनों टीम्स के दरमियान, जहां पर अब आखिरी ही 3 ओवर और 1 गेंद का खेल जो है वो दोस्तों मजीद बाकी है। पर्थ शर्मा डोंट यूज बैड लैंग्वेज हियर, 109 है स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड उठा दिया इस गेंद को मिड ऑफ के फील्डर के सर के ऊपर से और गेंद जाकर गिरेगी दो फील्डर्स के दरमियान, कैच आउट होते होते बाल बाल बचेंगे ये प्लेयर, एक रन का हो जाएगा इजाफा और दूसरे के लिए भी ये दोनों प्लेयर वापस आएंगे दोस्तों और 2 रन के साथ अब स्कोर हो जाएगा मुकाबले के अंदर 111 6 विकेट के नुकसान पे, 17 ओवर्स का खेल मैच के अंदर होते हुए पूरा। कदमों का सहारा लिया, अपनी क्रीज से बाहर निकले ये बल्लेबाज एंड क्रीज से बाहर निकल कर इस गेंद को खेल दिया था मिड ऑफ के रीजन में, दो फील्डर्स गेंद के पीछे जा रहे थे और इस गेंद को कैच करने की कोशिश में, लेकिन वो इस गेंद को कैच करने में रहेंगे नाकाम, जहां पर अब 111 रहते हुए स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे, 17 ओवर्स के बाद बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 3 ओवर्स का खेल होना और 3 ओवर्स के अंदर देखना होगा कि ये टीम कितने रन को बना पाएगी।
ओनली एंड ओनली 3 ओवर्स टू गो इन दिस मैच। और इसी के साथ 3200 वीडियो को लाइक करते हुए दिल से शुक्रिया भाई लोग आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करने के लिए। नेक्स्ट मैच में हैदर अली को ड्रॉप करके सरफराज को खिलाना चाहिए, बिल्कुल इस किस्म का चांस जो है वो देना चाहिए लाजमी तौर पे मेरे हिसाब से। देखना होगा कि किस किस्म की क्रिकेट खेली जाती है उनकी तरफ से, बल्लेबाज की तरफ से, जिनका नाम है मोहम्मद रिजवान सरफराज अहमद। सरफराज के बारे में आपको बताता चलूं दोस्तों कि सरफराज एक मेन प्लेयर है, मुजरबानी मुसलमान है, जी नहीं, बॉलर है तैयार अपने ओवर के लिए। गेंद लेकर जहां पर दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद क्या नागारावा की, ये गेंद शॉर्ट पिच, गेंद को पुल कर दिया मिड विकेट के रीजन में, गैप में है गेंद, सिंगल का होते हुए इजाफा, दूसरे के लिए भी वापिस आएंगे ये दोनों बल्लेबाज। 2 रन के साथ अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 113 हो जाएगा स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे। 17 ओवर्स और 1 गेंद का खेल मैच के अंदर हो चुका है पूरा। तो दोस्तों ये विकेट जो है वो एक ऐसी विकेट है जिसके ऊपर रन बनाने में दिक्कत आ सकती है, और रन जो है वो बनाने में दिक्कत आते भी हुए दोस्तों, जहां पर अब 113 है स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे। 17 ओवर्स और 1 गेंद का खेल अब मैच के अंदर होते हुए पूरा, जहां बॉलर है तैयार अपने ओवर के लिए। गेंद लेकर नवाज करेंगे इस गेंद का सामना, शॉर्ट पिच, गेंद पुल करने की कोशिश इस गेंद को, और ये गेंद जाएगी फाइन लेग के रीजन में, फील्डर गेंद के नीचे पीछे, लेकिन वो इस गेंद को रोकने में रहेंगे नाकाम, मिलेगा चौका टीम पाकिस्तान को, इंपॉर्टेंट 4 रन मिलते हुए टीम पाकिस्तान को। अब देखना होगा कि ये वाइड है या नहीं है, जी हाँ दोस्तों इस चीज को चेक किया जाएगा कि ये वाइड गेंद है या नहीं, वाइड बॉल का डिसीजन दिया जाएगा अंपायर की तरफ से, जहां पर चौके के साथ ये टीम अपने स्कोर को आगे बढ़ाएगी। जी हाँ दोस्तों चौके के साथ अब स्कोर आगे बढ़ेगा और स्कोर जो है वो इस मुकाबले के अंदर हो जाएगा 118 6 विकेट के नुकसान पे। 17 ओवर्स और 1 गेंद का खेल हो चुका है मैच के अंदर पूरा। महीन रॉय ने हमें ज्वाइन कर रखा है, वेलकम टू दिस लाइव स्ट्रीम एज वेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी साथ देने के लिए। चौका जो है वो दोस्तों देखने को मिलेगा हमें इस गेंद के ऊपर, जहां अगली गेंद चार पिछे, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेगी और कैच आउट होते होते बाल बाल बचेंगे ये प्लेयर। नवाज पुल करना चाहते थे इस गेंद को लेग साइड की तरफ, और ये गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा छूने के बाद गई मिड ऑफ के रीजन में मौजूद फील्डर के पास, आउट होते होते बाल बाल बचेंगे दोस्तों ये प्लेयर, जहां पर अब स्कोर हो जाएगा 119 6 विकेट के नुकसान पे। 17 ओवर्स और 2 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर होते हुए पूरा। मोहम्मद रिजवान आ जाएंगे स्ट्राइक पर, शॉर्ट आउट आपको बाद में दूंगा दोस्तों मैं, शॉर्ट आउट जो है वो इसके बाद दिया जाएगा। जहां पर पिच की बात कर लेते हैं दोस्तों तो स्पिन बॉलर्स के लिए एक साजगार विकेट है, ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की विकेट बनाई गई है स्पिन बॉलर के लिए, जहां पर अब 119 स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे। 17 ओवर्स और 2 गेंदों का खेल मैच के अंदर होते हुए दोस्तों पूरा पहला T20 मुकाबला हरारे से इन दोनों टीम्स के दरमियान खेला जा रहा है, जहां पर गेंद जो है वो दोस्तों बल्ले के ऊपर इतनी अच्छे से नहीं आई, और इसी वजह से पाकिस्तान की टीम हमें करते हुए दिखाई दी है इस मुकाबले के अंदर, जहां पर अब रिजवान ने 58 रन बना रखे हैं, और रिजवान को बड़ा शॉट लगाना होगा अपनी टीम की ओर से। बॉलर है तैयार, ऑप्शन के बाद जाएगी ये गेंद, इस गेंद को बैक फुट पर रहते हुए कट कर दिया है डी पॉइंट की तरफ, बल्कि पॉइंट की तरफ जाएगी ये गेंद सिंगल को लेते हुए प्लेयर। हमारा मलिक इस चैनल के ऊपर 7.8K है वॉचिंग, और दूसरे के ऊपर 9.8K, बल्कि 9.9K, बल्कि 1K जो है वो वॉचिंग डिटेल्स के ऊपर, जहां पर अब एक बढ़िया मुकाबला चलते हुए दोस्तों इन दोनों टीम्स के दौरान। थैंक यू सो मच आप तमाम दोस्तों का, क्या आप तमाम दोस्तों ने जो है वो हमारी इस लाइव स्ट्रीम को कामयाब बनाने में अहम रोल प्ले किया, जहां 120 है स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे। 17 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल मैच के अंदर होते हुए दोस्तों पूरा, बढ़िया क्रिकेट चलते हुए इन दोनों टीम्स के दरमियान। डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, जहां पर तेज खेलना चाहिए अब टीम पाकिस्तान को। बॉलर है तैयार अपने ओवर के लिए, गेंद लेकर आएंगे एक दफा फिर, अगली गेंद विकेटों में आएगी, गेंद इस गेंद को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेल दिया है वापस बॉलर के पास। नवाज को पता नहीं अब किस चीज का इंतजार है, नवाज को जो है वो दोस्तों अब तेज क्रिकेट खेलनी चाहिए और अपनी टीम के स्कोर को जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन काफी ज्यादा स्लो जो है वो दोस्तों खेलते हुए नवाज। हालांकि इसके बाद बैटिंग जो है वो नहीं बची हुई, लेकिन माशाल्लाह भी बोल दें क्या हो गया, मायरा मलिक हैरान तो बंदा होता है लेकिन माशाल्लाह भी बोल दिया, कुछ नहीं जाएगा आपका जी। तो दोस्तों 120 का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, गेंद लेगी बल्ले का आउटसाइड है, जो जाएगी थर्ड मैन के रीजन में, 1 रन का हो जाएगा इजाफा, दूसरे के लिए वापिस आते हुए दोनों बल्लेबाज, एंड 2 रन के साथ अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे, जहां पर अब स्कोर हो जाएगा मुकाबले के अंदर 120 6 विकेट के नुकसान पे। कट करना चाहते थे बल्लेबाज इस गेंद को, लेकिन ये गेंद के बल्ले का बाहरी किनारा ली गई थर्ड मैन के रीजन में, 1 रन का हुआ इजाफा, दूसरे के लिए वापिस आएंगे ये प्लेयर्स, एंड 2 रन के साथ अब स्कोर हो जाएगा मैच के अंदर 122। नवाज को तेज क्रिकेट खेलनी चाहिए, बढ़िया क्रिकेट खेलनी चाहिए और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना चाहिए, जहां पर अब
122 है स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पे। बॉलर है तैयार अपने ओवर के लिए, गेंद लेकर आएंगे स्लो रन गेंद और बल्ले को मिस करते हुए जाएगी ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, वाइड बॉल का सिग्नल जो है वो दोस्तों दिया जाएगा, वाइड बॉल का जो है वो दोस्तों सिग्नल दिया जाएगा अंपायर की तरफ से। जिस मात्रा में आप तमाम दोस्तों को वीडियो को लाइक करना चाहिए उस मात्रा में आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ 3000 दोस्तों हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, जहां इस वीडियो के नीचे आपको लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन भी मिल जाएगा। और अब बॉलर हैं तैयार अपने ओवर के लिए, गेंद लेकर एक दफा फिर से आएंगे स्लो रन गेंद और बल्ले को मिस करते हुए जाएगी ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, वाइड बॉल का सिग्नल दिया जाएगा अंपायर की तरफ से एंड वाइड बॉल के चलते हुए अब स्कोर हो जाएगा 124 6 विकेट के नुकसान पे। 124 ऑन द लॉस ऑफ 6 विकेट, जहां पर अब 17 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल मैच के अंदर होते हुए पूरा। मोहम्मद वसीम जूनियर को टीम के अंदर शामिल करना चाहिए था, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर को जो है वो दोस्तों टीम के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, जहां पर रब मुजदार अबानी दूसरे छोर से बॉलिंग करवाएंगे, लेकिन नागा रावा जो है वो दोस्तों इस छोर से बॉलिंग करवाते हुए अपने ओवर के लिए गेंद लेकर एक दफा फिर से आ जाएंगे, शॉर्ट पिच गेंद और आउट हो जाएंगे दोस्तों मोहम्मद नवाज पुल करने की कोशिश में इस गेंद को, एक और विकेट का लूज करते हुए टीम पाकिस्तान। क्या चल क्या रहा है यहां पर इस मुकाबले के अंदर, शॉर्ट पिच ये गेंद थी नागारावा की, ये गेंद इस गेंद को पुल करना चाहते थे मोहम्मद नवाज, लेकिन ये गेंद उनके बल्ले का आउटसाइड एज लेने के बाद गई यहां पर फील्डर के हाथों में, जो करेंगे इस गेंद को कैच। और इस तरह अब 124 रहते हुए स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे, 18 ओवर्स का खेल मैच के अंदर हो चुका है पूरा, 2 ओवर्स का खेल जो है दोस्तों होना मजीद बाकी है। क्या पाकिस्तान की टीम 140 से 150 रन को क्रॉस कर पाएगी या नहीं, ये आप तमाम दोस्तों ने हमें बता देना है, जहां पर अब 124 है स्कोर, 12 गेंदों का खेल जो है वो होना मजीद बाकी है। हसन अली नहीं है टीम के अंदर, हमारा मलिक फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हसन अली को जो है वो दोस्तों आपको बताता चलूं कि टीम के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, जहां पर हसन अली जो है वो दोस्तों आपको बताता चलूं कि इनका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और अब 124 से स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे, 18 ओवर्स के बाद बचा हुआ है 2 ओवर्स का खेल होना, दो ओवर्स का खेल जो है वो दोस्तों इस मुकाबले के अंदर जो है वो होना मजीद बाकी है, जहां 124 से स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे 18 ओवर्स के बाद, ओनली 2 ओवर्स टू गो इन दिस मैच। कौन नहीं है, हसन अली नहीं है, उस्मान कादिर आएंगे अब बल्लेबाजी करने के लिए, उस्मान कादिर जो है वो दोस्तों अब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, मोहम्मद हसनैन आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, ये दोनों प्लेयर्स जो है वो अब बचे हुए हैं, देखना होगा कि किस किस्म की बल्लेबाजी की जाती है इनकी तरफ से, जहां पर अब 124 रहते हुए स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे। गेंद पैड्स पर आएगी, फ्लिक कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के रीजन में, सिंगल को पूरा करते हुए ये दोनों बल्लेबाज और दूसरे के लिए भी वापस आ जाएंगे, बढ़िया रनिंग बढ़ता विकेट मोहम्मद रिजवान की तरफ से, और 2 रन के साथ वो अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए, जहां पर अब 126 हो जाएगा स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे, 18 ओवर्स और एक गेंद का खेल मैच के अंदर हो चुका है पूरा। उस्मान अच्छा बॉलर है, लेकिन बल्लेबाजी ही उनको अच्छी करनी होगी आज के इस मुकाबले के अंदर। 3500 लाइक्स का हमारा टारगेट है इस पारी का, जहां पर 3246 दोस्त जो है वो ऑलरेडी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, नहीं पता तो इस वीडियो के नीचे आपको लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, जहां पर रब 126 होते हुए स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे, 18 ओवर्स और एक गेंद का खेल मैच के अंदर होते हुए पूरा। बॉलर है तैयार, गेंद लेकर आएंगे, अच्छी गेंद स्लो रन गेंद, इस गेंद को निकाल दिया फाइन लेग के रीजन में, गैप में है गेंद मिलते हुए सिंगल गेंद के ऊपर एंड सिंगल के साथ ये प्लेयर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे, 127 होते हुए स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे। उस्मान कादिर की जगह पर मेरे हिसाब से अगर दूसरे प्लेयर को बॉलिंग के लिए लाया जाता तो ये एक अच्छी चीज रहती, लेकिन उस्मान कादिर को जो है वो दोस्तों बॉलिंग के लिए लाया गया है, देखना होगा कि कैसी गेंदबाजी उस्मान कादिर की ओर से करवाई जाती है आज के इस मुकाबले के अंदर, जहां पर बल्लेबाजी की जाती है। 9 मैचेस के अंदर 8 रन बना रखे उस्मान कादिर ने। मोहम्मद हसनैन मेरे हिसाब से बड़ी शॉट्स लगा लेते हैं, लेकिन मोहम्मद हसनैन जो है वो दोस्तों अब मुकाबले के अंदर बॉलिंग करवाने के लिए नहीं आएंगे। 127 स्कोर, 18 ओवर्स और 2 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर चलते हुए, 10 गेंदों का खेल इस मुकाबले के अंदर जो है वो दोस्तों होना मजीद बाकी है। बॉलर है तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, सामना करेंगे इस गेंद का उस्मान कादिर, जहां उस्मान को आएगी ये गेंद ऑफ्रम के बाहर जाती हुई गेंद और डॉट डिलीवरी होते हुए दोस्तों ये गेंद, उस्मान कादिर इस गेंद को लैप करना चाहते थे, खेलना चाहते थे कवर्स के रीजन में, लेकिन नाकाम रहेंगे और अब मिलेगा एक और डॉट डिलीवरी डॉट के साथ। 127 होते हुए स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे, 18 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल मैच के अंदर होते हुए पूरा। यहाँ 3.3 ओवर्स के अंदर मुजर अबानी ने 20 रन देकर एक विकेट को अपने नाम कर रखा है। डोंट यूज बैड लैंग्वेज इन लाइव चैट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, जहां पर अब 3300 दोस्त वीडियो को लाइक करते हुए 11000 दोस्त मौजूद है, लेकिन वीडियो को लाइक सिर्फ और सिर्फ 3300 दोस्त।
नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी चलते हुए जहां आश्रम के बाहर जाती हुई गेंद, इस गेंद को खेलने की कोशिश में एक दफा फिर से रहेंगे बैट्समैन नाकाम। डॉट के साथ अब स्कोर हो जाएगा मुकाबले के अंदर 127, 7 विकेट के नुकसान पे। लवली डिलीवरी, अच्छी गेंद थी, यॉर्कर जो है वो दोस्तों लगातार ट्राई किया जा रहा है अब बॉलर की तरफ से, जहां पर यॉर्कर को खेलने में दिक्कत का हो रहा है सामना। रिजवान ने 62 रन बना रखे हैं और उन्होंने किया हुआ है 55 गेंदों का सामना, जहां उस्मान आदिर ने जो है वो कोई रन नहीं बनाया 2 गेंदों का सामना करते हुए। जहां अब अपने ओवर के लिए गेंद लेकर बॉलर रहेंगे तैयार, मुजराबानी की गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, एक और डॉट डिलीवरी, डॉट के साथ 127 रहते हुए स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे। उस्मान कादिर को बड़ी शॉट्स को लगाना चाहिए, लेकिन उस्मान कादिर जो है वो आपको बताता चलूं कि इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, बड़ी शॉट्स भी नहीं लगा रहे, सिंगल डबल के लिए पता नहीं क्यों उस्मान कादिर खेल रहे हैं और लगातार गेंद को खेलने में लेट हो रहे हैं उस्मान कादिर, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम को अब काफी ज्यादा दिक्कत का जो है वो दोस्तों सामना करना पड़ रहा है, दिक्कत का जो है दोस्तों सामना करना पड़ रहा है टीम पाकिस्तान को, जहां पर अब 127 स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे। 18 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर होते हुए पूरा। मुजारबानी अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर एक दफा फिर से यहां तैयार, जिन्होंने दौड़ना शुरू किया तेज, वो एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद क्या स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड उठा दिया, इस गेंद को मिड ऑफ के रीजन में गैप में अगेन एक रन का इजाफा होते हुए और दूसरे के लिए भी वापस आ जाएंगे ये दोनों बल्लेबाज, रन आउट होने का खतरा है, थर्ड अंपायर के पास जाया जाएगा और अब देखना होगा कि थर्ड अंपायर का डिसीजन क्या रहता है, लेकिन थर्ड अंपायर के पास जो है वो दोस्तों जाया जाएगा, जहां पर रब 129 रहते हुए स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे। 19 ओवर्स का खेल मैच के अंदर भी चलते हुए। Do like this video and subscribe to our channel, जहां पर रब 3400 लाइक्स होने वाले हैं वीडियो के ऊपर, 10 लाइक्स की हमें मजीद जरूरत है। एक्सीलेंट कमेंट्रीज, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका वीडियो को लाइक एंड कमेंट्री की तारीफ एंड हौसला अफजाई करने के लिए। जहां पर रब 129 स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे, 19 ओवर का खेल मैच के अंदर हो चुका है पूरा, बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक ओवर का खेल होना, एक ओवर के अंदर आपके ख्याल से ये टीम कितने रन को बना पाएगी। पाकिस्तान की टीम तो जिम्बाब्वे से हार रही है, तो भाई इसमें क्या है, जिम्बाब्वे की टीम क्या क्रिकेट टीम नहीं है क्या, जिम्बाब्वे की टीम भी एक अच्छी टीम है भाई मेरे, अपनी होम कंडीशन में खेल रही है और किसी भी टीम को हराने की अहलियत रखती है टीम जिम्बाब्वे। जहां पर अगली गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, बीट होते हुए मोहम्मद रिजवान, गेंद जाएगी विकेट कीपर के पास, रिजवान को इस ओवर के अंदर 2 से 3 बाउंड्रीज लगानी होगी, चेक हो चुके हैं मोहम्मद रिजवान और अब देखना होगा कि किस किस्म की बल्लेबाजी जो है वो दोस्तों इनकी तरफ से की जाती है। ये गेंद यॉर्कर लेंथ गेंद थी, खेलना चाहते थे बैट्समैन लेकिन नाकाम रहे इस गेंद को खेलने में एंड अब स्कोर रहते हुए मैच के अंदर 129, 7 विकेट के नुकसान पे। बॉलर है तैयार, एक दफा फिर से आएंगे, गेंद क्या स्लो रन, गेंद हैमर कर दिया इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के रीजन में और मोहम्मद रिजवान के बल्ले से निकलता हुआ एक बेहतरीन चौका, इसी चौके की जो है वो दोस्तों जरूरत थी टीम पाकिस्तान को, जो कि लगाते हुए मोहम्मद रिजवान स्मैश कर दिया था इस गेंद को और भेज दिया था इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, मोहम्मद रिजवान के बल्ले से निकला हुआ एक बेहतरीन चौका। चौके के साथ अब होते हुए स्कोर मुकाबले के अंदर 130 के ऊपर टीम पाकिस्तान का, 133 हो चुका है स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे। यहां बॉलर है तैयार, एक दफा फिर अपने ओवर की गेंद लेकर आएंगे, यॉर्कर लेंथ गेंद, खेल दिया इस गेंद को डीप पॉइंट की तरफ, गैप में है गेंद और बाउंड्री लाइन की तरफ बढ़ते हुए गेंद, एक रन का हो जाएगा इजाफा दूसरे के लिए वापिस आते हुए दोनों बल्लेबाज एंड 2 रन के साथ हो जाएगा स्कोर 135। बाउंड्री को चेक किया जाएगा कि यह चौका है या नहीं है, हाँ दोस्तों इस चीज को जो है वो अब चेक किया जाएगा कि ये चौका है या नहीं और इसी के साथ 3500 दोस्त वीडियो को लाइक करते हुए दिल से शुक्रिया भाई लोग आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। रियान बुरल ने जो है वो डाइव करते हुए इस गेंद को रोका था और यकीनी चौका अपनी टीम के लिए जो है वो दोस्तों बचाया, 2 रन का हो जाएगा इजाफा इसी 2 रन के साथ 135 होते हुए स्कोर टीम पाकिस्तान का 7 विकेट के नुकसान पे। 3 गेंदों का खेल अब मुकाबले के अंदर होना मजीद बाकी है, जहां बॉलर है तैयार, बड़ा शॉट मिड विकेट के रीजन में मोहम्मद रिजवान के बल्ले से और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। अब देखना होगा कि यह छक्का है या चौका है, माल छक्का लगाते हुए दोस्तों मोहम्मद रिजवान, वी हैव टू चेक इट आउट के ये चौका है या छक्का है, कमाल क्रिकेट खेलते हुए मोहम्मद रिजवान और आई थिंक छक्के का सिग्नल दिया जाएगा अंपायर की तरफ से। Beautifully played, nicely timed, मोहम्मद रिजवान की तरफ से लगेगा ये एक बेहतरीन छक्का और छक्के के साथ वो अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे। अभी भी चेक किया जा रहा है कि ये चौका है या छक्का है, इस चीज को जो है वो दोस्तों चेक किया जा रहा है कि ये चौका है या छक्का है, तो छक्के का सिग्नल दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कमाल पारी खेलते हुए मोहम्मद रिजवान
140 के ऊपर ले गए हैं टीम पाकिस्तान के स्कोर को, एक फाइटिंग स्कोर बनवाते हुए टीम पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान, जहां पर अब 141 है स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे। एक दफा फिर रिजवान जो है वो दोस्तों साबित करते हुए कि वो पाकिस्तान की टीम के एक बेहतरीन प्लेयर है, जहां अगली गेंद को स्मैश कर दिया एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, गैप में है गेंद और बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, एक और चौका। रिजवान यू ब्यूटी, बहुत ही लाजवाब पारी खेलते हुए मोहम्मद रिजवान, जहां पर इस गेंद को फ्रंट फुट पर लाकर ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर के रीजन में और भेज दिया इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। दोस्तों एक ही गुजारिश है आप तमाम दोस्तों से, जहां पर इस वीडियो के नीचे आपको लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, एक साथ तमाम दोस्त जाकर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, 13,000 दोस्त मौजूद हैं, एक साथ तमाम दोस्त अगर वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों तो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट और हौसला अफजाई होगी हमारी, कम ऑन गाइस, एक साथ तमाम दोस्त। 19 ओवर और 5 गेंदों का खेल होते हुए, जहां पर अपने ओवर कैरी गेंद लेकर बॉलर है तैयार, लैप कर दिया इस गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में, गैप में है गेंद और बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद, एक और चौके के लिए। मोहम्मद रिजवान ने कर दिया है दोस्तों कमाल, इस ओवर के अंदर 3 चौके लगाए गए हैं मोहम्मद रिजवान की तरफ से, 1 छक्का लगाया गया है और अब एक टारगेट जो है वो दोस्तों 150 रन का रहते हुए, क्या ही जबरदस्त क्रिकेट खेली गई है मोहम्मद रिजवान की तरफ से और टीम पाकिस्तान की तरफ से इस आखिरी ओवर के अंदर, जहां पर रब स्कोर कार्ड की सिचुएशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि स्कोर कार्ड की सिचुएशन जो है वो दोस्तों आज के इस मुकाबले के अंदर क्या रहेगी, तो तमाम दोस्त जो है वो यूं ही हमारे साथ रहेगा। I will tell you about scorecard, जहां पर अब एक बढ़िया मुकाबला हमें देखने को मिला। पाकिस्तान की टीम ने आखिरी ओवर के अंदर बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत जो है वो दोस्तों एक बड़ा टारगेट दे दिया है टीम जिम्बाब्वे को और जिम्बाब्वे की टीम को जो है वो यकीनी तौर पर इस टारगेट को अचीव करने में थोड़ी दिक्कत का सामना हो सकता है। स्टेट यूनियन सेलिब्रेटेड, जहां पर कमाल इनिंग्स खेली गई है दोस्तों टीम पाकिस्तान की तरफ से आज के इस दिन के अंदर। अरे भैया क्या हो गया, साथ रहिएगा तमाम लोग। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज 2021 का पहला T20 मुकाबला, जिसका सिलसिला इस वक्त जारी है दोस्तों, और पाकिस्तान की टीम जो है वो हमें इस मुकाबले के अंदर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दी, जहां अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों टीम पाकिस्तान की, तो याद रहे उन्होंने आज टॉस को विन किया, टीम जिम्बाब्वे ने टॉस को जो है वो दोस्तों विन करते हुए बल्लेबाजी बॉलिंग करने का फैसला किया, जबकि अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात कर लेते हैं तो उन्होंने टॉस को लूज किया और हमें वो आज बैटिंग करते हुए दिखाई दिए, पहले बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, जहां एक ही बैट्समैन जो है वो दोस्तों पाकिस्तान की टीम से की तरफ से चला मोहम्मद रिजवान की। जितनी तारीफ की जाए दोस्तों आज उतनी ही कम है, मोहम्मद रिजवान के लिए वीडियो के ऊपर लाइक बनता है दोस्तों, और तने तनहा जो है वो उन्होंने पाकिस्तान की टीम का स्कोर जो है वो आपको बताता चलूं कि 150 तक पहुंचा दिया। ये बिल्कुल दोस्तों आप स्कोर कार्ड को एक नजर अगर देख लेते हैं हम, तो बाबर आजम 2 रन बनाकर आउट हुए, 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया और वो आउट हुए। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं फखर जमान की, तो उन्होंने 13 रन बनाए, 14 गेंदों का सामना किया, 2 चौके जो है वो उनकी तरफ से भी लगाए गए। मोहम्मद हफीज ने 5 रन बनाए 7 गेंदों का सामना करते हुए। दानिश अजीज की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो उनकी तरफ से 15 रन बनाए गए, 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 1 छक्का जो है वो उनकी तरफ से देखने को मिला। आज पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बिल्कुल नाकाम रहा दोस्तों, और आज जो है वो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर भी नाकाम रहा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेयर चले और वो थे मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने कमाल पारी खेली और अपनी टीम के स्कोर को जो है वो दोस्तों आगे बढ़ाया। जहां पर अब मोहम्मद रिजवान की बल्लेबाजी की अगर हम चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों, तो मोहम्मद रिजवान ने आज 61 गेंदों के ऊपर 85 रन बनाए, 110-115 का इनका स्ट्राइक रेट था जब इन्होंने अपनी 50 पूरी की, लेकिन आखिरी ओवर के अंदर इन्होंने 3 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया और छक्का लगाने के साथ अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए हमें ये प्लेयर दिखाई दिए दोस्तों, जहां पर 149 हो गया है टीम पाकिस्तान का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल नाकाम दिखाई दी दोस्तों हमें आज पाकिस्तान की बल्लेबाजी, जहां पर 3 प्लेयर जो है वो डबल फिगर में दाखिल हुए, जिनमें मोहम्मद रिजवान शामिल थे, फखर जमान शामिल थे एंड साथ दानिश अजीज ने जो है वो दोस्तों 15 रन बनाए, और इस तरह अब जो है वो 15 एक्स्ट्रास की मदद से पाकिस्तान की टीम ने 149 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे। जिम्बाब्वे की बॉलिंग को देख लेते हैं दोस्तों, तो लूक ने आज 2 विकेट को अपने नाम किया, लेस्ली मैदावीर ने जो है वो 2 विकेट को अपने नाम किया, 1 विकेट जो है वो दोस्तों ब्लेसिंग मुजारबानी अपने नाम कर सके एंड 1 विकेट जो है वो नागाराबा ने अपने नाम की, जहां पर अब
पाकिस्तान की टीम ने इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया हुआ दोस्तों आज के इस मुकाबले के अंदर। देखना होगा कि वो कह लीजिए कि इस टोटल को डिफेंड कर पाएंगे या नहीं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों टीम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की टीम की तरफ से जो बॉलर्स होंगे वो होंगे हारिस रौफ, मोहम्मद अस्तियान, उस्मान कादिर, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, दानिश अज़ीज़। तो ये तमाम के तमाम प्लेयर जो है वो हमें टीम पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग करवाते हुए दिखाई देंगे, जहां पर अब सेकंड इनिंग्स की शुरुआत जो है वो दोस्तों होते हुए हमें अब से कुछ ही देर के बाद दिखाई देगी, जहां मोहम्मद रिजवान ने आज कमाल किया और मोहम्मद रिजवान ने 82 रन बनाए, 61 गेंदों का सामना किया, 10 चौके लगाए गए, एक छक्का लगाया गया, 134 का इनका स्ट्राइक रेट, और मोहम्मद रिजवान जो है वो हमें एक बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैच की शुरुआत सेकेंड इनिंग्स के अंदर अब से 5-7 या फिर 10 मिनट के अंदर मैक्सिमम होते हुए हमें दिखाई देगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड, तमाम दोस्त जो है हमारे साथ ही रहेगा। याद रहे कि आज इस विकेट की अगर हम बात कर लेते तो स्लो विकेट थी। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज 2021 का पहला T20 मुकाबला जिसका सिलसिला इस वक्त जारी है दोस्तों, और पाकिस्तान की टीम जो है वो हमें इस मुकाबले के अंदर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दी। जहां अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों टीम पाकिस्तान की, तो याद रहे उन्होंने आज टॉस को विन किया, टीम जिम्बाब्वे ने टॉस को जो है वो दोस्तों विन करते हुए बल्लेबाजी बॉलिंग करने का फैसला किया, जबकि अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात कर लेते तो उन्होंने टॉस को लूज किया और हमें वो आज बैटिंग करते हुए दिखाई दिए, पहले बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, जहां एक ही बैट्समैन जो है वो दोस्तों पाकिस्तान की टीम से की तरफ से चला, मोहम्मद रिजवान की जितनी तारीफ की जाए दोस्तों आज उतनी ही कम है। मोहम्मद रिजवान के लिए वीडियो के ऊपर लाइक बनता है दोस्तों, और तने तनहा जो है वो उन्होंने पाकिस्तान की टीम का स्कोर जो है वो आपको बताता चलूं कि 150 तक पहुंचा दिया। जी बिल्कुल दोस्तों, आप स्कोर कार्ड को एक नजर अगर देख लेते हैं हम, तो बाबर आजम आज 2 रन बनाकर आउट हुए, 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया और वो आउट हुए। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं फखर जमान की, तो उन्होंने 13 रन बनाए, 14 गेंदों का सामना किया, 2 चौके जो है वो उनकी तरफ से भी लगाए गए। मोहम्मद हफीज ने 5 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना करते हुए। दानिश अज़ीज़ की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो उनकी तरफ से 15 रन बनाए गए, 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया, एक छक्का जो है वो उनकी तरफ से देखने को मिला। आज पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बिल्कुल नाकाम रहा दोस्तों, और आज जो है वो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर भी नाकाम रहा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेयर चले और वो थे मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने कमाल पारी खेली और अपनी टीम के स्कोर को जो है वो दोस्तों आगे बढ़ाया। जहां पर अब मोहम्मद रिजवान की बल्लेबाजी की अगर हम चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों, तो मोहम्मद रिजवान ने आज 61 गेंदों के ऊपर 85 रन बनाए, 110-115 का इनका स्ट्राइक रेट था जब इन्होंने अपनी 50 पूरी की, लेकिन आखिरी ओवर के अंदर इन्होंने तीन चौके लगाए, एक छक्का लगाया और छक्का लगाने के साथ अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए हमें ये प्लेयर दिखाई दिए दोस्तों, जहां पर 149 हो गया है टीम पाकिस्तान का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल नाकाम दिखाई दी दोस्तों हमें आज पाकिस्तान की बल्लेबाजी, जहां पर तीन प्लेयर जो है वो डबल फिगर में दाखिल हुए, जिनमें मोहम्मद रिजवान शामिल थे, फखर जमान शामिल थे, एंड साथ दानिश अज़ीज़ ने जो है वो दोस्तों 15 रन बनाए, और इस तरह अब जो है वो 15 एक्स्ट्रास की मदद से पाकिस्तान की टीम ने 149 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे। जिम्बाब्वे की बॉलिंग को देख लेते हैं दोस्तों, तो लूक ने आज 2 विकेट को अपने नाम किया, वेस्ले मैदावीर ने जो है वो 2 विकेट को अपने नाम किया, 1 विकेट जो है वो दोस्तों ब्लेसिंग मुजारबानी अपने नाम कर सके, एंड 1 विकेट जो है वो नागाराबा ने अपने नाम की। जहां पर अब पाकिस्तान की टीम ने इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया हुआ दोस्तों आज के इस मुकाबले के अंदर, देखना होगा कि वो कह लीजिए कि इस टोटल को डिफेंड कर पाएंगे या नहीं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों टीम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की टीम की तरफ से जो बॉलर्स होंगे वो होंगे हारिस रौफ, मोहम्मद अस्तियान, उस्मान कादिर, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, दानिश अज़ीज़। तो ये तमाम के तमाम प्लेयर जो है वो हमें टीम पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग करवाते हुए दिखाई देंगे, जहां पर अब सेकंड इनिंग्स की शुरुआत जो है वो दोस्तों होते हुए हमें अब से कुछ ही देर के बाद दिखाई देगी, जहां मोहम्मद रिजवान ने आज कमाल किया और मोहम्मद रिजवान ने 82 रन बनाए, 61 गेंदों का सामना किया, 10 चौके लगाए गए, एक छक्का लगाया गया, 134 का इनका स्ट्राइक रेट, और मोहम्मद रिजवान जो है वो हमें एक बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज 2021 का पहला T20 मुकाबला जिसका सिलसिला इस वक्त जारी है दोस्तों, और पाकिस्तान की टीम जो है वो हमें इस मुकाबले के अंदर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दी। जहां अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों टीम पाकिस्तान की, तो याद रहे उन्होंने आज टॉस को विन किया, टीम जिम्बाब्वे ने टॉस को जो है वो दोस्तों विन करते हुए बल्लेबाजी बॉलिंग करने का फैसला किया, जबकि अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात कर लेते तो उन्होंने टॉस को लूज किया और हमें वो आज बैटिंग करते हुए दिखाई दिए, पहले बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, जहां एक ही बैट्समैन जो है वो दोस्तों पाकिस्तान की टीम से की तरफ से चला, मोहम्मद रिजवान की जितनी तारीफ की जाए दोस्तों आज उतनी ही कम है। मोहम्मद रिजवान के लिए वीडियो के ऊपर लाइक बनता है दोस्तों, और तने तनहा जो है वो उन्होंने पाकिस्तान की टीम का स्कोर जो है वो आपको बताता चलूं कि 150 तक पहुंचा दिया। जी बिल्कुल दोस्तों, आप स्कोर कार्ड को एक नजर अगर देख लेते हैं हम, तो बाबर आजम 2 रन बनाकर आउट हुए, 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया,
और वो आउट हुए। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं फखर जमान की, तो उन्होंने 13 रन बनाए, 14 गेंदों का सामना किया, दो चौके जो है वो उनकी तरफ से भी लगाए गए। मोहम्मद हफीज ने 5 रन बनाए 7 गेंदों का सामना करते हुए। दानिश अजीज की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो उनकी तरफ से 15 रन बनाए गए, 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया, एक छक्का जो है वो उनकी तरफ से देखने को मिला। आज पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बिल्कुल नाकाम रहा दोस्तों, और आज जो है वो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर भी नाकाम रहा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेयर चले और वो थे मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने कमाल पारी खेली और अपनी टीम के स्कोर को जो है वो दोस्तों आगे बढ़ाया। जहां पर अब मोहम्मद रिजवान की बल्लेबाजी की अगर हम चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों, तो मोहम्मद रिजवान ने आज 61 गेंदों के ऊपर 85 रन बनाए, 110-115 का इनका स्ट्राइक रेट था जब इन्होंने अपनी 50 पूरी की, लेकिन आखिरी ओवर के अंदर इन्होंने तीन चौके लगाए, एक छक्का लगाया और छक्का लगाने के साथ अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए हमें ये प्लेयर दिखाई दिया दोस्तों, जहां पर 149 हो गया है टीम पाकिस्तान का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल नाकाम दिखाई दी दोस्तों हमें आज पाकिस्तान की बल्लेबाजी, जहां पर तीन प्लेयर जो है वो डबल फिगर में दाखिल हुए, जिनमें मोहम्मद रिजवान शामिल थे, फखर जमान शामिल थे, एंड साथ दानिश अजीज ने जो है वो दोस्तों 15 रन बनाए, और इस तरह अब जो है वो 15 एक्स्ट्रास की मदद से पाकिस्तान की टीम ने 149 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे। जिम्बाब्वे की बॉलिंग को देख लेते हैं दोस्तों, तो लूक ने आज 2 विकेट को अपने नाम किया, वेस्ली मैदावीर ने जो है वो 2 विकेट को अपने नाम किया, 1 विकेट जो है वो दोस्तों ब्लेसिंग मुजारबानी अपने नाम कर सके, एंड 1 विकेट जो है वो नागाराबा ने अपने नाम की। जहां पर अब पाकिस्तान की टीम ने इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया हुआ दोस्तों आज के इस मुकाबले के अंदर, देखना होगा कि वो कह लीजिए कि इस टोटल को डिफेंड कर पाएंगे या नहीं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों टीम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की टीम की तरफ से जो बॉलर्स होंगे वो होंगे हारिस सौफ, मोहम्मद असनान, उस्मान कादिर, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, दानिश अजीज, तो ये तमाम के तमाम प्लेयर जो है वो हमें टीम पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग करवाते हुए दिखाई देंगे। जहां पर अब सेकंड इनिंग्स की शुरुआत जो है वो दोस्तों होते हुए हमें अब से कुछ ही देर के बाद दिखाई देगी, जहां मोहम्मद रिजवान ने आज कमाल किया और मोहम्मद रिजवान ने 82 रन बनाए, 61 गेंदों का सामना किया, 10 चौके लगाए गए, एक छक्का लगाया गया, 134 का इनका स्ट्राइक रेट, और मोहम्मद रिजवान जो है वो हमें एक बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज 2021 का पहला T20 मुकाबला, जिसका सिलसिला इस वक्त जारी है दोस्तों, और पाकिस्तान की टीम जो है वो हमें इस मुकाबले के अंदर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दी। जहां अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों टीम पाकिस्तान की, तो याद रहे उन्होंने आज टॉस को विन किया, टीम जिम्बाब्वे ने टॉस को जो है वो दोस्तों विन करते हुए बल्लेबाजी बॉलिंग करने का फैसला किया, जबकि अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात कर लेते तो उन्होंने टॉस को लूज किया और हमें वो आज बैटिंग करते हुए दिखाई दिए, पहले बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, जहां एक ही बैट्समैन जो है वो दोस्तों पाकिस्तान की टीम से की तरफ से चला, मोहम्मद रिजवान की जितनी तारीफ की जाए दोस्तों आज उतनी ही कम है। मोहम्मद रिजवान के लिए वीडियो के ऊपर लाइक बनता है दोस्तों, और तने तनहा जो है वो उन्होंने पाकिस्तान की टीम का स्कोर जो है वो आपको बताता चलूं कि 150 तक पहुंचा दिया। ये बिल्कुल दोस्तों आप स्कोर कार्ड को एक नजर अगर देख लेते हैं हम, तो बाबर आजम 2 रन बनाकर आउट हुए, 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया और वो आउट हुए। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं फखर जमान की, तो उन्होंने 13 रन बनाए, 14 गेंदों का सामना किया, दो चौके जो है वो उनकी तरफ से भी लगाए गए। मोहम्मद हफीज ने 5 रन बनाए 7 गेंदों का सामना करते हुए। दानिश अजीज की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो उनकी तरफ से 15 रन बनाए गए, 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया, एक छक्का जो है वो उनकी तरफ से देखने को मिला। आज पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बिल्कुल नाकाम रहा दोस्तों, और आज जो है वो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर भी नाकाम रहा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेयर चले और वो थे मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने कमाल पारी खेली और अपनी टीम के स्कोर को जो है वो दोस्तों आगे बढ़ाया। जहां पर अब मोहम्मद रिजवान की बल्लेबाजी की अगर हम चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों, तो मोहम्मद रिजवान ने आज 61 गेंदों के ऊपर 85 रन बनाए, 110-115 का इनका स्ट्राइक रेट था जब इन्होंने अपनी 50 पूरी की, लेकिन आखिरी ओवर के अंदर इन्होंने तीन चौके लगाए, एक छक्का लगाया और छक्का लगाने के साथ अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए हमें ये प्लेयर दिखाई दिए दोस्तों। जहां पर 149 हो गया है टीम पाकिस्तान का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल नाकाम दिखाई दी दोस्तों हमें आज पाकिस्तान की बल्लेबाजी, जहां पर तीन प्लेयर जो है वो डबल फिगर में दाखिल हुए, जिनमें मोहम्मद रिजवान शामिल थे, फखर जमान शामिल थे, एंड साथ दानिश अजीज ने जो है वो दोस्तों 15 रन बनाए, और इस तरह अब जो है वो 15 एक्स्ट्रास की मदद से पाकिस्तान की टीम ने 149 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे। जिम्बाब्वे की बॉलिंग को देख लेते हैं दोस्तों, तो लूक ने आज 2 विकेट को अपने नाम किया, वेस्ली मैदावीर ने जो है वो 2 विकेट को अपने नाम किया, 1 विकेट जो है वो दोस्तों ब्लेसिंग मुजारबानी अपने नाम कर सके, एंड 1 विकेट जो है वो नागाराबा ने अपने नाम की। जहां पर अब
पाकिस्तान की टीम ने इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया हुआ दोस्तों आज के इस मुकाबले के अंदर। देखना होगा कि वो कह लीजिए कि इस टोटल को डिफेंड कर पाएंगे या नहीं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों टीम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की टीम की तरफ से जो बॉलर्स होंगे वो होंगे हारिस शौक, मोहम्मद अस्तियान, उस्मान कादिर, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, दानिश अज़ीज़। तो ये तमाम के तमाम प्लेयर जो है वो हमें टीम पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग करवाते हुए दिखाई देंगे, जहां पर अब सेकंड इनिंग्स की शुरुआत जो है वो दोस्तों होते हुए हमें अब से कुछ ही देर के बाद दिखाई देगी, जहां मोहम्मद रिजवान ने आज कमाल किया और मोहम्मद रिजवान ने 82 रन बनाए, 61 गेंदों का सामना किया, 10 चौके लगाए गए, एक छक्का लगाया गया, 134 का इनका स्ट्राइक रेट, और मोहम्मद रिजवान जो है वो हमें एक बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज 2021 का पहला टी20 मुकाबला जिसका सिलसिला इस वक्त जारी है दोस्तों, और पाकिस्तान की टीम जो है वो हमें इस हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक दफा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए, जहां पर अब सेकंड इनिंग्स की जो है वो दोस्तों आपको बताता चलूं कि शुरुआत होने जा रही है, और एक बढ़िया लाजवाब मुकाबला जो है वो इन दोनों टीम्स के दरमियान होते हुए हमें दिखाई देगा, जहां पर पाकिस्तान की टीम की दोस्तों अगर हम बात कर लेते तो पाकिस्तान की टीम जो है वो इस मुकाबले के अंदर हमें लास्ट ओवर की वजह से अच्छी पोजीशन में आते हुए दिखाई देगी, क्योंकि लास्ट ओवर के अंदर जो है वो दोस्तों मोहम्मद रिजवान ने कमाल बल्लेबाजी की, 3 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया मोहम्मद रिजवान ने, और इसी वजह से पाकिस्तान की टीम जो है वो हमें अब आपको बताता चलूँ कि जो स्कोर है वो बनाते हुए दिखाई दी है। भला कितना स्कोर जो है वो दोस्तों हो चुका है अब टीम पाकिस्तान का, आपको बताता चलूँ कि 149, और अब जिम्बाब्वे की टीम को जो है वो 120 गेंदों के ऊपर 150 रन की ज़रूरत है, जहां पर अब जिम्बाब्वे की इनिंग्स जो है वो दोस्तों अब से कुछ ही लम्हात के बाद शुरू होते हुए हमें दिखाई देगी। जिम्बाब्वे की पारी जो है वो दोस्तों बारी जो है वो अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होते हुए हमें दिखाई देगी, और एक बढ़िया बल्लेबाजी जो है वो दोस्तों की जा सकती है टीम जिम्बाब्वे की तरफ से। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड, जहां पर अब सेकेंड इनिंग्स होगी, क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है आज के इस मुकाबले को, ये आपने हमें बता देना है, जहां पर अब जिम्बाब्वे के पास भी जीतने के उतने ही चांसेस हैं जितने के पाकिस्तान के पास हैं। रीज़न क्या है, वजह ये है दोस्तों यहां पर टीम जिम्बाब्वे जो है वो अच्छी क्रिकेट खेल कर अब इस स्थिति में आ चुकी, इस पोजिशन में आ चुकी है कि वो इस छोटे टोटल को, इतना भी बड़ा टोटल नहीं है इतना, सो दैट्स वाई अब पाकिस्तान की टीम को कोई दिक्कत तो रहनी नहीं चाहिए, वैसे अगर हम देखते हैं तो कोई दिक्कत जो है वो दोस्तों टीम पाकिस्तान को रहनी नहीं चाहिए, पर अब देखते हैं क्या बनता है इस मुकाबले का रिजल्ट, ये तो वक्त ही बेहतर बताएगा। जहां पर अब सेकंड इनिंग्स है, और सेकंड इनिंग्स की जो है वो दोस्तों कह लीजिए कि सेकंड इनिंग्स की शुरुआत जो है वो अब से कुछ ही लम्हात के बाद होते हुए हमें दिखाई देगी। इतनी अच्छी बल्लेबाजी जो है वो दोस्तों नहीं हो सकी, रीज़न क्या है, अब रीज़न आपको मैं बता देता हूँ क्यों, भला वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है वो इस स्लो विकेट के ऊपर अच्छी क्रिकेट खेलना चाहती थी, लेकिन इतनी अच्छी क्रिकेट इसलिए नहीं खेल पाई क्योंकि शुरुआती ओवर्स के अंदर गेंद को जो है वो मैरिट के ऊपर टीम पाकिस्तान ने नहीं खेला, अगर तो गेंद को मैरिट के ऊपर खेला होता तो फिर चीज़ें जो है वो किस और तरह से काम कर रही होती, जहां पर अब जिम्बाब्वे के दोनों जो सलामी बल्लेबाज हैं वो आ चुके हैं ग्राउंड के अंदर, दोनों ओपनर्स जो हैं वो दोस्तों ग्राउंड के अंदर आते हुए। एंड दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं टीम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स भी जो हैं वो अब ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं, आईपीएल के कमेंट्री के मैच भी की भी कमेंट्री करते हैं जी भाई, बिल्कुल जब भी हम मौका मिलता है तो आईपीएल के मैच की भी कमेंट्री हम करते हैं, सो वहां पर भी हम जो है वो आपको ज्वाइन कर लिया करेंगे, जब ये वाला मैच नहीं होगा तो वहां पर हम आपको जुड़ेंगे जी। तो दोस्तों अब नौ कह लीजिए कि टीम जिम्बाब्वे जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए आ जाएगी, जिम्बाब्वे के दोनों ओपनर जो है वो अब आ जाएंगे स्ट्राइक पर, जहां पर अब देखना होगा कि बॉलिंग कैसी होती है, ना ही हसन अली है ना ही शाहीन आफरीदी है, तो इन दोनों प्लेयर्स के ना होने की वजह से अब देखना होगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर किस किस्म का फर्क पड़ता है। मुदस्सिर रहमान भाई पूछते हुए कि वीडियो क्यों नहीं चल रही, तो भाई मेरे वजह ये है कि ये यूट्यूब है, यूट्यूब जो है वो यूट्यूब के ऊपर हमारी नहीं चलती, यूट्यूब के ऊपर वीडियो जो है वो दिखाने की इजाज़त नहीं है, सो दैट्स वाई हम YouTube के ऊपर जो है वो दोस्तों लाइव स्ट्रीम नहीं दिखा पाते, मैं ही नहीं अकेला, हर कोई जो है वो दोस्तों लाइव नहीं दिखा पाता YouTube के ऊपर, जहां पर अब जिम्बाब्वे के दोनों सलामी बल्लेबाज जो है वो दोस्तों आते हुए ग्राउंड के ऊपर जो कि स्ट्राइक पर मौजूद होंगे दोस्तों इस वक्त। ये बल्लेबाज नाम लेना इनका थोड़ा सा मुश्किल है, ये देखना होगा जरा इनका नाम क्या है, इनाशी जो है वो दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, अजीब अजीब किस्म के जो है वो थोड़े से नाम है, सो दैट्स व्हाई
लेने में जो है वो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। चलिए कोई बात नहीं, जैसे जैसे ये मैच आगे चल, अब्दुलरहमान चावला ने हमें ज्वाइन कर रखा है, वेलकम टू दिस लास्ट टीम, जहां पर रब बॉलर है तैयार रब मोहम्मद अस्नान, राइट हम ओवर द विकेट, अपने ओवर की पहली गेंद लेकर आएंगे, शॉर्ट पिच अगेन, लीव किया है इस गेंद को, भेजा है विकेट कीपर के पास, शॉर्ट पिच गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, पुल करना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर इस गेंद को लीव करते हुए भेजा है विकेट कीपर के दस्तानों में, जहां पर अब स्कोर हो जाएगा जीरो टीम जिम्बाब्वे का बिना किसी विकेट के नुकसान पे। पहली ही गेंद थोड़ी सी स्विंग हुई, थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली और बल्ले को मिस करते हुए गई ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। तब्दील खान को जो है वो खेलना चाहिए था, जी बिल्कुल आपने सही बोला, तब्दील खान को जो है वो लाजमी तौर पर टीम का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन तब्दील खान जो है वो दोस्तों आज का ये वाला मुकाबला नहीं खेल रहे, जहां पर अगली गेंद बैकफुट पर आते हुए पंच कर दिया इस गेंद को कवर्स के रीजन में। और अब जो है वो जीरो रहते हुए स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे, दूसरी पारी की शुरुआत जो है वो दोस्तों मुकाबले के अंदर अब हो चुकी है। जिम्बाब्वे जो है वो अब बल्लेबाजी करने के लिए आज की ये देखना होगा कि किस किस्म की बल्लेबाजी की जाती है जिम्बाब्वे की तरफ से, जहां पर अब बॉलर हैं तैयार अपने ओवर के लिए लेकर, जो है वो स्ट्राइक पर मौजूद, मदवीर जो है वो दोस्तों नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद हैं, और एक बढ़िया स्टार्ट की जो है वो हमें उम्मीद है टीम जिम्बाब्वे की तरफ से, और बढ़िया स्टार्ट लेते हुए उनको अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना होगा। पैट्स पर टकराएगी गेंद, बड़ी अपील, एलबीडब्ल्यू की बड़ी अपील, लेकिन नॉट आउट का डिसीजन दिया जाएगा अंपायर की तरफ से, पैट्स पर जाकर टकराई ये गेंद और जो है वो अंपायर अनमूव रहे, जिसकी वजह से बैट्समैन सर्वाइव करेंगे दोस्तों, जहां पर अब स्कोर हो जाएगा मुकाबले के अंदर एक टीम जिम्बाब्वे का। पैट्स पर टकराने के बाद ये गेंद गैप में रही और सिंगल लेते हुए दोनों बल्लेबाज, Zimbabwe need another 149 runs to win this match. मोहम्मद अस्नान जो है वो दोस्तों अपनी गेंदबाजी के सिलसिले को जारी रखे हुए, जहां पर अच्छी विकेट टू विकेट बॉलिंग करवाते हुए गेंद को स्विंग करवाने की कोशिश में है मोहम्मद अस्नान, जो अपनी ओवर के लिए गेंद लेकर एक दफा फिर से यहां तैयार, दौड़ना शुरू किया तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद क्या बढ़िया गेंद और उतना ही बढ़िया शॉट, गेंद जाएगी एक्स्ट्रा कवर के रीजन में बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए, नाइसली प्लेड, बहुत ही उमदा शॉट, कोई मौका नहीं रहेगा किसी प्लेयर के पास कि वो इस गेंद को रोके, और गेंद दो फील्डर्स को चीरते हुए जाएगी डीप पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के रीजन में एक और चौके के लिए। चौके के साथ ये टीम अपने स्कोर को आगे बढ़ाएगी, जहां पर अब 3900 से ऊपर दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए 4000 लाइक्स होने वाले हैं, अगर आपने नहीं कर रखा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टारगेट 150 रन का है दोस्तों, और अब देखना होगा कि ये टीम कितने रन को बना पाएगी आज के इस मुकाबले के अंदर, जहां पर अच्छा स्टार्ट जो है वो दोस्तों लिया गया है, बॉलर है तैयार, राइट हम ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बल्ले के आउटसाइड एज को मिस करते हुए जाएगी ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों, मदवीर को आई थी ये गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे वो लेकिन रहेंगे नाकाम, गेंद जाएगी उनके बल्ले के आउटसाइड एज को मिस करते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। क्रिकेट लवर खान ने हमें ज्वाइन कर रखा, जो बोल रहे हैं सही कमेंट्री करें, क्यों भाई मेरी कमेंट्री को क्या हुआ है, सही ही कर रहा हूं मैं, अब मैं कैसे बोलूँ जरा ये मुझे बताएं। तब्दील खान को आना चाहिए, इमाद वसीम को आना चाहिए, शादाब खान को आना चाहिए, हसन अली को आना चाहिए, ये तमाम प्लेयर अगर टीम के अंदर आएंगे तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग होगी। अनप्लेबल डिलीवरी, बहुत ही उम्दा गेम, अनप्लेबल डिलीवरी हसन अली की तरफ से, गुड लेंथ की यह गेंद थी जो कि विकेट के बीचों बीच टकराई और टप्पा लेने के बाद बाहर की तरफ गई, बैट्समैन इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन रहेंगे नाकाम, और यह गेंद उनके बल्ले के एज को मिस करते हुए जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में। वाह क्या बात है, मोहम्मद हसनैन जो है वो दोस्तों कमाल गेंदबाजी करवाते हुए, जहां पर अब स्कोर हो जाएगा मैच के अंदर 5 बिना किसी विकेट के नुकसान पे, 1 ओवर का खेल मैच के अंदर हो चुका है पूरा। शर्जील को आना चाहिए टीम के अंदर लाजमी तौर पे, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक बोला आपने कि शर्जील अगर आएंगे तो ये एक अच्छी चीज रहेगी। 3950 दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए 4000 लाइक्स जो है वीडियो के ऊपर होने वाले हैं पूरे, अगर आपने भी नहीं कर रखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब जो है वो दोस्तों 5 रहते हुए स्कोर टीम जिम्बाब्वे का बिना किसी विकेट के नुकसान पे, 1 ओवर का खेल मैच के अंदर होते हुए पूरा। यहाँ पर मोहम्मद हसनैन जो है वो दोस्तों अच्छी बॉलिंग करवा कर गए हैं, और पहले ही ओवर के अंदर उनकी तरफ से अनप्लेबल किस्म की जो है वो दोस्तों गेंदबाजी करवाई गई है, बैट्समैनों को खेलने में काफी ज्यादा दिक्कत का जो है वो सामना करना पड़ा है। बाबर आजम है टीम पाकिस्तान के कप्तान, और इनकी कप्तानी के अंदर टीम पाकिस्तान ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी हुई है, जहां अब बॉलर है तैयार अपने ओवर के लिए गेंद लेकर आएंगे, बैकफुट पर आते हुए कट कर दिया इस गेंद को पॉइंट की तरफ, गैप में खेलना चाहते थे बल्लेबाज,
लेकिन रहेंगे नाकाम। गेंद जाएगी सीधा फील्डर के पास और इसी के साथ अब पांच रहते हुए स्कोर टीम जिम्बाब्वे का बिना किसी विकेट के नुकसान पे। फहीम अशरफ को जो है वो दोस्तों अब गेंदबाजी करने के लिए लाया गया है। देखना होगा कि किस किस्म की गेंदबाजी जो है वो की जाती है फहीम अशरफ की तरफ से। इज अ गुड बॉलर। विकेट टू विकेट जो है वो दोस्तों बॉलिंग करवाई जाती है फहीम अशरफ की तरफ से, जो कि अब अपनी बॉलिंग के सिलसिले को रखे हुए हैं जारी। बल्लेबाज हैं तैयार, गेंद लेकर आएंगे बैकफुट पर आते हुए कट कर दिया इस गेंद को। इस दफा कोई मौका नहीं किसी प्लेयर के पास के वो इस गेंद को रोके और गेंद बढ़ते हुए जाएगी डीप पॉइंट के रीजन में, बाउंड्री लाइन के बाहर एक और चौका। छक्कों की जो है वो दोस्तों बरसात होते हुए मुकाबले के अंदर जहां एक और चौका जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा। एंड विद दैट फोर द स्कोर मूव्स ऑन टू 100 बल्कि अकेला 9 रहते हुए स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। स्मैश किया था इस गेंद को और अब इस मैच को इंटरेस्टिंग बनाते हुए टीम जिम्बाब्वे 9 है स्कोर टीम जिम्बाब्वे का बिना किसी विकेट के नुकसान पे, जहां फहीम अशरफ अपने ओवर के लिए गेंद लेकर एक दफा फिर से आएंगे। गेंद के विकेट में आती हुई गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ खेल दिया इस गेंद को वापिस बॉलर के पास एंड डॉट के साथ। अब स्कोर रहते हुए मुकाबले के अंदर 9 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। एक ओवर और 3 गेंदों का खेल मैच के अंदर होते हुए अब पूरा। जीत के लिए 150 रन का हदफ दिया गया है टीम पाकिस्तान की तरफ से। 150 रन का जो है वो दोस्तों टारगेट दिया गया है, जहां पर टीम जिम्बाब्वे जो है वो दोस्तों अच्छी क्रिकेट खेलते हुए इस टारगेट के पीछे चलते हुए टीम जिम्बाब्वे, जहां पर अब बॉलर हैं तैयार अपने ओवर के लिए। गेंद लेकर दौड़ना शुरू किया तेज हुए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद क्या विकेटों में आती हुई गेंद बैकफुट पर आते हुए खेल दिया इस गेंद को लेग साइड की तरफ। एक और सिंगल का होते हुए इजाफा, सिंगल के साथ हो जाएगा स्कोर 9 टीम बल्कि 10 होते हुए जिम्बाब्वे का बिना किसी विकेट के नुकसान पे। एक ओवर और 4 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर होते हुए पूरा। हम दूसरे चैनल के ऊपर क्या सीन है, क्या उस चैनल के ऊपर आवाज, अरे भाई कोई बताओ तो सही, कम से कम हद हो गई है कसम से, ये आवाज नहीं आ रही मेरी हद से। दोस्तों कोई हाल नहीं है आप तमाम दोस्तों का, मुझे बताया नहीं है कि आवाज नहीं आ रही। बॉलर है तैयार, गेंद लेकर आएंगे बैकफुट पर आते हुए इस गेंद को कट कर दिया है, भेज दिया है इस गेंद को एक और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही थी क्रिकेटर्स बाय वासिफ के ऊपर, लेकिन किसी के अंदर इतनी वो नहीं थी कि किसी ने बताया हो कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही। जी तो दोस्तों अब स्कोर रहते हुए 14 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। मैं भी कहूँ कि व्यूज क्यों नहीं बढ़ रहे, 1600 के ऊपर ही जो है वो कह लीजिए कि व्यूज बैठे हुए हैं, क्या रीजन है? तो अब मुझे रीजन की जो है वो समझ आई, चलिए कोई बात नहीं। जी तो दोस्तों 14 है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। टीम जिम्बाब्वे जो है वो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेलते हुए, आला क्रिकेट खेलते हुए अपनी टीम की तरफ से, जहां बॉलर है तैयार, गेंद लेकर आएंगे पैड्स पर आती हुई गेंद को फ्लिक कर दिया है मिड विकेट के रीजन में और फील्डर गेंद के पीछे उस्मान कादिर जो इस गेंद को रोकने की कोशिश में, लेकिन रहेंगे नाकाम और गेंद बढ़ते हुए जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर एक और चौका। Beautifully played, nicely timed, and the ball races away towards boundary line for another 4. कितने मैसेज किए कि आवाज नहीं आ रही, अरे भाई अब आपकी मेरी आवाज आएगी ही आपको। अरे भाई ये हमारा दूसरा जो चैनल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर किसी को आवाज नहीं आ रही थी। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार, ऊंच नीच जो है वो हो जाती है। सारा खान ने भी नहीं बताया हमें, हमारे मॉड ने भी नहीं बताया हमें। जी तो दोस्तों अब 18 है स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के। 2 ओवर्स के बाद कौन सी टीम आपके ख्याल से आज के इस मुकाबले को जीतने जा रही है, ये आपने हमें बता देना है। जिम्बाब्वे की टीम को जो है वो दोस्तों 132 रन की जरूरत है ये वाला मैच जीतने के लिए। अरे भैया हमारा स्कोर कार्ड, मेरा माउस जो है वो लगता खराब हो गया, चलिए कोई बात नहीं मैम मत करो। जी बिल्कुल, अगली गेंद देखता हुआ फिर पुल कर दिया इस गेंद को लेग साइड की तरफ, गैप में है गेंद, एक और सिंगल का होते हुए इजाफा। सिंगल के साथ जो है वो दोस्तों ये टीम अपने स्कोर को आगे बढ़ाएगी, जहां पर अब जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से लिया गया है एक बेहतरीन स्टार्ट। अनबिलीवेबल क्रिकेट बाय टीम जिम्बाब्वे, और अगर वो यूं ही खेलते रहे दोस्तों तो इस मुकाबले को लाजमी तौर पे जीत सकते हैं वो, और हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकती है टीम जिम्बाब्वे, जहां पर अब गेंदबाज रहेंगे तैयार अपने ओवर के लिए। गेंद लेकर अच्छी क्रिकेट खेलते हुए टीम जिम्बाब्वे, पिछले ओवर के अंदर 3 चौके जो है वो हमें देखने को मिल गए थे टीम जिम्बाब्वे की ओर से। पूरा बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए टीम जिम्बाब्वे
जहां पर जिस किस्म के स्टार्ट की जरूरत थी उनकी तरफ से बिल्कुल वैसा ही स्टार्ट लिया गया है टीम जिम्बाब्वे की ओर से। और अब स्कोर रहते हुए हमने बिना किसी विकेट के नुकसान पे दो ओवर्स और दो गेंदों का खेल अब मैच के अंदर हो चुका है पूरा। कौन सी टीम जीतने वाली है आज के इस मुकाबले को, ये आपने हमें बता देना है गाइस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर स्ट्रिंग विद अस। जहां पर अब बॉलर है तैयार पुल करने की कोशिश, गेंद जाकर बॉडी से टकराएगी और गेंद जाएगी पॉइंट के फील्डर की तरफ। पुल करना चाहते थे मधुवीर इस गेंद को लेग साइड की तरफ, लेकिन नाकाम रहे वो इस गेंद को पुल करने में, गेंद जाकर उनकी बॉडी से टकराई। इस तरह अब 19 रहते हुए स्कोर टीम जिम्बाब्वे का बिना किसी विकेट के नुकसान पे दो ओवर और तीन गेंदों का खेल अब मैच के अंदर होते हुए पूरा। सर्विस टायर वालों का जो है वो दोस्तों बैनर लगा हुआ है स्टैंड्स के अंदर, और अगर कोई प्लेयर उस बैनर को हिट करता है तो उसको $500 का इनाम दिया जाएगा। वेकअप कॉल फॉर टीम पाकिस्तान, जहां पर शाहीन आफरीदी नहीं है इस टीम के अंदर। पाकिस्तान की टीम ने जो है वो आपको बताता चलूं कि बैटिंग इतनी अच्छी नहीं की, इसी वजह से पाकिस्तान की टीम हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है। पुल कर दिया इस गेंद को, मिड विकेट के रीजन में कैच करने की कोशिश फखर जमान की तरफ से इस गेंद को, लेकिन वो इस गेंद को कैच करने में रहेंगे नाकाम। और अब स्कोर रहते हुए मैच के अंदर 21 टीम जिम्बाब्वे का बिना किसी विकेट के नुकसान पे। शॉर्ट पिच गेंद थी, पटकी हुई गेंद, इस गेंद को पुल करना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन नाकाम रहे, और अच्छे से खेलने में फखर जमान के हाथों में गई ये गेंद, लेकिन फखर जमान इस गेंद को जो है दोस्तों कैच करने में रहेंगे नाकाम। जहां पर अब स्कोर रहते हुए 21 टीम जिम्बाब्वे का बिना किसी विकेट के नुकसान पे। मधुवीरा जो है वो दोस्तों 14 के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, और लग ही रहा है इस मैच के हाल को देख करके टीम जिम्बाब्वे पाकिस्तान की टीम को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली, और टीम पाकिस्तान को जो है वो थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। विकेट को लूज कर देगी टीम जिम्बाब्वे। मधुवीरा इस गेंद को पुल करना चाहते थे लेग साइड की तरफ, लेकिन यह गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेने के बाद जाएगी सीधा फील्डर के हाथ में। बाबर आजम मौजूद है मिड ऑफ की पोजिशन पर, करेंगे इस गेंद को कैच, और इस तरह टीम जिम्बाब्वे जो है वो दोस्तों पहली विकेट को लूज करते हुए। पुल करना चाहते थे बल्लेबाज इस गेंद को लेग साइड की तरफ, लेकिन रहेंगे नाकाम। गेंद जो है वो दोस्तों बैट्समैन के ऊपर चढ़ दौड़ी और इस गेंद को पुल करने में नाकामी हुई बल्लेबाज को, और इस तरह टीम जो है वो जिम्बाब्वे अपनी विकेट को लूज करते हुए। बड़ा धक्का लगेगा टीम जिम्बाब्वे को, जहां पर अब स्कोर हो जाएगा 21 टीम जिम्बाब्वे का, एक विकेट के नुकसान थे, दो ओवर और पांच गेंदों का खेल अब मैच के अंदर होते हुए पूरा। छोटी गेंद थी, पटकी हुई गेंद, और पहली विकेट जो है वो दोस्तों अब गिर चुकी है। पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे ये पहला T20 मुकाबला इन दोनों टीम्स के दरमियान जारी है। दूसरा T20 मुकाबला परसों को खेला जाएगा इन दोनों टीम्स के दरमियान, और उसके बाद आखिरी T20 मुकाबला जो है वो दोस्तों आपको बताता चलूं कि इन दोनों टीम्स के दरमियान जो है वो खेला जाएगा। भला कब वो खेला जाएगा दोस्तों इन दोनों टीम्स के दरमियान, 25 तारीख को। अब देखना होगा कि कौन सी टीम जो है वो इस मुकाबले को विन करती है। जहां पर अब स्कोर हो जाएगा 21 टीम जिम्बाब्वे का, एक विकेट के नुकसान पे दो ओवर और पांच गेंदों का खेल मैच के अंदर होते हुए पूरा। हरारे स्पोर्ट्स क्लब से जो है वो दोस्तों ये वाला मुकाबला इन दोनों टीम्स के दरमियान अभी लाइव खेला जा रहा है। कम से कम 5 विकेटों को निकालना होगा, कह लीजिए पहले 10 ओवर्स के अंदर। टीम पाकिस्तान को दोस्त का ये कहना है कि अगर उनको ये वाला मैच जीतना है, अरे भैया इतना आसान नहीं होगा 5 विकेट्स को जो है वो निकालना। जहां पर अब टीम विलियम्स अपनी टीम की कप्तानी करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो एक और प्लेयर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, मारुमानी जो है वो दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। मरुमानी जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। जहां पर अगली गेंद हसनैन की गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड हिट कर दिया इस गेंद को, और एक और विकेट को लूज करते हुए टीम जिम्बाब्वे। दो गेंदें दो विकेट गिरते हुए टीम जिम्बाब्वे की, जहां इस गेंद को पुल करना चाहते थे बैट्समैन लेग साइड की तरफ, और इस गेंद ने लिया बल्ले का एज और हवा में रही ये गेंद, गई सीधा फील्डर के पास बाबर आजम के पास। बाबर आजम करते हुए दूसरा कैच, और दूसरे कैच के साथ अब स्कोर हो जाएगा 21 टीम जिम्बाब्वे का दो विकेट के नुकसान पे। अफजाल खान भाई बोलते हुए कि स्कोर कार्ड को थोड़ा क्लियर कर दो, तो भाई मेरे आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें तो स्कोर कार्ड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जी तो दोस्तों विकेट को लूज कर दिया इस टीम ने, एंड विद दैट द स्कोर इज 21 ऑन द लॉस्ट ऑफ टू विकेट। जिम्बाब्वे की टीम जो है वो अब थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए।
जी तो दोस्तों अब 21 स्कोर 2 विकेट नुकसान पे पाकिस्तान की टीम का पलड़ा भारी रहते हुए मुकाबले के अंदर जिम्बाब्वे की टीम जो है वो अब हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई देगी। रहते हुए स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे आवाज गुम हो गई है वासिफ भाई। अरे भाई अभी भी आवाज गुम है क्या? इससे पहले तो गुम थी, पहले क्यों नहीं बताया आपने मुझे? मुझे गुस्सा है आप तमाम दोस्तों के ऊपर। मुझे नहीं बताया आपने कि मेरी आवाज आपको नहीं आ रही और इस वजह से जो है वो कह लीजिए कि हम थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए इस चैनल के ऊपर। मोहम्मद नवाज को बॉलिंग के लिए लाया गया, देखना होगा कि किस किस्म की बॉलिंग जो है वो दोस्तों करवाई जाएगी। मोहम्मद नवाज की तरफ से एक अच्छे गेंदबाज है मोहम्मद नवाज, यहाँ पर अब स्कोर रहते हुए मैच के अंदर 21 दो विकेट के नुकसान पे। मोहम्मद नवाज विल कंटिन्यू हिज बॉलिंग, जहाँ अपने ओवर की गेंद लेकर मोहम्मद नवाज जो है वो दोस्तों हैं तैयार। नवाज अपने ओवर की पहली गेंद लेकर आएंगे, इस गेंद को स्वीप करने की कोशिश, लेग साइड की तरफ गेंद जाकर पैड से टकराएगी, बड़ी अपील और नॉट आउट का सिग्नल दिया जाएगा अंपायर की तरफ से। नॉट आउट का जो है वो दोस्तों सिग्नल दिया जाएगा अंपायर की तरफ से। और 21 रहते हुए स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे बाबर आजम ने 2 गेंदों के ऊपर 2 प्लेयर्स को कैच आउट किया। मोहम्मद हसनैन अब हैट्रिक पर होंगे जब अगले ओवर के अंदर वो बल्ले बॉलिंग करवाने के लिए आएंगे, जहां अगली गेंद पैड्स पर आएगी, इस गेंद को फ्लिक करने की कोशिश, लेकिन रहेंगे बैट्समैन नाकाम, एक और डॉट डिलीवरी। मुझे लगा आपको रोजा लग, अरे नहीं ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, रोजा जो है वो कह लीजिए कि क्यों लगना हमें भला, इतने प्यारे रोजे गुजर रहे हैं कसम से, कोई किसी किस्म का रोजा तो फील ही नहीं हो रहा। 21 है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे, जहां पर अब बॉलर हैं तैयार अपने ओवर के लिए, गेंद लेकर सामना करेंगे इस गेंद का इनाशे, जहां पर 7 रन बना रखे 10 गेंदों का सामना करते हुए इन्होंने। नवाज विकेट विकेट बॉलिंग करवाते हुए यहां पर अब अपने ओवर के लिए गेंद लेकर आएंगे, पैड्स पर आएगी, ये गेंद फ्लिक कर दिया, इस गेंद को लेग साइड की तरफ गैप में, अगेन 1 रन का इजाफा दूसरे के लिए, वापिस आना चाहते थे ये दोनों बल्लेबाज, लेकिन बनेगी सिंगल महबूब मालू। एमडी इश्तियाक भाई ने हमें ज्वाइन कर रखा है, वेलकम टू दिस लाइव स्ट्रीम। महिंद्र रॉय ने हमें ज्वाइन कर रखा है, वेलकम टू दिस लाइव। क्योंकि अरवाइन जो है वो दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं, सीन विलियम्स जो के कप्तान थे वो इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, देखना होगा कि किस किस्म की बल्लेबाजी जो है वो इनकी ओर से की जाएगी। 22 है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे, जहां अगली गेंद विकेटों में आएगी, इस गेंद को हल्के हाथों के साथ खेल दिया लेग साइड की तरफ, शॉर्ट लेग की पोजीशन पर फील्डर रहेंगे मौजूद जो करेंगे इस गेंद को फील्ड, और अब स्कोर रहते हुए मुकाबले के अंदर 22 2 विकेट के नुकसान पे। बॉलर है तैयार, स्वीप कर दिया है, बढ़िया शॉट, गैप में है गेंद और बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद चौके के लिए। इस किस्म की ही बाउंड्रीज लगानी होंगी दोस्तों अगर इस टीम को यह वाला मैच जीतना है, लेकिन अब एक और चौका मिलेगा, चौके के साथ अब 26 हो जाएगा स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। स्वीप किया था इस गेंद को लेग साइड की तरफ, फेंड लगाएंगे चौका जिम्बाब्वे के ये बल्लेबाज मोहम्मद नवाज को लगेगा चौका दोस्तों, और चौके के साथ ये अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे क्रेग इरवाइन, जहां पर अब 26 हो जाएगा स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर्स और 5 ओवर्स का खेल जो है वो मैच के अंदर हो चुका है पूरा। मोइस भाई बोलते हुए स्क्रीन दिखाओ, सॉरी मेरे दोस्त ये यूट्यूब है और यूट्यूब के ऊपर हम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं दिखा सकते। जहां अगली गेंद पैड्स पर आएगी, फ्लिक करने की कोशिश, इस गेंद को लेग साइड की तरफ, पैड्स पर जाकर टकराएगी ये गेंद और नॉट आउट का सिग्नल दिया जाएगा अंपायर की तरफ से। एंड इसी के साथ अब 26 रहते हुए स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। अफजाल इजाज भाई ने हमें ज्वाइन कर रखा है, हेलो एंड वेलकम टू दिस लाइव स्ट्रीम। अफजाल इजाज भाई क्या चाल है आपके, काफी देर के बाद आपने हमें ज्वाइन किया। 4150 दोस्त वीडियो को लाइक करने वाले हैं, अगर आपने भी नहीं कर रखा तो आप भी कर सकते हैं वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, थैंक यू सो मच गाइस। क्या लगता है पाकिस्तान की टीम जीतेगी या फिर टीम जिम्बाब्वे जीतेगी, क्या लगता है दोस्तों आपको, ये आपने हमें बता देना है। 26 ऑन द लॉस ऑफ 2 विकेट्स न्यू हेयर, और जो भी दोस्त हमारे साथ नए आ रहे हैं उनके बारे में आपको बताता चलूं कि वो यूं ही हमारा साथ दें, आपके नाम वगैरह भी मैं ले लूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी जो है वो मैच अच्छा बन रहा है तो मैच को जो है वो हम कवर करेंगे। वकास हुसैन भाई पूछते हुए कि सरफराज अहमद कहाँ पे है, तो आपको बताता चलूं कि सरफराज अहमद भी जो है वो
इसी टीम का हिस्सा है और हमें खेलते हुए दिखाई देंगे मोहम्मद सरफराज अहमद। देखना होगा कि अब नहीं लेकिन अगले आने वाले मैचेस के अंदर हो सकता है इनको चांस दिया जाए। जहां शॉर्ट पिच अगेन कट करने की कोशिश इस गेंद को, लेकिन बल्ले का इनसाइड एज लेने के बाद जाएगी अगेन विकेट कीपर के दस्तानों में, जहां पर अब स्कोर रहते हुए 26-2 विकेट के नुकसान पे। चलिए महीन रॉय दे रहा है दुरुस्त है, क्या जिम्बाब्वे की टीम इस बड़े स्कोर को चेज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। जल्दी गाइस क्या लगता है आपको कि जिम्बाब्वे की टीम की बल्लेबाजी जो है बहुत अच्छी हो पाएगी या नहीं। यहां पर मुश्किल ही लगता है कि जिम्बाब्वे की टीम जो है इस मुकाबले को जीतेगी, क्योंकि शुरुआती ओवर्स के अंदर जो है उन्होंने 2 विकेट का लूज कर दिया है और रब बॉलर हैं तैयार अपने ओवर के लिए। गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया तेज, वो एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद क्या स्लो रूम दिया, गेंद इस गेंद को फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव कर दिया है एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, गैप में खेलने की कोशिश इस गेंद को बल्लेबाज की तरफ से, लेकिन रहेगा नाकाम। गेंद जाएगी सीधा फील्डर के पास जो करेंगे इस गेंद को फील्डर, अब स्कोर रहते हुए 26 टीम जिम्बाब्वे का 2 विकेट के नुकसान पे। बढ़िया फील्डिंग एफर्ट फील्डर की ओर से जिन्होंने डाइव करते हुए इस यकीनी चौके को जो है वो रोका। पहला मुकाबला है इन दोनों टीम्स के दरमियान, दूसरा मुकाबला जो है वो दोस्तों इन दोनों टीम्स के दरमियान अब आपको बताता चलूं कि खेला जाएगा वाला कब। दूसरा मुकाबला 25 तारीख को और तीसरा मुकाबला जो है वो इन दोनों टीम्स के दरमियान 27 तारीख को खेला जाएगा, जहां पर रब बॉलर है तैयार, गेंद लेकर आएंगे बैक फुट पर आते पंच कर दिया इस गेंद को कवर्स के रीजन में, गैप में है गेंद और सिंगल को पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज सिंगल के साथ अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे, जहां पर रब 27 हो जाएगा स्कोर टीम जिम्बाब्वे का 2 विकेट के नुकसान पे। फरहाना पूछते हुए कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, आप अपने गेस्ट का नाम क्यों नहीं लेते, ऐसा कहना है दोस्त का। अरे भाई बंदा कितने कितने गेस्ट का नाम ले, अभी माशाल्लाह अच्छी तादाद में आप तमाम दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो नाम लेना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप तमाम दोस्तों का। जहां पर अब 27 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे, 4 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल मैच के अंदर होते हुए पूरा। बॉलर है तैयार फहीम अशरफ, राइट आर्म ओवर द विकेट, अपने ओवर के लिए गेंद लेकर आएंगे, पैड्स पर जाकर टकराई है, अगेन अपील हो सकती है LBW की, लेकिन नॉट आउट का सिग्नल दिया जाएगा अंपायर की तरफ से, पैड्स पर जाकर टकराएगी अगेन, नॉट आउट का सिग्नल क्योंकि अगेन लेग स्टंप को मिस कर रही थी और इसी वजह से नॉट आउट का सिग्नल दिया जाएगा। बहुत ही कम दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, 42 लाइक्स होने वाले हैं वीडियो के ऊपर, जहां पर अब खेलना चाहते थे बैट्समैन इस गेंद को लेग साइड की तरफ, लेकिन मुकम्मल तौर पर मिस कर बैठे इस गेंद को, गेंद जाकर पैड से टकराई, जहां पर अब 28 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। अहमद खान पुणे से हमारे साथ मौजूद हैं और अब बाउंड्री इस ओवर के अंदर लाजमी तौर पे चाहिए टीम साउथ अफ्रीका को, जहां जिम्बाब्वे को, जहां अगली गेंद विकेटों में आ गई, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड हिट कर दिया इस गेंद को मिड ऑन के रीजन में, गैप में है गेंद, एक और सिंगल का हो जाएगा इजाफा, सिंगल के साथ हो जाएगा स्कोर अब मैच के अंदर 29 2 विकेट के नुकसान। इस ओवर के अंदर कोई बाउंड्री नहीं लगी, पिछले ओवर के अंदर एक चौका जो है वो दोस्तों लगा, मच मोर रिस्पेक्ट बाय माई साइड ज़ाहिब उल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अच्छे अंदाज से कमेंट्स करते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बुरहानुद्दीन ने हमें ज्वाइन कर रखा है, शॉट आउट टू यू एज वेल। अपनी गेंद को फ्लिक करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की और सिंगल को पूरा करेंगे ये दोनों बल्लेबाज एंड सिंगल के साथ अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे 29 से बढ़ते हुए, अब स्कोर हो जाएगा 30 2 विकेट के नुकसान पे 5 के बाद, जहां पर अब 15 ओवर्स का खेल जो है वो दोस्तों इस इनिंग्स के अंदर होना मजीद बाकी है। 15 ओवर्स के अंदर ये टीम कितने रन बनाएगी, क्योंकि टारगेट जो है वो इतना बड़ा नहीं है जुबल गाइस, सो दैट्स वाई यहां पर अब थोड़ी सी दिक्कत का जो है वो दोस्तों सामना करना पड़ सकता है टीम पाकिस्तान को, अगर एक बड़ी पार्टनरशिप लगाते हैं ये प्लेयर। अभी इसके बाद जो प्लेयर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे दोस्तों वो भला कौन होंगे, वो होंगे कप्तान सीन विलियम्स, और सीन विलियम्स जो है वो दोस्तों एक बढ़िया कप्तान है अपनी टीम के, बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं वो अपनी टीम की तरफ से, जहां पर अब 30 स्कोर टीम जिम्बाब्वे का 2 विकेट के नुकसान पे 5 के बाद। पावर प्ले का ये लास्ट ओवर होगा दोस्तों, और लास्ट ओवर के अंदर अब देखना होगा कि किस किस्म की बल्लेबाजी होती है पाकिस्तान की टीम की तरफ से। आज बाबर आजम नाकाम रहे, बल्कि सारे के सारे प्लेयर नाकाम रहे सवाए एक प्लेयर के दोस्तों, जिनका नाम है मोहम्मद रिजवान, और मोहम्मद रिजवान की तरफ से एक लाजवाब क्रिकेट खेली गई आज के इस मुकाबले के अंदर, जिन्होंने अपनी टीम के स्कोर को जो है वो दोस्तों आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाते हुए अपनी टीम के स्कोर को जो है वो 150 पर पहुंचा दिया। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेली गई मोहम्मद रिजवान की ओर से, जहां पर अब 30 है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे 5 के बाद। बॉलर है तैयार, गेंद लेकर आएंगे, बढ़िया गेंद, बढ़िया अपील, कॉट बिहाइंड की, नॉट आउट का सिग्नल दिया जाएगा अंपायर की तरफ से, और अब देखना होगा कि थर्ड अंपायर के पास जाया जाता है या नहीं जाया जाता। हारिस राव की अगेन टप्पा लेने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली, और ये गेंद जो है वो दोस्तों आपको बताता चलूं कि
बल्ले का एज मिस करते हुए गई, विकेट कीपर के दस्तानों में बड़ी अपील हुई। हारिस स्ट्रोक ने आते ही कमाल गेंदबाजी का जो है वो दोस्तों सिलसिला शुरू कर दिया है। That was an absolutely cracking delivery, जहां पर अब 30 रहते हुए स्कोर दो विकेट के नुकसान पे, छठे ओवर का खेल अभी मैच के अंदर चलते हुए दोस्तों, जहां अपने ओवर के लिए गेंद लेकर बॉलर रहेंगे तैयार। हारिस स्ट्रोक आएंगे अच्छी गेंद लेकर, बल्ले का बाहरी किनारा लिया इस दफा गेंद ने और जाएगी थर्ड मैन के रीजन में। थर्ड मैन की पोजिशन पर मोहम्मद हसनैन रहेंगे मौजूद, जो करेंगे इस गेंद को फील्ड। और अब 30 रहते हुए स्कोर दो विकेट के नुकसान पे, मोहम्मद हसनैन के बारे में दोस्तों आपको बताता चलूं कि मोहम्मद हसनैन जो है वो हैट्रिक पर होंगे अगले ओवर के अंदर। जब भी मोहम्मद हसनैन बॉलिंग करवाने के लिए आएंगे दोस्तों, तो वो हैट्रिक पर रहने वाले हैं। अगला मुकाबला होगा 23 को और उसके बाद अगला मुकाबला 25 को। जी बिल्कुल दोस्तों, ये दो मैचेस जो है वो हमें होते हुए दिखाई देंगे। एंड इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं टेस्ट मैच सीरीज की, तो पहला मैच 29 को होगा, दूसरा मैच 7 तारीख को इन दोनों टीम्स के दरमियान होते हुए हमें दिखाई देगा, जहां पर अब बॉलर है तैयार, अपने ओवर के लिए गेंद लेकर आएंगे। बैकफुट पर कट कर दिया इस गेंद को, डीप पॉइंट की तरफ गैप में है गेंद और गेंद बढ़ते हुए जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। दैट वाज एन एब्सोल्युटली क्रैकिंग हिट, बहुत ही बढ़िया अंदाज से खेला गया है शॉट, कोई मौका नहीं रहेगा किसी प्लेयर के पास कि वो इस गेंद को रोके, और गेंद बढ़ते हुए जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। महीन राइज 10 और चौके के साथ अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए, कौन सी टीम जीतने वाली है इस मुकाबले को, यह आपने हमें बता देना है। रिजवान ने आज 82 रन की एक बेहतरीन पारी खेली थी, आखिरी ओवर के अंदर 3 चौके और 1 छक्का लगाया मोहम्मद रिजवान ने, और इसी बदौलत वो अपनी टीम के स्कोर को हमें आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए। जहां पर अब बॉलर है तैयार, एक दफा फिर अपने ओवर के लिए गेंद लेकर बॉलर आए, गेंद क्या अच्छा गेंद विकेटों में आएगी ये गेंद, इस गेंद को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ खेल दिया है वापस बॉलर के पास। इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान का स्कोर 39 था और 1 विकेट का लूज किया हुआ था टीम पाकिस्तान ने, जबकि जिम्बाब्वे का स्कोर 35 है और उन्होंने 2 विकेट का लूज कर रखा है। अभी भी टीम पाकिस्तान का पलड़ा जो है वो टीम जिम्बाब्वे से थोड़ा सा भारी दिखाई दे रहा है हमें, जहां पर अब बॉलर है तैयार, अपने ओवर के लिए गेंद लेकर सामना करेंगे हारिस स्ट्रोक की इस गेंद का तिनाशे, जो कि अब स्ट्राइक पर मौजूद हैं। अगली गेंद लेकर बॉलर आ, गेंद क्या पैड्स पर आती हुई गेंद, पैड्स पर जाकर टकराएगी गेंद और अब स्कोर रहेगा 35 दो विकेट के नुकसान पे। फ्लिक करना चाहते थे बल्लेबाज इस गेंद को लेग साइड की तरफ, लेकिन नाकाम रहे वो इस गेंद को गैप में खेलने में, जहां पर अब स्कोर रहेगा मैच के अंदर 35। टीम जिम्बाब्वे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए, लेकिन बीच बीच में बाउंड्रीज लग रही हैं टीम जिम्बाब्वे की तरफ से, और इसी वजह से वो हमें अच्छी क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। जहां पर ये गेंद जो है वो दोस्तों आर्म गार्ड से जाकर टकराई थी, काशिफ अली जो है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए। बॉलर है तैयार, शॉट पिच गेंद कट करने की कोशिश और यह गेंद बल्ले का बाहरी किनारा मिस करते हुए जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में, जहां पर अब स्कोर रहते हुए मैच के अंदर 35 दो विकेट के नुकसान पे 6 के बाद। बॉलिंग कार्ड बताओ किसने कितने आउट कर रखे हैं, तो अली क्रिकेट अगर हम बॉलिंग कार्ड की दोस्तों बात कर लेते हैं, स्कोर कार्ड की बात कर लेते हैं, तो स्कोर कार्ड के बारे में आपको बता देता हूं, जहां पर आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड की मुकम्मल सूरत हाल। जी तो दोस्तों, सीन विलियम्स आएंगे, रियान बर्ल आएंगे इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए, जबकि बॉलिंग में मोहम्मद हसनैन ने 2 ओवर्स के अंदर 8 रन देकर 2 विकेट का अपने नाम कर रखा है। फहीम अशरफ ने 2 ओवर्स के अंदर 16 रन देकर कोई भी विकेट का अपने नाम नहीं किया। मोहम्मद नवाज ने 1 ओवर के अंदर 5 रन दे रखे हैं और हारिस स्ट्रोक ने जो है वो 1 ओवर के अंदर अब तक 5 रन दिए हैं, कोई भी विकेट को जो है वो उन्होंने अपने नाम नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिशिएशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कलीम अहमद बोलते हुए कि सही से कमेंट्री करो, तो भाई मेरे और मैं क्या करूँ कमेंट्री के अंदर, अब मुझे बता दें जरा आप इसे कमेंट्री कैसे होती है, हमें जो आती है भाई मेरे हम तो वो कर रहे हैं और अपने आप को जो है वो इम्प्रूव करने की भी हम जो है वो कोशिश करते हैं। 35 है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे 6 विकेट के नुकसान पे, लेवल 3 का कंट्री है जिम्बाब्वे। इंडिया का इंडिया भी जो है वो दोस्तों लेवल 3 का कंट्री बन चुका है, अब कोविड की सूरत हाल जो है वो बहुत ही खतरनाक है इंडिया में भी और जिम्बाब्वे में भी, जहां पर अब कह लीजिए कि बिल्कुल बिल्कुल कोरोना जो है वो दोस्तों फैला हुआ है इन कंट्रीज में, पाकिस्तान में भी कोरोना जो है वो फैला हुआ है। 35 है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे और लेवल 3 के कंट्री में ये होता है कि कोई भी बाहर का आउटसाइडर बंदा जो है वो ना ही ट्रैवल कर सकता है और ना ही मतलब आ सकता है ना ही जा सकता है, तो कुछ ऐसा ही है। जी तो दोस्तों, स्कोर रहते हुए 35 दो विकेट के नुकसान पे 6 ओवर्स के बाद, जहां अगली गेंद विकेटों में आ गई, फ्लिक कर दिया है मिड विकेट के रीजन में, हवा में है गेंद और बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद 6 रन के लिए, क्या कहने हैं, बहुत ही बड़ा छक्का लगाते हुए
बैट्समैन क्रेग इरविन जिन्होंने इस गेंद को स्मैश किया मिड विकेट के रीजन में, हवा में रही यह गेंद और जाएगी यह गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए, एब्सोल्युटली गॉर्जियस हिट, बहुत ही खूबसूरत जो है वो दोस्तों छक्का लगाया गया मिड विकेट के रीजन में बल्लेबाज की ओर से, और इसी तरह वो अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो को लाइक लाजमी तौर पे करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पे करिएगा, जहां पर अब उस्मान कादिर हैं तैयार शॉट पिच गेंद, एक दफा फिर पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के रीजन में। उस्मान कादिर की लाइनो लेंथ जो है वो मेरे हिसाब से इतनी अच्छी सेट नहीं हो पा रही, और इसी वजह से जो है वो उस्मान कादिर थोड़ा स्ट्रगल करते हुए हमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल दोस्तों, थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें ये प्लेयर। मुबारक हो, आप अच्छी कमेंट्री दे रहे हैं मोहम्मद रियाज भाई बोलते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अगर कमेंट्री अच्छी लग रही है तो फिर कर क्या रहे हैं आप तमाम दोस्त, वीडियो को ना ही लाइक कर रहे हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने भाइयों को जो है वो कमेंट्री अच्छी लग रही है। अगर आपको लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जहां पर अब 42 रहते हुए स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर्स और 2 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर होते हुए पूरा, जहां अंदर आती हुई गेंद बल्ले का इनसाइड आइस लेगी और जाएगी लेग साइड की तरफ। मेरा नाम वासिफ अली है ब्रो। फाइन लेग की और जाएगी ये गेंद, एक और सिंगल का होते हुए इजाफा, जहां पर अब स्कोर हो जाएगा मुकाबले के अंदर 42 2 विकेट के नुकसान पे, 0 रन बनेंगे इस गेंद के ऊपर। सॉरी आशिफ अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अब अपनी बातचीत के सिलसिले को जारी रखे हुए स्वीप करने की कोशिश, ये गेंद बल्ले के आउटसाइड एज को मिस करते हुए जाएगी विकेट कीपर के सर के ऊपर से होते हुए फाइन लेग की ओर। 6 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर होते हुए पूरा। मोहम्मद हसनैन हैट्रिक पर हैं जी। बिल्कुल दोस्तों, जब भी मोहम्मद हसनैन को बॉलिंग के लिए लाया जाएगा तो वो हैट्रिक पर ही होंगे। जुल्फकार अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू दिस लाइव स्ट्रीम एज वेल, जहां पर रब बॉलर है तैयार उस्मान कादिर की ये गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, खुदली गेंद के ऊपर बीट होते हुए ये बल्लेबाज, और ये गेंद उनके बल्ले के आउटसाइड एज को मिस करते हुए जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में। स्मैश करना चाहते थे बल्लेबाज इस गेंद को लेग साइड की तरफ, लेकिन नाकाम रहेंगे, जहां पर गुगली गेंद थी टप्पा लेने के बाद बाहर की तरफ निकली और ये गेंद बल्ले के आउटसाइड एज को मिस करते हुए गई विकेट कीपर के दस्तानों में, जहां पर अब 43 रहते हुए स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे, एक दफा फिर बड़ा शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड हिट किया है इस गेंद को और भेज दिया है इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौका, मच नीडेड बाउंड्री फॉर टीम जिम्बाब्वे। इस बाउंड्री की जो है वो दोस्तों टीम जिम्बाब्वे को बहुत ही अशद अंदाज से जरूरत थी जो कि लगी है। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लगते हुए चौका, जहां पर अब 7 के बाद 47 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। माय नेम इज वासिफ अली ब्रो, जो कि चैनल का नाम है क्रिक टेल्स बाय वासिफ, तो वासिफ अली है मेरा नाम, जहां पर रब एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है वो आपको बताता चलूं कि चौका जो है वो हमें देखने को मिला। सईद अख्तर ने हमें ज्वाइन कर रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। 47 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे 7 के बाद बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 13 ओवर्स का खेल होना। 13 ओवर्स के अंदर ये टीम कितने रन बनाएगी ये आपने बता देना। अगले मैच के अंदर बाबर आजम को अच्छा परफॉर्म करना होगा और अगले मैच के अंदर देखना होगा कि कुछ तब्दीलियां जो है वो टीम पाकिस्तान के अंदर की जाती हैं या नहीं की जाती है, इस चीज़ को जो है वो दोस्तों चेक किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है वो हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दी है। मोहम्मद नवाज को जो है वो बॉलिंग के लिए लाया जाएगा। मोहम्मद नवाज की जहां तक बात कर लेते हैं दोस्तों, तो नवाज एक बेहतरीन किस्म के गेंदबाज हैं और इन्होंने पिछले दौरे के अंदर आपको याद होगा कि टीम जो थी साउथ अफ्रीका उनको वक्त में डाल के रखा हुआ था। जी बिल्कुल दोस्तों, बॉलर है तैयार, अगली गेंद लेकर आएंगे, विकेट में आती हुई गेंद सीधे बल्ले के साथ डिफेंड कर दिया इस गेंद को वापस बॉलर के पास, एक और डॉट डिलीवरी। 47 रहते हुए स्कोर टीम जिम्बाब्वे का 2 विकेट के नुकसान पे। जैनुल हसन, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल यहां पर नहीं चलेगा भाई, ये आपका घर नहीं है भाई, जहां पर आप किसी को भी गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर देंगे, ये फैमिली है हमारी और फैमिली के अंदर आप जो है वो अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए। जहां अगली गेंद पैड्स पर आएगी, फ्लिक कर दिया इस गेंद को लेग साइड की तरफ, गैप में है गेंद, एक और सिंगल का होते हुए इजाफा, सिंगल के साथ हो जाएगा स्कोर 47 2 विकेट के नुकसान पे। 7 ओवर्स और 1 गेंद का खेल मैच के अंदर होते हुए पूरा। टारगेट कितने का, 150 रन का टारगेट है। 3 विलियम्स इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, अपनी टीम के कप्तान हैं और बढ़िया कप्तानी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं दोस्तों 3 विलियम्स। जहां पर अगर हम बात कर लेते हैं कि तो वह 17 के स्कोर पर मौजूद है, 11 गेंदों का कर रखा है उन्होंने सामना। अकील समर एंड मॉर्ने वेन वेक जो है वो दोस्तों कमेंट्री करते हुए आज के इस मुकाबले के अंदर, जहां पर अब बॉलर है तैयार अपने अमर की गेंद लेकर।
स्मैश कर दिया है फाइन लेग के रीजन में, इस गेंद को भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। जी हाँ दोस्तों, फाइन लेग के रीजन में इस गेंद को उठाया और ये गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। एक और इंपॉर्टेंट चौका लगाते हुए लैप किया था इस गेंद को और मिडल ऑफ द बैट होते हुए जाएगी ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर एक और चौके के लिए। With that four, the score moves on to 52 on the loss of two wickets. इसी किस्म की बाउंड्रीज लगानी होगी जहां अगली गेंद पैड्स पर आएगी। इस गेंद को फ्लिक कर दिया लेग साइड की तरफ, एक और सिंगल का हो जाएगा इजाफा। रोजा लग रहा है, जी नहीं भाई रोजा क्यों लगेगा हमें बताइए जरा मुझे, टेल मी अबाउट योर फैमिली मेंबर्स। तो ये जितने भी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जहां कहीं से, ये हमारे लिए फैमिली की ही हैसियत रखते हैं गाइस। इन नॉन मिस को पक्का पक्का जो है वो हाइड किया जाए, इस बंदे को समय नहीं लग रहा, बार बार गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही है। बॉलर है तैयार मोहम्मद नवाज, अपने ओवर के लिए गेंद लेकर आएंगे। स्वीप कर दिया इस गेंद को फाइन लेग के रीजन में, गैप में है गेंद और बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई गेंद एक और चौके के लिए। दो गेंदे और दो चौके लगते हुए इस ओवर के अंदर जहां पर विकेट टू विकेट बॉलिंग करवाते हुए मोहम्मद नवाज, लेकिन उतनी ही जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी करते हुए टीम जो है वो जिम्बाब्वे के ये प्लेयर, जहां इस गेंद को स्वीप कर दिया था लेग साइड की तरफ, मिलेगा चौका एंड चौके के साथ हो जाएगा स्कोर अब मैच के अंदर 57 दो विकेट के नुकसान पे। 7 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल मैच के अंदर हो चुका है पूरा। बॉलर है तैयार मोहम्मद नवाज, एक तबा फिर से आएंगे, गेंद क्या विकेटों में आएगी, ये गेंद सीधे बल्ले के साथ खेल दिया इस गेंद को वापस बॉलर के पास। रिक्वायर्ड रन रेट 7.75 का, 7.75 का है रिक्वायर्ड रन रेट, जबकि करंट रन रेट जो है वो दोस्तों 7 का है इस मुकाबले के अंदर। बहरहाल अब देखना होगा कि कौन सी टीम जो है वो आज के इस मुकाबले को जीती है, जहां पर अब 57 है स्कोर दो विकेट के नुकसान में। मोहम्मद नवाज ने 3 ओवर्स 2 ओवर्स करवाए, 2 ओवर्स के अंदर 15 रन दिए, थोड़े महंगे साबित हुए मोहम्मद नवाज। जहां पर अब देखना होगा कि दूसरी तरफ से बॉलिंग करवाने वाले बॉलर किस किस्म की बॉलिंग करवाते हैं। याद रहे दोस्तों कि अभी मोहम्मद असनैन को बॉलिंग के लिए लाया जाएगा, जो कि हैट्रिक पर हैं दोस्तों, और जब वो अगले ओवर की पहली गेंद करवाएंगे तो वो हैट्रिक चांस पर होंगे। देखना होगा कि वो अपनी हैट्रिक को पूरा कर पाएंगे या नहीं। ज्यादातर दोस्त जो है वो बोलते हुए कि पाकिस्तान की टीम हारेगी मुकाबले को, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी, मैच अच्छा होगा, टेंशन ना लें आप, मजा आएगा मैच को देखकर। मोहम्मद हफीज को फाइनली बॉलिंग के लिए लाया गया है, काफी देर हो गई उनको बॉलिंग करवाते हुए हमने देखा नहीं है दोस्तों। जहां पर अब मोहम्मद हफीज आएंगे बॉलिंग लेकर, जहां इस कवर के लिए गेंद, इस गेंद को रूम बनाकर खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, गैप में है गेंद एक और सिंगल का होते हुए इजाफा। सिंगल के साथ अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे 4400 दोस्त। जहां वीडियो को लाइक करते हुए दिल से शुक्रिया भाई लोग आपका, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ये विकेट जो है वो दोस्तों बॉलिंग विकेट थी, जहां पर अब 59 है स्कोर दो विकेट के नुकसान पे, 2 रन दिए गए हैं इस गेंद के ऊपर। गेंद बड़ा शॉट लगाया गया है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, एक रन का होते हुए इजाफा एंड सिंगल के साथ ये प्लेयर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे, जहां पर अब स्कोर हो जाएगा मैच के अंदर 59 दो विकेट के नुकसान पे। शिवम भाई देख लें, देखते हैं आपकी दिली हसरत पूरी होती है शिवम या नहीं होती। इंडियन दोस्त जो हमारे साथ मौजूद हैं वो तो चाहेंगे कि पाकिस्तान की टीम हारे, चलिए भाई देखते हैं आपकी ख्वाहिश पूरी होती है अब या नहीं होती। जहां पर अब 60 है स्कोर दो विकेट के नुकसान पे, हमने वैसे कभी भी ऐसी चीज नहीं सोची इंडिया के लिए, हम तो हमेशा सपोर्ट करते हैं एशियन टीम को, हम तो हमेशा सपोर्ट करते हैं अपनी टीम्स को। जहां पर अब स्कोर रहते हुए मैच के अंदर 60 दो विकेट के नुकसान पे, बड़ा शॉट के रीजन में, गैप में है गेंद सिंगल का होते हुए इजाफा, दूसरे के लिए वापिस आना चाहते थे ये दोनों बल्लेबाज। 2 रन के साथ हो जाएगा स्कोर, अब बल्कि सिंगल के साथ 61 हो जाएगा स्कोर दो विकेट के नुकसान पे। 8 ओवर्स और 3 गेंदों का खेल अब मैच के अंदर हो चुका है पूरा। सेट है स्कोर दो विकेट के नुकसान पे, बैकफुट पर रहते हुए पंच कर दिया है मिड विकेट के रीजन में इस गेंद को, एंड इसी के साथ मिलेगी सिंगल एंड सिंगल के साथ हो जाएगा स्कोर जो है वो दोस्तों 62 दो विकेट के नुकसान पे। स्प्रेड लव नॉट हेट, हमारी तो हमेशा जो है वो दोस्तों यहां पर कोशिश होती है कि हमेशा प्यार को जो है वो फैलाया जाए, अब आपकी कोशिश क्या है ये देखने वाली बात। जी तो दोस्तों मोहम्मद हफीज 104 मैचेस के साथ नंबर 3 की पोजीशन पर मौजूद है, मोस्ट मैचेस जो है वो दोस्तों नंबर 3 की पोजीशन पर खेल रखे हैं। जहां पर रगड़ी गेंद को स्मैश कर दिया है कवर्स के रीजन में, गैप में है गेंद एक रन का इजाफा, दूसरे के लिए वापस आ जाएंगे ये दोनों बल्लेबाज। अच्छे रन विकेट्स करते हुए
ये दोनों बल्लेबाज यहाँ पर रब 64 है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे, 8 ओवर्स और 5 गेंदों का खेल अब हो चुका मैच के अंदर मुकम्मल। शोएब मलिक ने 116 टी20 मैचेस खेल रखे हैं, सबसे ज्यादा मैचेस। रोहित शर्मा ने 111 मैचेस खेल रखे हैं और मोहम्मद हफीज ने 104 मैच खेल रखे हैं। जहां बैकफुट पर रहते हुए कट कर दिया इस गेंद को डीप पॉइंट की तरफ, गैप में अगेन एक और बढ़िया शॉट, सिंगल मिलेगी गेंद के ऊपर और दूसरे के लिए वापिस आते हुए ये दोनों प्लेयर्स, एंड 2 रन के साथ हो जाएगा स्कोर।